न्यूमेरिकल, किसका न्यूमेरिकल? चैप्टर नंबर 7, गतिमान आवेशम चुंबकीय क्षेत्र, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसमें कुल मिलाकर के नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इज 54, 54 न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, और सबको मैं लगवा दूंगा लाइन से। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है इसका, फटाफट देखते हैं। कह रखा है कि एक जो है समतल वृत्ताकार, ठीक है ना, एक प्लेन सर्कुलर क्या है क्वायल, उसमें 100 फेरेज है, टर्न्स हैं, और उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। फेरे कितने हैं? 100, ठीक है ना। और उसके बाद क्या चीज क्या रखा है, रेडियस उसका 3 सेंटीमीटर है। फिर क्या चीज क्या रखा है कि उसमें 2 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का। और क्या रखा है कि जो आपकी क्वायल है उसके सेंटर से कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। अगर आप इजाज़त दें तो इसको 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कह दूँ, ठीक है ना। और इसका रेडियस कितना है आप देख पा रहे हैं, 3 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और उस पर आपको बतानी है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इसी पॉइंट पर आपको क्या बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इस पॉइंट को इससे अटैच करा दें, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ए है। और अगर किसी को याद हो इसका फार्मूला अच्छे से, तो मैंने इसको डेरिवेट कराया बेटा, इसका फार्मूला। और जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी इस पर, वो क्या आई थी, मतलब मुझे लर्न तो नहीं है लेकिन याद तो मुझे है, मतलब कराया था डेरिवेशन तो ये तो मुझे याद ही है। तो इसका जो फार्मूला है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज बेटा म्यू जीरो अपान 4π2π कैपिटल एन आई ए स्क्वायर अपान क्या चीज़ बेटा, ए स्क्वायर का मतलब क्या चीज़ है, ये है आपका ये चीज़ बेटा, रेडियस इसका आर स्क्वायर। फिर अपान क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3y कितना, 2। ये है मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला। कहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है एक्सिस के किसी पॉइंट पर, ठीक। और सारी चीज़ आपको सवाल में प्रोवाइड कर रखी है। अब फटाफट देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए। देखें करना कुछ है नहीं, रखना है वैल्यू। इसकी वैल्यू ठीक 2π रहन दीजिए सर, n कितना है 100 है, करंट कितना फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, रेडियस कितनी है बेटा 3 यानी 9 सेंटीमीटर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर की पावर कितना है बेटा 3/2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ है सेंटीमीटर, ठीक है। 2π से कोई ज़रूरत नहीं, 2π रहने दीजिए आप ऐसे। b इज इक्वल टू क्या बता, ये 2 बचा, पाई का मतलब 3.14 गुड़े, फिर ये कितना बचा 2 बचा, फिर कितना बचा 9 बचा, है ना बेटा। और देख लीजिए थोड़ी सी आप और देख लीजिए क्या चीज़ बेटा, यहाँ पर जो चीज़ बची हुई है 5 की पावर कितना है 3 है, यानी 125 हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या बचा है, 100 बचा है, 100 से 2 हटा दिया, 10⁻⁻ कितना बचा है 7 बचा है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर बचा है, तो 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कैंसिल हो जाएगा। देख लीजिए आप थोड़ा गौर करिए, सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आप समझते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर खत्म, केवल 1 सेंटीमीटर बचेगा नीचे, उसको मीटर में बदलने के लिए 10⁻²⁻ कर देंगे, वो मीटर आ जाएगा। और यहाँ पर न्यूटन पर क्या बचा है, एम्पियर बचा है। यानी अगर आप इन सारे कैलकुलेशंस को करते हैं जो वैल्यू आएगी वो 9.04 × 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर आएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड है। अगर डायरेक्शन की बात कर दें तो अलॉन्ग टू एक्सिस, ये डायरेक्शन होगा किसका, बी का, ठीक है बेटे। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कह रखा है एक कोई बेटा क्या है परिनालिका है, सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है। सोलेनॉइड की पूरी लेंथ जो दे रखा है ये 20 सेंटीमीटर, कोई बात नहीं। फिर क्वेश्चन में कह रखा है रेडियस 1 सेंटीमीटर और इसमें 5000 टर्न्स हैं, इसका जो रेडियस है ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर और इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो 5000 दे रखा है, ठीक है। फिर कह रखा है 0.4 एम्पियर की करंट है, आई 0.4 एम्पियर की करंट है। फिर क्या चीज़ क्वेश्चन कह रहा है, कह रखा है इसके कहाँ पर, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, और कह रखा है मैग्नेटिक फील्ड एट द टर्मिनल, सिरों पर भी बता दें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और कह रखा है कि अगर आप चाहें तो पाई की वैल्यू 3.1 क्या ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किसी भी प्रणालिका के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है
म्यू जीरो एन इंटू क्या होती है, आई होती है। आप वैल्यू रख दीजिए म्यू जीरो मल्टी एन का मतलब कैपिटल एन टोटल टर्न्स एंड टोटल लेंथ मल्टी आई। अगर आपको म्यू जीरो की वैल्यू नहीं पता है तो होती है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, और कैपिटल एन की वैल्यू कितनी है 5000, और एल की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ऐसे कर दीजिए। करंट की वैल्यू आपके सामने है, पॉइंट कितना एम्पियर 4 एम्पियर, और एम्पियर से एक एम्पियर कट जाएगा। उसके बाद सर देख लीजिए 4 का 4 ही होता है, पाई का मतलब 3.14 होता है, उसके बाद 5000 है। अगर आप दिमाग लगाएं 5000 दो जीरो ऊपर जाएगा, दो जीरो और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया 3 जीरो हो गया, एक जीरो से एक जीरो क्या कर दीजिए काट दीजिए, ठीक है, दशमलव हटा दीजिए, फिर एक जीरो काट दीजिए, फिर कितना बचा 3 ही जीरो बचा, और उसके बाद जब 3 जीरो बचा तो कोई बात नहीं 2 दुनाई कितना होता है 4 होता है, ये भी हो गया। सर यहाँ देख लीजिए मल्टी 2 कर दीजिए, उसके बाद यहाँ बचा 5, वो भी कर दीजिए, 5 भी कर दीजिए, फिर क्या बचा है 3 जीरो बचा है, तो -7 में 3 जीरो जब ऐड करोगे माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और न्यूटन पर एम्पियर क्या आ जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर 1 मीटर, ठीक है ना। अब इसको अगर आप मल्टी कर दें 5 × 10 हो जाएगा, जब 10 हो जाएगा तो फिर ये इसमें एक ऐड हो जाएगा, फिर इसको जो है 14 × 3 = 56 होता है, 4 × 3 = 12.56 और × 10⁻³ ये टेस्ला हो जाएगा, ठीक है ना। ये बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आएगा जो आपके आँख के सामने है, कितना 12.56 × 10⁻³, ये हो गया। सर ये तो आ गया सेंटर पर, सेंटर पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए किस पर, टर्मिनल पर, तो जो टर्मिनल पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वो सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का हाफ होता है, तो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड 12.56 × 10⁻³ टेस्ला है, हाफ कर दीजिए 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 2.8 हो जाएगा × 10⁻³ टेस्ला, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 3 क्या है, कह रखा है कि बेटा 50 सेंटीमीटर लेंथी कोई जो है सोलेनाइड है, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 4.0 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है। पहली बात तो लंबाई है सोलेनाइड का कितना 50 सेंटीमीटर, और उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना दे रखा है बेटा आपको 4.0 × 10⁻²⁺ टेस्ला दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। फिर क्या चीज़ कह रखा है उसमें करंट 8 एम्पियर होती है, 8 एम्पियर की करंट होती है, 8 एम्पियर की करंट होती है, तो उसमें कह रहा है नंबर आप क्या बता दीजिए, टर्न्स बता दीजिए, ये क्वेश्चन ने पूछा हुआ है, ठीक है ना। और कह रखा है कि पाई की वैल्यू आप 3.14 एडॉप्ट कर लीजिए, तो बहुत सिंपल है भैया, बी एट द सेंटर म्यू जीरो एन आई, यही होता है। सर म्यू जीरो की वैल्यू 4, पाई का मतलब 3.14 × 10⁻⁷ मल्टी आपको यन चाहिए, यन का मतलब कैपिटल एन बाई यल होता है, और आई की वैल्यू 8 एम्पियर दे रखा है, और बी जो सेंटर पर दे रखा है वो 4 × 10⁻²⁺ क्या है बेटा टेस्ला है, 4 × 10⁻²⁺ टेस्ला, ये हो गया। अभी आप और देख लें जरा सा इसमें फटाफट, बहुत बड़ी बात होती नहीं है, ये देखिए सारी चीज़ें, ये लेंथ की वैल्यू भी रख दी, लेंथ कितना दे रखा है बेटा कितना है 50 सेंटीमीटर, तो 50 × 10⁻²⁺ मीटर। तो पहली चीज़ जो सॉल्व हो गई वो ये हो गई बेटा क्या कि टेस्ला का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, टेस्ला का मतलब सबको पता है, टेस्ला का मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर, तो ये एम्पियर मीटर न्यूटन टेस्ला सब कट जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद 4 से क्या कट जाएगा, 4 कट जाएगा। अब यहाँ से हमको केवल क्या निकालना है, सॉरी ये हो गया, ये मैंने म्यू जीरो का क्या नहीं रखा है, ये तो यन हमारा क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, म्यू जीरो का यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर क्या स्क्वायर, तो एक एम्पियर से एक एम्पियर कट जाता है यहाँ पर, ठीक है ना, तो न्यूटन पर एम्पियर और मीटर ये टेस्ला कट जाता है। अब कुल मिलाकर के हमको कैपिटल एन की वैल्यू निकालनी है, तो इधर बचा है 10⁻², बचा है ना, फिर 10⁻⁷ नीचे आता है, ऊपर जाता +7 हो जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है कि इधर 10⁻², का इधर फिर मल्टी हो जाता, फिर क्या हो जाता है बेटा 3.14 इसके नीचे आ जाता, फिर क्या हो जाता है बेटा 50 का भी इधर क्या हो जाता है मल्टी हो जाता, कर दीजिए सर 50 का मल्टी मतलब 5 × 10⁻¹, ये हो गया। अब यहाँ 8 बचा हुआ है, तो 8 भी कहाँ आ जाएगा, अब देख लीजिए 8 भी, ये जो हमारा माइनस तो है, ये जो हमारा कौन है -2 है, ठीक सही है। अभी जो 8 भी ऊपर है ये भी कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। और कुल मिलाकर के यहाँ से नंबर ऑफ क्या आ जाएगा, टर्न्स आ जाएगा, गुणा भाग करने में आप तेज है, कुल मिलाकर नंबर ऑफ टर्न्स आएगा 1990 फेरे, ठीक है। कितने करंट, कितने फील्ड के लिए, इतने फील्ड के लिए सेंटर पर, इतने फील्ड के लिए अगर 50 सेंटीमीटर लंबी परिनालिका है, 8 एम्पियर करंट है, तो 1990 फेरे होने चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रखा है 50 सेंटीमीटर लेंदी कोई बेटा सोलेनाइड है, 50 सेंटीमीटर लेंदी है
उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड 4×10⁻²⁺ है। फिर कह रखा है कि उसमें करंट 8 एम्पियर है। फिर क्या चीज कह रखा है कि उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होने चाहिए, ठीक है ना। और आप चाहें तो पाई की वैल्यू 3.14 ले सकते हैं। ये क्वेश्चन निकाला है, बहुत सिंपली निकल जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। सबको पता है बी सेंटर, म्यू जीरो एन आई होती है। अब 4×10⁻²⁺ का मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। म्यू जीरो की वैल्यू 4π×10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। एन की वैल्यू कैपिटल एन बाई एल बराबर 50 सेंटीमीटर, और आई बराबर 8 क्या है, एम्पियर है। तो एक एम्पियर से एक एम्पियर कैंसिल। अब उसके बाद आप थड़ाथड़ देख लें कैसे आप इसको सॉल्व, 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 10⁻²⁺ है, -7 इधर आएगा, +7 हो जाएगा। फिर ये देख लीजिए कुल मिला करके और क्या बच रहा है, ये देखिए 8 है इसके नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर 5 है इधर चला जाएगा, और इंटू 10 है मतलब 0। फिर देखिए सेंटीमीटर का मीटर बदलोगे, मीटर का मतलब 10^-2 करोगे, 10^-2 करोगे तब मीटर होगा, तो -2 का फिर इधर मल्टी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी हो गया, पाई को भी कहाँ लेते आओ, नीचे लेते आओ। फिर उसके बाद बचा क्या जी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, कैंसिल हो गया बेटा। उसके बाद केवल एक चीज़ की वैल्यू आएगी, वो कौन आएगी बेटा, एन की वैल्यू आएगी। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू आएगी, अगर आप पूरा सॉल्व करते हो पाई की वैल्यू रख करके, तो 1990 क्या आ जाएगा, टर्न्स आ जाएगा, इतने फेरे चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। एक जो है सोलेनॉइड है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, 1 मीटर, और उसका जो व्यास है वो लगभग 3.0 सेंटीमीटर है। आप सोचने की बात यह है कि भैया 1 मीटर लेंथ है, कितने मीटर लेंथ है, 1 मीटर, और ये जो डायामीटर है वो जो है 2R कितना है, 1 डायामीटर 3 सेंटीमीटर। अब आप सोच लीजिए कोई चीज़ 1 मीटर लंबी हो और 3 सेंटीमीटर चौड़ी हो, तो मैं कह सकता हूँ कि 2R बहुत कम है इन कंपैरिजन टू लेंथ। अगर इसका व्यास मतलब डायामीटर प्रणालिका की लंबाई की तुलना में बहुत कम है, तो मैं मान सकता हूँ कि जो सोलेनॉइड है वो इनफाइनाइट लेंथ की, अनंत लंबाई की है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि 800 फेरों की कितनी पड़ते हैं, 5 पड़ते हैं, 800 फेरों की 5 पड़ते हैं, यानी नंबर ऑफ टर्न्स टोटल कितना हो जाएगा, 800×5 यानी कितना, 8×5=40, 4000 फेरे हो गया इसमें, ठीक है। कह रखा है कि इसमें करंट जो है 5 एम्पियर है, I=5 एम्पियर है। तो कह रखा है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बता दें, तो आप सबको पता है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड μ0n×I होता है, ठीक है ना। μ0 का मतलब 4π×10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, स्मॉल n का मतलब कैपिटल n अपान l, 4000/l बराबर कै मीटर है, 1 मीटर है। I बराबर कितना एम्पियर है, 5 एम्पियर है। पहली बात तो एक एम्पियर से एक एम्पियर कट जाएगा, 4 जा कितना, 16 पाई हो गया। अब ये 300 मतलब ये कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर 10⁻⁴ कितना, -4 हो जाएगा। न्यूटन पर एम्पियर मीटर का मतलब क्या होता है, टेस्ला, और ये 5 बचा हुआ है तो मल्टीफाइव कर दीजिए, 16×5=80 के 8 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ×10⁻³ टेस्ला हो जाएगा, ठीक है ना। ये लगभग लगभग आ गया है आपका, यानी बहुत आसानी से आ तो गया। अब तुम चाहो तो पाई की वैल्यू रख दो, 8, पाई का मतलब 3.14, ×10⁻³ टेस्ला। अब 8×3=24 होता है, मतलब कुल मिलाकर 25 समथिंग आ जाएगा, इजीली निकल आया फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इसको देखें। कह रखा है कि एक फिगर दिया है और इसमें एक वायर है, उसको क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, और जो वायर को मोड़ते हैं वो इस तरीके से मोड़ रहे हैं। मतलब अजीब अजीब सवाल है ये है वायर को मोड़ने का तरीका, ठीक है। कह रखा है कि 10 सेंटीमीटर रेडियस है इसका, ये सेंटर मान लेते हैं, और उसका रेडियस जो दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या कह रखा है, 8 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक, इसमें वही करंट, ठीक है, ये आपको सवाल दे रखा है। फिर क्या कह रखा है कि इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बता दें, सेंटर पर बी की वैल्यू और डायरेक्शन सब कुछ बताना है तुमको, बहुत सीधी सी चीज़ है। क्या इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक तो इस वायर के कारण होगा, ये जो सीधी तार है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, एक तो जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बी क्या, स्ट्रेट वायर के कारण, इसको नाम रख दो ए बी के कारण होगा। ये वो कहाँ की ओर होगा, अगर हम रूल लगाते हैं किसका, राइट हैंड पाम का रूल नंबर क्या, फर्स्ट, राइट हैंड पाम का
रूल नंबर फर्स्ट लगाते हैं, तो फील्ड अंदर की ओर होगा इसका, अंगूठा धारा की दिशा, अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत जहां पर फील्ड निकालना है, तो अंदर की ओर, ठीक है ना। यानी कि अब आपको ये समझ में आया कि जो बी ए बी होगा वो अंदर की ओर होगा, और अंदर की ओर को हम क्रॉस से दिखाते हैं। अब देख लेते हैं जरा, ये जो सर्किल आप देख रहे हैं, सर्किल के कारण, लूप के कारण जो है यहाँ पर फील्ड, ये करंट इधर और अंगुलियां इसकी ओर, कहाँ की ओर, बाहर की ओर। यानी कि इस लूप के कारण यहाँ पर जो फील्ड है सेंटर पर, वो बाहर की ओर है, ठीक है। यानी एक फील्ड अंदर की ओर और इसके कारण लूप बाहर की, मतलब फील्ड बाहर की ओर, सीधी लाइन के कारण अंदर की ओर और लूप के कारण बाहर की ओर, तो दो डिफरेंट डायरेक्शन हो गए, और डिफरेंट डायरेक्शन हो गए तो फिर ऐड नहीं होगा, क्या होगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। डिफरेंस लगा दीजिए, बी किसके कारण, ये लूप के कारण हो गया। समझ गए इस चीज़ को। चलिए अब पहले आप एक काम करिए, बी ए बी वायर कारण निकालिए और बी लूप, दोनों कारण पहले क्या निकाला जाए बेटा, फील्ड निकाला जाए। आइए आपको दिखाते हैं, बी वायर के कारण म्यू जीरो अपान कितना, फोर पाई टू आई अपान कितना होता है, आर होता है, ठीक है ना। और आर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये, ठीक। तो ये हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए, इस लूप के कारण फार्मूला क्या होता है, लूप का, सारी दुनिया को पता है लूप का फार्मूला। अब जिसको ना पता हो भाई, हम क्या करें, म्यू जीरो आई अपान टू आर, ये लूप के कारण है, लूप के कारण है ये फील्ड, ठीक है ना, सेंटर पर। और आर लगाने तो रेडियस है। अब क्या हुआ, हमको दोनों मिल गया, बी ए बी मिल गया और बी क्या मिल गया, लूप मिल गया। अगर आप ध्यान दें ए बी में और लूप में, अगर आप देखें तो म्यू जीरो आई अपान क्या, आर, ठीक है ना। और यहाँ पर म्यू जीरो आई अपान क्या, टू आर। सेंसेबल होइए, इजाज़त दीजिए तो दो से इसको काट दें, बस दो पाई हो जाएगा, हो जाएगा ना बेटा। तो अब आप देखो म्यू जीरो आई अपान टू पाई आर, म्यू जीरो आई अपान टू आर। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैं कुछ लिखने चल रहा हूँ। म्यू जीरो आई अपान टू आर, म्यू जीरो आई अपान टू आर सेम है, यहाँ पाई ज़्यादा है, और पाई ज़्यादा है अगर तो बी ए बी कम होगा, बी ए बी कम है किससे, बी लूप से। कैसे, चूंकि ये जो पाई है वो बी ए बी को कम कर दे रहा, बाकी तो सब कुछ सेम है, म्यू जीरो आई अपान आर, म्यू जीरो आई अपान वही टू आर, वही टू आर, लेकिन पाई यहाँ पर जो नीचे ज़्यादा हो गया एक्स्ट्रा, वो बी ए बी को कम कर दे रहा। यानी हम सीधे सीधे कहेंगे कि जो सेंटर पर फील्ड होगा वो क्या होगा, बी ए बी माइनस बी क्या, सॉरी ज़्यादा कौन हुआ, आई एम सॉरी, ज़्यादा कौन हुआ, कौन ज़्यादा हुआ, लूप वाला ज़्यादा हुआ, लूप वाला ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा वाला बाहर है और इसके कारण अंदर वाला कम है, तो जाहिर सी बात है नेट जो फील्ड निकलेगा वो लूप में से किसको माइनस करने पर, बी ए बी को माइनस करने पर, जीता कौन लड़ाई में, लूप जीता, और लूप का फील्ड है कहाँ, बाहर की ओर है। यानी अगर इस पर वेक्टर लगाएं तो जो नेट फील्ड का डायरेक्शन आ जाएगा वो बाहर की ओर आएगा। वैल्यू रख दीजिए म्यू जीरो आई अपान टू आर, और बी ए बी म्यू जीरो आई अपान, ठीक है ना, सिंपली टू पाई कितना, आर, जो कॉमन हो उसे कॉमन कर लीजिए, यही कॉमन निकलेगा। सर म्यू जीरो आई, म्यू जीरो की वैल्यू कितनी होती है, टू, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, सवाल दे रखा है आई की वैल्यू 8 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद फाई का मतलब 3.14 माइनस एक बटे 3.1 क्या, 4 हो गया। अब गुणा भाग करना ये मेरा काम नहीं है, ठीक है ना, जिसका काम होगा वो कैलकुलेशन करेगा, गुणा भाग करेगा। अब गुणा भाग भी अगर हम करने लगे तब तो हो गया भैया 3.4 गुजे था, तो यहाँ से इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, अब देखो मात्रक में ले आया न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन आई बी निकालना है ना। निकालना क्या चीज़ था, मैं वही तो सोच रहा हूँ कि निकालना क्या चीज़ था, ये एक चीज़ मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, क्या चीज़ भैया, कि गया इसका जो यूनिट है म्यू जीरो का, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर है, तो एक एम्पियर से एक एम्पियर घटेगा, ये वाला एम्पियर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो, बाकी 4π 10⁻⁷, 4 और उसके बाद 10⁻², ये सब गुणा भाग करके जो आंसर तुम लेकर आओगे वो आंसर आएगा 3.4 10⁻⁵, और यूनिट तो हम लाई दिए हैं न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये हो गया मैग्नेटिक क्या, फील्ड किस पर,
किस पर? सेंटर पर। और डायरेक्शन आपको दिखाई दिए हैं, कहाँ की ओर होगा? ऊपर की ओर, ऐसे। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? प्रश्न संख्या 6, एक लंबा बेटा क्षैतिज और जकड़ा हुआ तार है, उसमें कई एम्पियर की 100 एम्पियर की धारा बह रही है। मतलब प्रश्न को समझने की जरूरत है। ये एक तार है, जकड़ा हुआ है मतलब कोनों पर, किनारों पर ऐसे कसा हुआ है बेटा, ये सवाल कह रहा है। और इसमें करंट की वैल्यू कितनी है? 100 एम्पियर है। फिर क्या चीज कह रखा है कि भैया इसके ऊपर जस्ट इसके पैरेलल एक और बिल्कुल पतला सा तार है और उसमें 200 एम्पियर करंट है। ये एक और पतला सा तार है, इसमें करंट की वैल्यू कितनी है? 200 एम्पियर है। ठीक है, ये भी सही है। फिर कह रखा है कि इसका जो वेट है ऊपर वाले तार का 0.05 न्यूटन पर मीटर है, इसका वेट नीचे की ओर होगा। सबका वेट नीचे की ओर होता है, वो वेट जो दे रखा है, वेट बाय लेंथ कितना दे रहा है? 0.02 न्यूटन पर क्या है बेटा? मीटर है। इसका वेट है, ये वेट मतलब भार, सबको पता ना, इसका भार जो नीचे की ओर है 0.02 न्यूटन, 02 नहीं बेटा 0.05 न्यूटन पर मीटर है। फिर कह रखा है कि ये बताओ निचले तार में कितना, कह रखा है कि निचले तार से कितना ऊपर रखें, इस ऊपर वाले वायर को इस वायर से कितना डिस्टेंस पर रखें, कितने डिस्टेंस पर रखा जाए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो कि ये तार जो है क्या हो रहा हो, ये तार ऐसे ऊपर हवा में रहे, मतलब भले इसका भार नीचे की ओर लेकिन ये नीचे ना आवे। तो ये नीचे तभी नहीं आ पाएगा, कब? जब मैं करंट का डायरेक्शन दोनों वायर्स में क्या कर दूं? अपोजिट कर दूं। अगर इसमें इधर तो इसमें इधर, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होने से ये वाला वायर इस वाले वायर पर रिपल्सन लगाएगा, प्रतिकर्षण लगाएगा। ऐसा नहीं है प्रतिकर्षण ये भी इस पर लगाएगा और ये भी इस पर लगाएगा, लेकिन ये चूंकि जकड़ा हुआ है तो ये वाला भले इस पर प्रतिकर्षण लगाए लेकिन ये वायर नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला जब इस पर प्रतिकर्षण लगाएगा तो ऊपर जाएगा। तो और आप दूरी को ऐसा मेंटेन करो, आप इस डिस्टेंस को ऐसा मेंटेन करो कि इस वायर से इस पर लगने वाला जो प्रतिकर्षण है वो इसके भार जो कहाँ की ओर लग रहा है, नीचे की ओर, बराबर हो जाए। तब जब जितना भार नीचे उतने प्रतिकर्षण ऊपर, तब ये वायर नीचे गिरेगा नहीं। ठीक है ना, यानी लिख सकते हो फार स्टेबल, अगर आप स्टेबल टू स्टेबल द वायर, अगर आप ऊपर वाली वायर को स्टेबल रखना चाहते हो तो जितना नीचे वेट है उतने फोर्स इसके पर यूनिट लेंथ पर उतना ही फोर्स लगना चाहिए, कहाँ की ओर? ऊपर की ओर, और उसके लिए करंट इन अपोजिट डायरेक्शंस। ठीक, तो पूछ रखा है वही बताओ कि कितने डिस्टेंस पर रखा जाए कि फोर्स इतने लगे लेकिन नीचे नहीं, कहाँ? ऊपर। इसके द्वारा इस पर रिपल्सन फोर्स इतना ही लगे ऊपर की ओर, निकल जाएगा। ठीक है ना, एफ बाई एल की वैल्यू हम आपको पहले ही बता चुके हैं, यही होता है। ये वैल्यू रख दिया, I1 एक में 100 एम्पियर है और एक में 200 एम्पियर है, डिस्टेंस जो है दोनों के बीच, यही तो निकालना है आपको, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, और न्यूटन से क्या कैंसिल हो जाएगा, कहाँ गया रही? न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब R को इधर ले आओ, इधर बचा 2 into ये 10^4 -7 है ये साथ में, ठीक है ना, -7 है ये साथ में, ये 0.05 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, मीटर इधर हो जाएगा। अब क्या बचा? आप कुछ नहीं बचा, बड़ी आसानी से निकल जाएगा, ये 4 हो गया, 10 की घाते कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा, और पॉइंट +2 हो जाएगा, नीचे कितना बचेगा? 5 बचेगा, 0.8 आ जाएगा गुड़े, ये 10^-1 कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, और ये मीटर आ गया, अगर आप चाहें सेंटीमीटर में बदलना तो 0.8 × 10^-1 +2 और ये सेंटीमीटर हो गया, यानी हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यानी लगभग 8 सेंटीमीटर कहाँ रखना पड़ेगा? ऊपर रखना पड़ेगा वायर को, समझ गए? यानी कि इस वायर को ऊपर ही लटकाए रखने के लिए इसको इस वाले वायर से 8 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा, वहीं पर रुका रहेगा तभी। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको देखने की ज़रूरत है। कह रखा है कि दो इनफाइनाइट लेंथ के, ठीक है ना, इंसुलेटिंग वायर्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, दो वायर्स हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर और इनफाइनाइट लेंथ के हैं, ये एक वायर, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है और दोनों इनफाइनाइट लेंथ के, कोई बात नहीं। कह रखा है कि एक में करंट 2 एम्पियर और एक में करंट कितना है? 0.15, एक में 2 एम्पियर और एक में 1.5, कोई बात नहीं, भेज दिया। कह रखा है कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट पी है, इससे उसका डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर
और इससे उसका डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि कह रखा है कि पॉइंट पी पर क्या बताएं, मैग्नेटिक फील्ड बता दें, पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड बता दें, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड। तो सिंपल बहुत है, देखिए पी पॉइंट पर एक मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के कारण होगा अंदर की ओर, ठीक है ना। यानी कि अगर पी पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, तो इस पॉइंट पर पहले वायर के कारण मान लेते हैं बी वन, वो कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है। पी पर जो बी वन है वो अंदर है, ठीक है ना। अब उसके बाद अगर यहाँ से देख लें किसके कारण, कि इस तार के कारण इस पर मैग्नेटिक फील्ड वो कहाँ की ओर है, तो ये ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे करंट इस डायरेक्शन में है, अंगुलियाँ नीचे की ओर यहाँ पर संकेत करेंगी, वो भी फील्ड कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। जान गए ना आप इस चीज़ को, अरे यार फ्लेमिंग को समझ गए होगे अब इस चीज़ को, कैसे ऐसे ही तो करते हैं, ऐसे करंट इधर, उंगुलियाँ नीचे अंदर की ओर, इस वाले वायर की बात कर रहा हूँ, इस ओर उंगुलियाँ संकेत करेंगी, यानी कि दोनों फील्ड अंदर की ओर है। B2 भी जो है कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है, तो दोनों B1 प्लस क्या हो जाएगा B2, और दोनों नेट फील्ड अंदर की ओर आएगा। तो पहले निकाल लो BP। अब B1 पहले वायर के कारण म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई वन अपान आर प्लस, यहाँ से इसका डिस्टेंस R1 मान लेते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरे वायर के कारण म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई टू अपान क्या हो जाएगा R2, ये डिस्टेंस को R2 मान लेते हैं, ठीक है। फिर वैल्यू निकाल लो कॉमन, म्यू जीरो अपान फोर पाई टू कॉमन कर लो, क्या बचा आई वन अपान आर वन प्लस आई टू अपान क्या आर टू। सर बी पी म्यू जीरो अपान फोर पाई की वैल्यू कितनी होती है, म्यू जीरो अपान फोर पाई की वैल्यू 1 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होगा, उसके बाद मल्टी क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। I1 अपान R1, तो I1 कितना है बेटा 2 एम्पियर अपान R1 4 सेंटीमीटर, 2 अपान 4 एम्पियर पर सेंटीमीटर प्लस इसकी बात कर लें 1.5/3 एम्पियर अपान सेंटीमीटर। तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, उसके बाद ये 2/4 मतलब पॉइंट कितना होता है 5 होता है, पॉइंट कितना होता है 5 होता है, एम्पियर पर सेंटीमीटर हटा दो, ये भी 1/2.5 और दोनों का एम्पियर पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, एक एम्पियर से एक एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, 0.5 1 हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर क्या एम्पियर, 1/सेंटीमीटर का मतलब 10⁻²⁰ होता है और मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 × 10⁻⁵ हो जाएगा, -2 पड़ जाएगा +2 हो जाएगा, और -5 न्यूटन पर एम्पियर मीटर का मतलब क्या होता है टेस्ला होता है, ये आपकी आँख के सामने है। और फील्ड जो है दोनों का फील्ड अंदर की ओर ही था, तो जो नेट फील्ड का डायरेक्शन आएगा वो कहाँ की ओर आएगा, अंदर की ओर। अब अगला प्रश्न क्या है इसी में, कह रखा है कि भैया अगर एक वायर में, ठीक है ना, एक वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें, एक वायर में करंट का डायरेक्शन क्या कर दें चेंज कर दें, भैया चेंज कर दो एक वायर में, तो एक वायर का मतलब क्या हुआ, ये एक ये दूसरा वायर, तो अगर एक वायर में चेंज कर दोगे तो एक का फील्ड अंदर हो जाएगा और एक का फील्ड कहाँ हो जाएगा बाहर हो जाएगा, नहीं समझ पाए। तो भैया जैसे कि क्या है, इस वाले करंट भी अंदर था और इस वाले करंट भी अंदर था, लेकिन अगर एक का करंट चेंज कर दें ऐसे कर दें डायरेक्शन ऐसे, तो एक के कारण अंदर होगा फील्ड और एक के कारण फील्ड कहाँ होगा बाहर होगा, तो नेट फील्ड कैसे आएगा, तो जो नेट फील्ड आएगा वो बी वन और डिफरेंस किससे आएगा बी टू से आएगा। भाई एक का फील्ड बाहर और एक का फील्ड अंदर हो जाएगा, चूंकि धारा पलट दी जाएगी तो एक का फील्ड अंदर एक का फील्ड बाहर, तो घटा करके नेट निकलेगा, चूंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो भैया घटा करके निकलेगा, तो जहाँ यहाँ प्लस था वहाँ यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, भाई देख रहे हो ना माइनस हो जाएगा तब यहाँ पर, और जब माइनस हो जाएगा तो 2/4 का मतलब भी 0.5 होता है माइनस, और इसका भी मतलब पॉइंट कितना होता है 5, बस कट जाएगा और नेट फील्ड कितना आ जाएगा 0, तब पॉइंट पी पर नेट कोई फील्ड होगा ही नहीं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर एट क्या चीज कह रखा है, एक लेंदी वायर है 10 एम्पियर की करंट है और वो नॉर्थ से किसकी ओर बेटा साउथ की ओर फ्लो हो रही है, ठीक है ना। एक वायर है इसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और वो नॉर्थ से किधर जा रही है साउथ जा रही है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा वायर से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन है, वो साउथ से किसकी ओर जा रहा है नॉर्थ की ओर जा रहा है, इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन है और वो किधर जा रहा है, वो जा रहा है साउथ से किसकी ओर नॉर्थ की ओर, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है जाने की वो दे रखा है कितना 2 मीटर पर सेकंड है,
ठीक कह रखा है इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू बता दें और डायरेक्शन भी बता दें, यानी फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन पर चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहली चीज़ कह दूं कि ये एक चार्ज्ड पार्टिकल है जो वी वेलोसिटी से मोशन कर रही है, और इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इस वायर के कारण यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। उसका डायरेक्शन क्या होगा? करंट नीचे की ओर, उंगलियाँ किसकी ओर, इस पॉइंट की ओर क्या कर रही हैं, संकेत कर रही हैं, तो फील्ड बाहर की ओर होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल, राइट हैंड के फर्स्ट पाम के रूल के। ठीक है ना, राइट हैंड पाम के फर्स्ट रूल से इस पर यहाँ जो फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा, यही है बाहर की ओर का डायरेक्शन, ऐसे पॉइंटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो फील्ड है वो बाहर की ओर है। अब ये तो हम जान गए, लेकिन फील्ड की वैल्यू अभी हमको नहीं पता है, पता लगा लीजिए 2I/R, ये है फील्ड की वैल्यू यहाँ पर, वो भी कहाँ की ओर, बाहर की ओर है। इसको ऐसे दिखा दीजिए, ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी पता है, सब कुछ पता है, फोर्स निकाल दीजिए। तो F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ठीक है ना, थीटा किसकी किसके बीच का एंगल है, V और B के बीच का, V ऊपर है और फील्ड बाहर है, तो एंगल 90 डिग्री। फील्ड इधर है, देख लो, फील्ड इधर है और V ऊपर है, तो एंगल 90 डिग्री है दोनों के बीच। रख दीजिए, इलेक्ट्रॉन का मतलब 19 कूलम, वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर क्या है सेकंड है, बी कितना है बेटा, म्यू 0/4π 2I/R, वैल्यू रखते चले जाइए। μ0/4π की वैल्यू भी रख दीजिए, I की वैल्यू रख दीजिए, डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10^-2 मीटर हो गया। अब उसके बाद यहाँ देखिए यूनिट्स की बात कर ली, यहाँ मीटर पर अभी क्या बचा हुआ, सेकंड बचा हुआ है, कैंसिल। ठीक है ना, कैलकुलेशन करना है आपको, कैलकुलेशन आप कर भी लेंगे मेरे हिसाब से, सारा गुणा भाग अगर आप कर लेते हैं तो बहुत इजीली क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा आंसर, 6.4 × 10^-24, क्या ये बचेगा, सिर्फ कौन बचेगा, न्यूटन। क्यों, अरे भैया फोर्स निकालना है ना, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कूलाम लिखा था, कूलाम को मैं भूल गया हूँ, कूलाम को भी लिख दो, कूलाम का मतलब क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है, वो भी कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, न्यूटन बचेगा। डायरेक्शन की बात करते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगाओ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को, फील्ड बाहर की ओर, फील्ड बाहर है, अब ये देख लीजिए करंट, ऐसे देख लीजिए, फील्ड बाहर है, देख लीजिए फील्ड बाहर है, मैं पहले भी कह चुका फील्ड बाहर था, और इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो करंट कहाँ जाएगा, नीचे, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर चलेगा तो करंट नीचे जाएगा। तो ये देखिए ये फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन चूंकि ऊपर जा रहा है तो करंट नीचे, तो फोर्स इधर लग रहा है, किस तरफ बेटा, वायर की ओर फोर्स लग रहा है, किसकी ओर लग रहा है, तार की ओर लग रहा है फोर्स। ठीक है ना, तार की ओर, किससे निकाला, फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल से निकाला। ठीक है ना, ये हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या क्वेश्चन नंबर 9 में, एक सीधा लंबा तार है, उससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10^-⁻¹ कितनी टेस्ला है, 6 टेस्ला है। ठीक है ना, एक सीधा लंबा तार है, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10^-⁻¹ कितना है, 6 टेस्ला है, ये इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 10^-⁻¹ टेस्ला है। ठीक, कह रखा है कि करंट की वैल्यू बता दीजिए इसमें। भैया बहुत सीधी सी बात है, फार्मूला अगर याद है आपको, 10^-⁻¹ टेस्ला, 1 × 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, 2I आपको निकालना है, ठीक है ना, R इज इक्वल टू 2 × 10^-2 मीटर, कैंसिल। अब भाई टेस्ला का मतलब होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, −7 + 2 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर मीटर, ये मल्टी आई बचा हुआ है, एक एम्पियर से एक एम्पियर, मीटर से मीटर, न्यूटन से न्यूटन, कैंसिल हो जाएगा। आई की वैल्यू जो आएगी ये −5 होती है, हो जाएगा 0.1 क्या बेटा एम्पियर, जहाँ तक आई की वैल्यू करेक्ट आ गई। ठीक है, यही इतनी सी बात है इसका। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10th, ये कह रखा है एक लंबा सीधा तार ले लीजिए, और दिया है ये कि वो लटक रहा है, यानी ऐसे लटक रहा है, ऐसे ये सीधा तार लटक रहा है ऐसे,
कितना बढ़िया ये प्रश्न है, इसको सोचिएगा समझिएगा तभी लगा पाएंगे। ये देखिए लंबा सीधा तार है वो लटक रहा है, ये देखिए चाहे हम आपको ऐसे दिखा दें, ये देखिए ये लटक रहा है तार, यही है लंबा सीधा तार जो लटक रहा है। इसको ज़रा सा और बीच में बनाते हैं, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं, ज़रा सा इसको और बीच में बनाते हैं। ये देखिए लंबा सीधा तार है वो लटक रहा है, लटका दो ये, फिर क्या चीज़ कह रखा है कि ऊर्ध्वाधर लटक रहा है, लटका तो दिया। इसमें 5 एम्पियर की करंट नीचे से ऊपर है, 5 एम्पियर की करंट नीचे से ऊपर है, क्वेश्चन ने कहा है। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि इस वायर के किसी पॉइंट के, ले लिया पॉइंट, इस वायर के किसी पॉइंट के लेने के बाद पॉइंट को इससे 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, ये 20 सेंटीमीटर ये किस डायरेक्शन में है, ये ईस्ट है, सिर्फ ईस्ट ही नहीं वेस्ट भी, 20 सेंटीमीटर वेस्ट में भी, सिर्फ इधर ही नहीं नॉर्थ में भी। तो नॉर्थ बोर्ड की कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, मतलब ये ऐसे ये हमारा वायर होता है ये वाला, ये होता ना, तो ये देखिए ये है ये इधर, ये इस कलम की नोक को देख पा रहे हैं, नोक को, ये वायर से 20 सेंटीमीटर अंदर और ऐसे 20 सेंटीमीटर कहाँ बाहर, 20 सेंटीमीटर इधर और 20 सेंटीमीटर इधर, 20 सेंटीमीटर इधर और 20 सेंटीमीटर क्या इधर, सभी डायरेक्शंस में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यानी यहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ईस्ट में भी, यहाँ पर भी बताना है और अंदर भी बताना है। तो अंदर क्या मैं बोर्ड पर बना पाऊंगा, नहीं बना पाऊंगा, तो अंदर बनाने के लिए छोटा सा तरीका मैं खींच सोच ले रहा हूँ, क्या चीज़ ए, ये देखो मान लो ये अंदर की ओर है, अब आप मेरे हिसाब से समझ जाएंगे, ये अंदर नॉर्थ है, यहाँ पर भी बताना है। और 7 तो आप लोग कभी नहीं दिए, लेकिन नहीं देंगे तब भी हमको बताना तो है ही है, तो मैं बताऊँगा तो है ही, ये मैंने बना दिया है, ये अंदर की ओर, और सिर्फ अंदर ही क्यों बाहर भी, 20 सेंटीमीटर कहाँ भी बाहर भी, अब चूँकि बोर्ड पर बाहर तो ला नहीं सकते तो इसको ऐसे कर दूंगा। अगर आप समझते हैं तो ठीक है, और नहीं समझते तो क्या कर लोगे मेरा, हम अपने भर से प्रयास कर लेंगे, ये यही है, ठीक है, बाहर समझ गए ना, ये इस वायर से 20 सेंटीमीटर इधर साउथ की ओर, यहाँ पर हम सब जगह बता देंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि इस वायर से 20 सेंटीमीटर दाएं, 20 सेंटीमीटर बाएं, 20 सेंटीमीटर पीछे और 20 इस वायर से और 20 सेंटीमीटर कहाँ आगे, सारे डिस्टेंस कितने ही हैं, 20 सेम है डिस्टेंस। और करंट तो इस वायर में हमेशा ही कितना ही फ्लो हो रहा है, करंट हमेशा ही कितना एम्पियर, 5 एम्पियर ही फ्लो हो रहा है, इस वायर में जो करंट है वो कितना ही एम्पियर, 5 एम्पियर, और डिस्टेंस सब जगह सेम है, सब 20 सेंटीमीटर। तो भैया इस वायर से चारों तरफ 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट होगा बी, वो तो μ0/4π2I/r ही होगा, क्योंकि करंट और आर पर डिपेंड करता है बी, तो करंट तो इसी वायर का लेंगे और आर चारों तरफ सब जगह सेम है, तो वैल्यू रख दीजिए, टू आई कितना है 5 एम्पियर और जो आर दे रखा है वो 20 सेंटीमीटर, 5 × 10 हो गया, पॉइंट कितना हो गया 5×10⁻¹⁷ न्यूटन, 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कट जाएगा पर एम्पियर, और सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10^-2 कर दो, -2 ऊपर जाएगा और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी जो इसका आंसर आ जाएगा माइनस, मतलब ये हो सकता है 5×10⁻¹⁶ क्या टेस्ला, ये आ गया क्या मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब डायरेक्शन की बात कर दें, डायरेक्शन की बात कर दें, बहुत सिंपल है, इसी पर देखो करंट कहाँ जा रहा है ऊपर, तो इधर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम के फर्स्ट रूल से अंगुलियां उस बिंदु की ओर संकेत कर रही हैं और अंगूठा धारा किस है, करंट कहाँ की ओर, अंदर की ओर, यानी ईस्ट वाले पॉइंट पर जो करंट है वो अंदर की ओर, अंदर का मतलब किसकी ओर, नॉर्थ की ओर लग रहा है, ईस्ट वाले पॉइंट पर जो फील्ड है वो नॉर्थ की ओर है। अब जरा वेस्ट वाले पर निकाल दें, ये करंट ऊपर है, इधर निकालना है वेस्ट वाले पॉइंट पर, तो कैसे निकालेंगे, वही राइट हैंड पाम का फर्स्ट रूल,
दाएं हाथ की हथेली का नियम नंबर एक, करंट ऊपर, अंगुलियां जिस बिंदु पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड उधर, फील्ड कहाँ की ओर, बाहर की ओर, यानी जो वेस्ट पर फील्ड है, जो वेस्ट पर फील्ड है वो बाहर की ओर का मतलब किधर की ओर, इसको मैं क्या कहता हूँ, साउथ कहता हूँ। ठीक है, अब किधर निकालना है, अब एक काम करते हैं सर, नॉर्थ वाले पॉइंट पर निकालते हैं, किस वाले पॉइंट पर, नॉर्थ वाले, करंट ऊपर है, नॉर्थ अंदर की ओर है, अंदर की ओर 20 सेंटीमीटर कहाँ की ओर, बोर्ड के अंदर की ओर, यहाँ पर, तो अंगुलियां बिंदु की ओर, अंगूठा करंट को, फील्ड इधर इस तरफ है, यानी नॉर्थ वाले पॉइंट पर जो फील्ड है वो वेस्ट की तरफ है, नॉर्थ वाले पॉइंट पर जो फील्ड है बेटा वो किसकी ओर से, वेस्ट की ओर है। ठीक है ना, और अब कौन वाले पॉइंट पर, अब इधर वाले पॉइंट पर जो बाहर की ओर है, इस तार से जो बाहर है, बाहर का मतलब साउथ पर है, वहां पर फील्ड, तो ये अंगुली किसको, ये अंगुली किसको, करंट को, और मतलब अंगूठा करंट को, ऊपर की ओर करंट है, और उंगलियां उस बिंदु की ओर संकेत करेंगी जहां पर क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, तो ये यानी किसकी ओर, नॉर्थ की ओर, साउथ वाले पॉइंट पर जो फील्ड है वो नॉर्थ की ओर है। समझ गए सब लोग, न्यूमेरिकल क्या है, ये एक अच्छा प्रश्न हो सकता है 11वां वाला, ध्यान देंगे आप, है क्या, दो वायर्स हैं, बड़े बड़े हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी 0.10 मीटर है, इनके बीच की दूरी जो है 0.10 मीटर है, ये ए है और ये बी वायर है। फिर क्या कह रखा है, कह रखा है कि ए में 5 एम्पियर और बी में 15 एम्पियर करंट है, ए में 5 एम्पियर करंट है और बी में कितना करंट है, 15 एम्पियर। ठीक, कह रखा है कि इसमें P और Q पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ, P एक पॉइंट है जो बिल्कुल मिड में है और Q एक पॉइंट है जो यहाँ है, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस 0.10 है, तो ये कितना हुआ, 0.05 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी मीटर। और इतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का भी है, ये हो गया। अब भैया P और Q पर क्या कह रखा है, सब बताइए भाई, चलिए P और Q पर मैग्नेटिक फील्ड, आइए पहले P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, B ऑन द P। सर मैं एक चीज कहता हूं कि पहले वायर के कारण, A वाले के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पॉम के फर्स्ट रूल से अंदर की ओर होगा, पहले वायर के कारण अंदर की ओर, और दूसरे वायर के कारण P पर मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड पॉम के फर्स्ट रूल से बाहर की ओर। ठीक है ना, तो यानी कि दो फील्ड बना P पर, एक अंदर और एक कहां, बाहर। ठीक, और आप जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, अब होगा B1 डिफरेंस B2, जब एक का अंदर है एक का बाहर है तो दोनों के अंतर के बराबर होगा मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में घट जाएगा। तो सर पहली बात तो ये मैं कहूँगा कि देख लीजिए, आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वायर के कारण होता है μ0/4π2I/r होता है। सर मैं इतना जानता हूँ कि दोनों तरफ से डिस्टेंस क्या है, सेम है, इधर से जितना डिस्टेंस उतना डिस्टेंस इधर से, यानी आज फैसला केवल किससे होगा, आई से होगा, चूंकि R दोनों के लिए सेम है, दोनों वायर से डिस्टेंस सेम है, तो आज फैसला I से। तो चूंकि सबको पता है कि अगर इसको I1 कह दूं और इसको I2 कह दूं, तो सबको पता है I2 ज़्यादा है I1 से, तो डेफिनेटली B2 ज़्यादा होगा किससे, B1 से। तो अगर B2 ज़्यादा है B1 से, तो जो BP आएगा वो B2 - B1 आएगा। B2 की वैल्यू μ0/4π2I1/r2 है, मतलब R2 आ रहे हैं सबका सेम है, और B1 की वैल्यू μ0/4π2I/r होगा, जो कॉमन निकले उसको कॉमन कर लो। यानी दूसरा वाला है ना, दूसरे वाले में करंट I2 था, ये I1 था, I2 माइनस क्या होगा, I1। अब बचा ही क्या है, सब खत्म तो हो गया जिंदगी में, अब कुछ नहीं बचा आपके, μ0/4π1×10⁻⁷ बचा, ये हो गया 2/r2, तो 2 है, अब r 0.05 मीटर है, y2 - i1 15 में से 5 जाएगा, क्या एम्पियर बचेगा, 10 एम्पियर बचेगा। ठीक है, एम्पियर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, लुड़िस छौका लग गया, दशमलव हटाओ, 2 × 0 बढ़ा दो, 5 है, कितना हो जाएगा, 2,05,000 हो जाएगा। मतलब ऐसे धड़धड़ क्वेश्चनवा लगता है हमको, तो गर्व हो जाता है, 2 × 2 कितना होता है, 4, इतिहास के बाद सबको पता है 2 × 2 होता है, -7 और 4, अबे चिरकुट, -7 और हट, ये हो जाएगा 10⁻¹ कितना, 5 हो जाएगा, और यूनिट की बात कर दें न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी टेस्ला हो जाएगा।
चलिए ये तो आ गया, और कहाँ की ओर डायरेक्शन क्या होगा आपको पता लग गया है कि भैया इसका बी वन कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है, और बी टू कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है, और ज़्यादा है कौन, बी टू ज़्यादा है, बी वन कम है, तो यानी जो नेट फील्ड आएगा वो कहाँ की ओर ही आएगा, बाहर की ओर ही आएगा। अगर आप बी पी पर नेट फील्ड निकालेंगे तो वो कहाँ की ओर ही आएगा, बाहर की ही ओर आएगा, ठीक है ना। ये डॉट का मतलब बाहर होता है। अब क्या कह रखा है कि सिर्फ उस पर ही नहीं क्यू पर भी मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो आइए अगर क्यू पर निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो भी दो लोग के कारण होगा, एक तो इस वायर के कारण होगा। तो ये देखिए अंगूठे में धारा ऊपर की ओर और इसके कारण क्यू पर, धारा ऊपर की ओर इसके कारण क्यू पर कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। पहले वायर के कारण कहाँ की ओर होगा, अंदर की ओर होगा। अब दूसरे वायर के कारण निकालो, इसके कारण, इसके कारण भी, ये देखो इसके कारण भी अंदर की ही ओर होगा। और जब दोनों कारण के ऊपर अंदर की ओर हो गया तो दोनों जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा 2i1/r। अब देख लीजिए कि पहले वायर से यहाँ तक का डिस्टेंस r1 प्लस ये पहले वायर से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, r r r मिलाकर का यार 3r। अब दूसरे कारण μ0/4π, लेकिन अब करंट दूसरे वाले में I2 मान लेते हैं, लेकिन अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सिर्फ कितना है, R है, तो कॉमन क्या होगा, μ0/4π और हो जाएगा 2/r कॉमन हो जाएगा, 2/ क्या कॉमन हो जाएगा, R कॉमन हो जाएगा, I1/3 बचेगा और प्लस I2 बचेगा, यही बचेगा, जाहिर सी बात है जो बचना था वो बच गया। अब देख लीजिए इसकी वैल्यू 10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर 2/r, और r बराबर सबको पता है 0.05 meter है, और I1/3 यानी कितना हो जाएगा 5/3, और I2 15, और ये क्या हो जाएगा एम्पियर, और एक एम्पियर से एक एम्पियर कट जाएगा। अब बचा क्या चीज, इसको हटा दीजिए और 2 का बढ़ा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, और 5 से इसको काट दीजिए तो 5 × 24 = 40 आ जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद यहाँ देख लीजिए 15 × 3 = 45, 5 कितना होता है 50 होता है, 50 और 50 × 40 यानी 5 × 24 = 2500, 50 × 40 मतलब 2000, 2000 हो गया भाई, 15 × 3 = 45, 5 कितना हो जाएगा 50, 50 × 40 2000 हो गया, और 2000/3 हो गया, ठीक है ना, और बटे कितना 2000/3, और उसके बाद क्या बचा है 10^-7 कितना 7 बचा है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर बचा है। सर अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 2/3 और × 10^-4 कितना हो जाएगा 4 टेस्ला हो जाएगा, 2/3, मतलब मैं भी अजीब हूँ, कभी कभी एकदम अजीब काम कर जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। अब 2/3 का मतलब क्या होता है, इसमें कुछ 2/3 हमारा आ रहा है, और कितबिया लिख रहा है कितना 3/2, अत्याचार कर दिया है। नहीं नहीं सही आया है, बिल्कुल बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही आया, बिल्कुल सही आया है। 2/3 का मतलब कितना होता है, एकदम करेक्ट आया आंसर, 100% करेक्ट। और जो फील्ड है वो कहाँ की ओर है, अंदर की ओर, चूंकि इनके कारण भी अंदर है, पहला भी अंदर और दूसरे वायर कारण भी अंदर, नेट जुड़ करके अंदर ही अंदर रहेगा। बढ़िया आ गया है, बिल्कुल क्यू पर आ गया भैया, कहाँ की ओर, अंदर की ओर, ठीक है। उसके बाद फिर क्या पूछा है, तार ए की प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण और दिशा। भैया तार ए जो है इसके पर यूनिट लेंथ पर, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है इसकी पर यूनिट लेंथ पर, पहले वायर की पर यूनिट लेंथ पर इस दूसरे वायर के कारण जो फोर्स लग रहा है उसको भी बताना है, वो भी देख लीजिए। पूछ रखा है, कह रखा है कि ए की पर यूनिट लेंथ पर बी ने जितना फोर्स लगाया है, तो मैं आपको एक चीज जानकारी दे दूँ भैया, जितना ए की पर यूनिट लेंथ पर बी लगाता है फोर्स, उतना ही बी के भी पर यूनिट लेंथ पर ए भी लगाता है, दोनों एक दूसरे पर सेम बल लगाते हैं, पारस्परिक बल है, ये म्यूचुअल फोर्स है। ऐसे चार्ज के बारे में भी है, एक आवेश दूसरे आवेश पर और दूसरा आवेश पहले आवेश पर, ठीक है ना, इक्वल फोर्सेस लगाते हैं, ये कौन से बल है बेटा, पारस्परिक बल है। बिल्कुल ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण में भी, दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण वो पारस्परिक बल है, उसका भी सेम, जितना एक पिंड दूसरे पिंड पर उतना दूसरे पिंड पहले पिंड पर, ठीक है ना। इन सभी बलों का रेशियो 1:1 होता है, 1:1 होता है, समझ गए, चाहे बात चार्ज की हो, चाहे बात मास की हो, चाहे बात तारों के बीच की हो, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आइए आगे की चर्चा को बढ़ाते हैं बेटा, क्या कहते हैं अब इसमें देखिए कि भैया ए पर फोर्स लगा रहा है बी, वो भी पर यूनिट लेंथ पर, फार्मूला होता है μ0/4π 2i1/i2 कितना r, ये होता है, ये होता है। अब अगर डायरेक्शन निकालना है तो देख लीजिए, b के कारण यहाँ पर जो फील्ड होगा ये
राइट हैंड पाम का फर्स्ट रूल, करंट ऊपर, इस पर, इस वाले वायर पर जो फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा। इस ये डार्ट दिखाता है फील्ड कहाँ की ओर, बाहर की ओर। करंट इस पर ऊपर है तो फोर्स का डायरेक्शन निकाल लो। सबको पता है कि करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो आकर्षण ही लगेगा, ठीक है ना। लेकिन फिर भी बता देते हैं, ये देख लीजिए फील्ड कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है, करंट कहाँ की ओर, आई सेम डायरेक्शन में। ओ राइट हैंड पाम का सेकंड, वही तो मैं सोच रहा हूँ, ये राइट हैंड पाम, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड बेटा, ठीक है ना। और कोई चीज नहीं, कौन सा हैंड, राइट हैंड। कौन सा हैंड, राइट हैंड। तो ये देख लीजिए फील्ड निकलना है, फील्ड, आई एम सॉरी, फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है इस वायर पर। तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालेंगे, तो फील्ड बाहर की ओर, करंट ऊपर की ओर, फील्ड बाहर, करंट ऊपर, देख लीजिए फील्ड बाहर, करंट ऊपर की ओर, तो फोर्स इस तरफ दूसरे वाले वायर की ओर, इधर लगेगा फोर्स, इधर लगेगा फोर्स, वही वैल्यू निकाल देना है, म्यू जीरो अपान फोर पाई टू। आई वन की वैल्यू, आई वन है कितना 5, आई टू 15 एम्पियर का स्क्वायर, और अपान आर कितना है दोनों के बीच 0.10 मीटर, एम्पियर स्क्वायर से एम्पियर स्क्वायर कट जाएगा, दशमलव हटा दो और 2 जीरो बढ़ा दो, ठीक है ना। 5 × 10 15 × 10 150 और गुणे 10 घाते माइनस कितना 7 हो जाएगा, ठीक है बेटा। और क्या बचा, न्यूटन पर क्या बचा, मीटर बचा, ठीक है ना। और ये 10 नीचे बचा हुआ है भाई, ऊपर 2 जीरो बचा है, नीचे क्या बचा हुआ है, 10 बचा हुआ है ना। और अगर 10 बचा हुआ है तो एक काम कर दो, ये -2 और मतलब +2 और -1 कर दो, तो ये हो जाएगा 15 × 10 की घाते, फिर ये देखिए 1 जीरो से +1 और कट जाएगा, 10 घाते माइनस कितना हो जाएगा 5, न्यूटन पर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ये सब सवालों में कोई दम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 20 सेंटीमीटर लूप एक है, 20 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कुलर लूप है, उसमें 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है बेटा 4 एम्पियर। कह रखा है इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बता दें, यहाँ पर फील्ड बताना है भैया, सबको पता है ये फील्ड बाहर की ओर होगा। अब वैल्यू म्यू जीरो आई अपान टू आर, म्यू जीरो का मतलब होता है 4π × 10⁻⁷ न्यूटन आई, सर आई इसमें 4 एम्पियर, टू आर 40 मीटर। अब कितना, अब मैं भी थक गया हूँ इन सब सवालों को लगाते लगाते, +2 हो जाएगा, ये 4 बचा हुआ पर 4π कर दीजिए, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर का मतलब टेस्ला होता है, सर 4π × 10⁻⁵। अगर आपकी इच्छा है तो आप 3.14 कर सकते हैं, निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, 30 मीटर लेंथी एक वायर है और कह रखा है कि उससे 8 सेंटीमीटर डायमीटर की एक क्या बनाई गई है, एक क्वाइल बनाई गई है। देखो पहले एक वायर था और ये कितना था, 10 मीटर था। अब 10 मीटर का मतलब बहुत हो जाता है, 30 मीटर था, 30 मीटर का मतलब बहुत हो गया, 30 मीटर का मतलब 30 × 100 सेंटीमीटर यानी लगभग 3000 सेंटीमीटर। अब इसको जब आप सर्किल में कन्वर्ट करोगे, सर्किल में कन्वर्ट कर रहे हो और उसका डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना है, डायामीटर, यानी कि इसका जो डायामीटर है वो 8 सेंटीमीटर है, तो यानी रेडियस इसका 4 सेंटीमीटर है। अब आप ये सोच लीजिए 4 सेंटीमीटर मतलब सर्किल छोटा होगा, अब 3000 सेंटीमीटर का तार है, बहुत लंबा तायर है, तार बहुत लंबा है, और उससे इतना बड़ा सर्किल बनाओगे तो केवल एक फेरा बनेगा, नहीं कई क्या बनेंगे, फेरे बनेंगे, कई फेरे बनेंगे, कई राउंड ये तार घूमेगा। बड़ा सा तार अगर तुम घर में कभी कभी तार फैला होता है आप उसको लपेटिए तो कई राउंड लपेटते हैं आप, ठीक है ना। अगर बहुत बड़ा सर्किल होता तो हो सकता है एक ही राउंड बन जाता, लेकिन अगर सर्किल कैसा है बेटा आपका, भाई तार बड़ा सा है और सर्किल छोटा सा बना रहे हो तो कई राउंड लपेटोगे ही, तो मतलब है क्या,
कि एक राउंड में कितना वायर आया, एक राउंड में कितना वायर आया, टू पाई कितना आया आर, तो क्या तुमने केवल एक राउंड लपेटा? नहीं, कई राउंड लपेटा। कई राउंड का मतलब, कई राउंड का मतलब क्या होता है? कई राउंड का मतलब एक राउंड लगाए टू पाई आर, फिर दूसरा राउंड लगाए टू पाई आर इंटू टू, फिर तीसरा राउंड लगाए टू पाई आर इंटू थ्री, फिर चौथा राउंड लगाए टू पाई आर इंटू क्या फोर। ऐसे मैंने कितने राउंड लगाया, मान लेते हैं हमने कुल चक्कर लगाए कैपिटल कितने एन, और जब एन चक्कर ऐसे गोल 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 घूम घूम लगाए तो हमको पूरी लंबाई कितनी मिल गई एल। ओहो आराम से, पूरी लंबाई कितनी मिल गई बेटा एल मिल गई, ठीक है ना। और एल बराबर है कितना, ओहो 3000 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी है 3000 सेंटीमीटर, और ये 2 पाई का मतलब सबको पता ही है, मैं नहीं निकालूंगा। आर का मतलब कितना होता है, मेरा मानना है कि आप आर का मतलब रख ही दीजिए 4 सेंटीमीटर इंटू एन, मुझे फेरे ही निकालने हैं, एन ही निकालना है, तो 3000 ठीक है ना सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और बटे 4 दुनाई कितना होता है 8 पाई, ये हो गया एन की वैल्यू। फेरे आ गए आपके, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने में कई मिनट लगता है, एक मिनट लगता है। बी बराबर म्यू जीरो एन आई, अगर एन फेरे है तो अपान टू आर, तो रख दीजिए म्यू जीरो की वैल्यू, सब म्यू जीरो की वैल्यू 4π 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। उसके बाद एन, एन बराबर निकाला तो आपने 3000 अपान 8π। आई की वैल्यू कितनी है इसमें, करंट की वैल्यू सवाल दे रखा था इसमें, कितना बेटा 6 एम्पियर अपान अपान क्या ये 2R बचा हुआ है, 2R पूरी दुनिया देख रही है 8 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए 4π से इसको काट दोगे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या है कि 2 से काट दोगे 3 आ जाएगा, कुल मिला के बचा कितना 3/8, 3/ कितना बचा है 8 बचा है। और यहाँ देखिए एक 3 और भी है इसमें, वो भी लिख दो। फिर यहाँ देखिए अब क्या है 10⁻⁷ और +3 10⁻⁴, ठीक है। और वैल्यू में न्यूटन पर एम्पियर एक ही पर करें, न्यूटन पर एम्पियर क्या है, अब ये बचा है क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बचा है, तो सेंटीमीटर बचा है तो इसको 10⁻²² कर दो तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर बचेगा। और अगर आप ध्यान देंगे तो 9/8 × 10⁻²² हो जाएगा, ये टेस्ला हो जाएगा। 9/8 × 10⁻² कितना 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 मतलब ये -4 और ये -2 मतलब कुल मिलाकर कितना आएगा -2। अरे बदतमीज, -4 और -2 पर गया +2 हो गया ना, 9/8 10⁻²। अब 9/8 का मतलब होता है 1.125 × 10⁻², टेस्ला हो गया, ठीक है ना। ये करंट की वैल्यू आ गई, कह रखा है 1 × 10⁻¹⁰ रेडियस का। 15 नंबर, कोई सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस 1 × 10⁻¹⁰ और इस पर एक अल्फा पार्टिकल रन कर रहा है, कौन रन कर रहा है अल्फा पार्टिकल, ठीक है ना। और उसकी जो रनिंग की वेलोसिटी है वो 2 × 10⁶ मीटर/सेकेंड है, और है वो कौन अल्फा है, सबको पता है अल्फा का जो चार्ज होता है वो 2 इकाई पॉजिटिव होता है। अल्फा के पेट में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर चार्ज नहीं होता, केवल प्रोटॉन पर होता है, 2 इकाई धनावेश अल्फा पर चार्ज हो गया, ठीक है, क्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। कह रखा है कि अब एक चीज़ बताएं, अगर कोई चार्ज इस पर रन करेगा तो चार्ज जब चलता है वो भी पॉजिटिव चार्ज जब मूव करता है तो उसी डायरेक्शन में कौन फ्लो होता है, करंट भी फ्लो होता है, और अगर करंट फ्लो करेगा तो ये एक लूप की तरह बिहेव करेगा, और लूप की तरह बिहेव करेगा तो इस पर एक क्या होगा सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है बताना है, ठीक है। ठीक है सर, कैसे बताएंगे, हम बताते हैं। आप एक छोटा सा हिस्सा ले लो, छोटा सा हिस्सा डीएल होता है, ठीक है ना, और इस डीएल के कारण यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो म्यू जीरो अपान 4π क्या आ जाएगा, ठीक है ना, आई डीएल अपान क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये डीबी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब चूंकि चार्ज का अमाउंट फिक्स है तो करंट का अमाउंट भी क्या है फिक्स है, चूंकि चार्ज का अमाउंट फिक्स है तो करंट का अमाउंट भी फिक्स है, तो भैया डीबी ये सब बाहर कर लो, म्यू जीरो अपान 4π, ठीक है ना, I अपान आर स्क्वायर। अगर ऐसे डीएल 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 जोड़ते चले जाओगे तो इतने के कारण यहाँ पर फील्ड डीबी है, तो अगले डीएल के कारण और डीबी,
अगले डीएल के कारण और डीबी, मतलब डीएल 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 सबके कारण निकाल लोगे, डीबी 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 जुड़ करके इंटीग्रेशन कर दोगे, डीबी डीबी कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, म्यू जीरो अपान कितना 4 पाई आ जाएगा, आई अपान कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और डीएल का कितना हो जाएगा एल हो जाएगा, और एल सबको पता है कि 2 पाई कितना होगा आर होगा, ये परिधि ही तो है, सरकमफेरेंस ही तो है, ऑफकोर्स है सर, रख दीजिए बी इज इक्वल टू म्यू जीरो अपान 4 पाई, ठीक है ना, आई अपान आर स्क्वायर, और ये यल है, और जहाँ यल परिधि है, जहाँ यल क्या है परिधि है, ठीक। अब जाहिर सी बात है सर, 2 पाई आर और अपे आर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है सर, सही है, लेकिन दिक्कत हमारे पास ये है सर, हमको वेलोसिटी दी हुई है और हमको क्या दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, हमको आई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमको वेलोसिटी दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है और रेडियस दिया हुआ है, और हमको करंट से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या किया जाए, हम बताते हैं क्या करो। दिक्कत तो ये हुई ना कि आई हमको दिया ही नहीं है, तो आई का मतलब होता है क्यू बाई क्या टी होता है, भाई धारा का मतलब आवेश प्रवाह की दर सर, लेकिन आपने यल की जगह कितना रख दिया 2 पाई आर, तो ये मत रखो, क्यों ना रखो, ये दूरी ही तो है, ये दूरी ही तो है, पूरा एक चक्कर की दूरी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, वी गुणे क्या होता है टी होता है। अब बात बन गई सर, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आया क्या म्यू जीरो अपान 4 पाई, ठीक है ना, क्यू बी अपान कितना बेटा आर स्क्वायर। अब देखो हमने एक आदमी को भगा दिया, किसको भगाया, मैं क्या करूंगा लंबाई, मैं पूरी परिधि क्या करूंगा, हमको परिधि से लेना देना नहीं है, हमको वेलोसिटी दी हुई है, तो वेलोसिटी मतलब हमको पता है, हमको वेलोसिटी दी हुई है, तो दूरी से हम क्या करेंगे, इस लंबाई को लेकर हम क्या करेंगे, परिधि को, दूरी बराबर चाल गुणे समय वी इंटू टी रख दिया, अब फटाक और आई बराबर क्यू बाई टी रख दिया, टी टी कैंसिल हो गया, ठीक है, ये तरीका हो गया। अब वैल्यू आप पुट कर दीजिए सारा, म्यू जीरो अपान 4 पाई, क्यू 2 इकाई धनावेश, क्यू 2 इकाई धनावेश, वेलोसिटी दी तो हुई है 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड, और आर स्क्वायर रेडियस तो सबको दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है 10⁻⁻ कितना बेटा, लिखा तो है 10⁻⁰ मीटर, स्क्वायर कर दोगे 10⁻²० हो जाएगा, और मीटर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, बल्कि मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अब 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, हाँ कटेगा बेटा, और यहाँ पर देखिए 2e रखा हुआ है, अगर इसकी वैल्यू रख दी जाए 2e की, तो हो जाएगा कितना 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, और गुणे कितना 2, अगर 2e की वैल्यू रख दी जाए 2 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब देख लीजिए, मैं आपको बता दूँ एक चीज़ क्या, देखो जितनी मतलब सारी चीज़ें आ गई, अब देखो एक टू इसमें से एम्पियर, एम्पियर स्क्वायर है ना, तो एम्पियर इंटू सेकेंड मिलकर कूलम हो जाएगा, कट जाएगा कूलम, ये कटेगा कूलम भाई, यहाँ का एक एम्पियर और एक सेकेंड मिलकर कूलम कट जाएगा। अब बचा क्या चीज़, कैलकुलेशन कर लीजिएगा सारा, जब सारा कैलकुलेशन कर लोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू आ जाएगी, 10⁻⁷ बाकी है, 2 × 1.6×10⁻¹⁹ बाकी है, ठीक है ना, 2 × 10⁶ बाकी है, और 10⁻²० और मात्रक में न्यूटन पर एक इक्का एम्पियर कटा था कूलम, भाई एम्पियर इंटू सेकेंड से एक कूलम कट गया था, तो एक एम्पियर बाकी है, तो न्यूटन पर एम्पियर, और यहाँ पर नीचे एक मीटर बचा हुआ है, यानी टेस्ला, और गुणा भाग करके तुमको क्या निकाल लेनी है, वैल्यू निकाल लेनी है, वो जो वैल्यू आएगी 6.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 6 पॉइंट कितना बेटा 4, ये इतना आ रहा है, ठीक है ना, गुणा भाग आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन क्या है, क्या है 16 में बेटा, ध्यान दो, एक हीलियम की नाभिक है, अब हीलियम का नाभिक का मतलब, हीलियम का मतलब कौन होता है, हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, और उसका नाभिक, नाभिक मतलब उसके हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो मतलब हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन पाए जाएंगे, यानी इसका भी जो चार्ज होगा वो 2 इकाई धनावेश 2e+ होगा,
ठीक है ना। और ये 0.8 मीटर रेडियस के सर्किल में, मतलब ये भी एक सर्किल में रन कर रहा है और उसका 0.8 मीटर क्या है, रेडियस है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन एक साइकिल कंप्लीट करने में 2 सेकंड लगाता है, एक साइकिल कंप्लीट करने में। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के टाइम को टाइम पीरियड कहते हैं, 2 सेकंड लगा रहा है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये है कि मैग्नेटिक फील्ड बता दें, कितना ईजी है मैग्नेटिक फील्ड इसका। अभी अभी मैंने निकाला था अगले कुछ, मतलब पिछले क्वेश्चन में, म्यू जीरो अपान 4πqv अपान कितना आर स्क्वायर निकाला था, निकलवाया था मैंने। तो अब देखिए इसको ज़रा सा और इजी कर लेते हैं, कैसे सर, म्यू जीरो अपान 4π, ठीक। और एक चीज़ मैंने और इसको ऐसे निकलवाया था, थोड़ी देर अगर किसी को याद हो तो आई अपान आर स्क्वायर लिखवाया था, शायद आपको ना भी याद हो, आई अपान क्या बेटा आर स्क्वायर, ठीक है ना। और मल्टी ये जो वी पहले एक जगह एल आया था यहाँ पर, या थोड़ी देर पहले पिछले वाले क्वेश्चन में, यार ये तो मैंने फाइनली निकलवाया था, उसके पहले ये एक्सप्रेशन था, उसके पहले ये एक्सप्रेशन था, ठीक है ना, नहीं था, था। तो बी इज इक्वल टू क्या, म्यू जीरो अपान 4π, ठीक। अब देखो आई का मतलब क्यू बाई क्या, एक साइकिल कंप्लीट करना है तो फिर क्यू बाई कैपिटल टी रखेंगे, टाइम पीरियड के बराबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, इंटू आर स्क्वायर। मल्टी एल बराबर क्या था, एल एल क्या है, यही तो पूरा एल है बेटा, यही तो पूरी थी परिधि, तो पूरी एल थी, यानी 2π कितना आर, ठीक है। 2π से 4π काट दोगे तो आ जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, बचा क्या म्यू जीरो, ठीक है ना, ये बचा क्या क्यू, ठीक, म्यू जीरो क्यू अपॉन 2 और इंटू क्या बचा है टी बचा है, और एक टू क्या बचा है आर बचा है। अब वैल्यू रख दो 4 म्यू जीरो का 10⁻⁷, ठीक है ना। Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹, और चूंकि Q दो बार है तो मल्टी कितना हो जाएगा, दो, चूंकि 2 इकाई धनावेश है। अब देख लीजिए नीचे भी एक 2 है ये तुम्हारे पास, टाइम पीरियड तुमको दिया है कैसे सेकंड, 2 सेकंड। R तुमको दिया है कितना 0.8 मीटर, R कितना दिया है पॉइंट कितना मीटर 8 मीटर। अब बचा ही क्या है, जो कटे उसको काट दो, इसको काट दो, ये पॉइंट कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं है भैया, ठीक है ना। और इतनी बात हो गई भैया, वह देखो ये भी कट जाएंगे, हटाओ इनको, कुछ बच ही नहीं रहा। और ये देखो इसका यूनिट हम लोगों ने रखा था 4π·10⁻¹ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर रख दिया, और क्यू का यूनिट क्या होता है कूलाम होता है, वो भी रख दिया। अब कुछ और बचा है भैया, हाँ ये 2 सेकंड बचा हुआ है। अब कुछ बचा ही नहीं है भैया, कुछ भी नहीं बचा है, क्या बचा है, कुछ भी नहीं। मैं बता दूं, इस एक एम्पियर और सेकंड का मतलब कूलाम होता है, ख़त्म हो गया। तो अब यही सब बचा है, गुणा भाग करने की बात बची है, यानी क्या क्या बची है, 4 बचा है, पाई बचा है, 10⁻⁷ बचा है, 10⁻¹⁹ बचा है, और बटे में कुछ नहीं बचा है। फिर और क्या बचा है, न्यूटन पर एम्पियर, और क्या बचा है मीटर बचा है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर बचा है, हो तो गया। अब गुणा भाग इसको करना, 19⁷ कितना होता है अगर किसी को याद हो, 19⁷ होता है, सबको पता है 19⁷ होता है, और गुणे ये होता है 12.56, आ तो गया टेस्ला, खटाक से निकल गया, हल्का हल्का दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कोई सर्कुलर कॉयल है, उसका रेडियस 0.25 मीटर है और उसमें 50 टर्न्स, रेडियस कितना है बेटा 0.25 मीटर सर्कुलर कॉयल्स, उसमें टर्न्स हैं कितने 50 फेरे हैं। कह रखा है इसको मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर रख देते हैं चुंबकीय यामयोत्तर के। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि चुंबकीय यामयोत्तर क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर रख रहे हैं किसको, उस सर्कुलर कॉयल को, ये सर्कुलर कॉयल है, इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, इसको मैग्नेटिक मेरिडियन के पैरेलल परपेंडिकुलर रख रहा है। तो प्रश्न ये है सर मैग्नेटिक मेरिडियन है क्या, तो जो बच्चे आप में से मैग्नेटिक मेरिडियन नहीं जानते हैं वो जान लीजिए कि जानते हैं, जब आप किसी चुंबकीय सुई को, मैग्नेटिक निडल को अगर आप फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटका देते हैं किसी निडल को, तो निडल को लटकाने के बाद निडल होती क्या है, ऐसे झुक जाती है, ठीक। और निडल का जो नॉर्थ है वो हमारे जहां हम हैं जिस कमरे में, उस कमरे में नॉर्थ की ओर, इस कमरे में भी तो एक नॉर्थ होगा, तो निडल का नॉर्थ कमरे में नॉर्थ की ओर, और निडल का साउथ इस कमरे में जो भी डायरेक्शन साउथ का है उस डायरेक्शन की ओर हो जाता है। यानी कि जब किसी मैग्नेटिक निडल को फ्रीली सस्पेंड करते हैं, लटकाते हैं, तो निडल जो है नॉर्थ नॉर्थ में और साउथ साउथ में हो जाता है,
ठीक है ना, हमारी पृथ्वी में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जो दिशाएं हैं उसी के अनुसार, और निडल कुछ झुक जाती है, एकदम स्ट्रेट नहीं होती, कुछ झुक जाती है। अब हुआ क्या चीज, निडल ऐसे ऐसे झुक गई, ठीक है ना, तो एक प्लेन होगा जिस प्लेन में निडल क्या है, झुकी है, जिस प्लेन में निडल झुक गई है, ये वो प्लेन, ऐसे कोई कागज ले लो जिस कागज में कलम जड़ जाए, ऐसे ऐसे कहें कि मान लीजिए इस निडिल को ऐसे फ्रीली सस्पेंड किए हैं कि ऐसे भी घूम सके निडिल, और निडिल ऐसे भी घूम सके, हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी और वर्टिकल प्लेन में निडिल घूम सके, तो निडिल लटकी और ऐसे रुक गई, नॉर्थ नॉर्थ के डायरेक्शन में हो गया और साउथ साउथ के डायरेक्शन में, तो मान लीजिए बोर्ड पर ऐसे रुकी है, तो ये बोर्ड एक प्लेन है जिसमें निडिल झुकी हुई है, ठीक है ना, और इसी बोर्ड को ही हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन बोलेंगे। तो प्रश्न क्या है, निडिल आपकी लटक गई और ये निडिल का नॉर्थ है, ये निडिल का नॉर्थ है ये वाला, और ये निडिल का साउथ है, तो क्या हुआ, ये निडिल लटकी है तो जिस प्लेन में लटकी है, ये प्लेन है, जिस प्लेन में निडिल लटकी है उस प्लेन को ही मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं, हिंदी में इसी को बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर, ठीक है। अब ये अर्थ मैग्नेटिज्म को दिखाता है, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अर्थ के साउथ से अर्थ के नॉर्थ की ओर होता है, ठीक है, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये अर्थ का, इसको आप लिख दो बीई, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, इसके दो टुकड़े हो गए, मैंने इसको दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, बी एच और बी वर्टिकल, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया। और आपको बता दें कि जो हमारी अर्थ है उसका जो मैग्नेटिज्म है उसका वर्टिकल कंपोनेंट हमारे लिए नेग्लेक्टेड है, किसी काम का नहीं है वर्टिकल कंपोनेंट, ज़्यादातर हमारे साथ जो एक्शन में होता है, जो इंट्रैक्शन में होता है, अर्थ मैग्नेटिज्म का जो कंपोनेंट हमारे साथ ज़्यादातर जो है अप्लाई होता है, जो ज़्यादा हमको इफेक्टेड है, जो ज़्यादा हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, वो हॉरिजॉन्टल वाला है बी एच। और अगर मैं कह दूँ कि ये एंगल कितना है, थीटा है, तो बहुत इजीली बेटर है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमारा बी एच है वो यही है, कौन, आप कह सकते हैं आपका बी ई कॉस थीटा, ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, जो आप थीटा को देख पा रहे हैं, तो ठीक है सर, ये तो हम जान गए मेरिडियन है, ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है। अब उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रखा है सवाल में, इसी सवाल में कहा क्या है आगे, ये जो क्वायल है आपकी, तो क्वायल को आप इस मेरिडियन के जो बोर्ड है, बोर्ड ही तो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये प्लेन बोर्ड का ही प्लेन है जिसमें निडिल लुकी हुई है, इस मेरिडियन के परपेंडिकुलर क्वायल को रखते हैं, क्वायल को परपेंडिकुलर रखते हैं, ठीक है ना, यानी कि क्वायल ऐसे रखा जाएगा, ऐसे इस पोज में क्वायल को ऐसे रख रहे हैं, आपको एक तरीके से दिखाने की अगर कोशिश करें, ये क्वायल है मेरा, ये क्वायल, क्वायल को ऐसे नहीं रखेंगे, क्वायल को ऐसे रखेंगे इस तरीके से, क्योंकि जो क्वायल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर है, तो क्वायल को ऐसे रख दिया, हाँ रख दिया सर क्वायल को ऐसे। अब मैं बोर्ड पर बना दे रहा हूँ क्वायल को, अगर आप साथ दें तो ए ए क्वायल को रखा, ऐसे रखा है मैंने, ऐसे ठीक है सर, रख दिया। उसके बाद क्या करते हैं, अब आगे क्या करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो क्वायल आपकी ऐसे है, अब क्वायल में आप ये ध्यान दें कि जो क्वायल का सेंटर है, ये क्वायल आप समझ पाए ना, क्वायल ऐसे नहीं है, तो कैसे है क्वायल, ऐसे है, ऐसे का मतलब क्या है, ये ऐसे इसमें है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर, और ऐसे होता तो बोर्ड के पैरेलल होता, ये वाली क्वायल के सेंटर पर एक कंपास रखते हैं, क्वायल के सेंटर पर एक क्या रखते हैं, कंपास। अब कह रखा है कि कंपास की जो निडिल है उसमें डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, डिफ्लेक्शन जीरो है कंपास के निडिल में, कोई और कहीं भी ठहर जाती है सुई,
सुई कहीं भी ठहर जाती है। अगर आप एक कंपास है, अगर आप सुई को यहाँ रखकर छोड़ देते हैं, सुई वहीं रहती है, सुई न दाएं जाती है न बाएं जाती है। सुई रोटेट तब होती है जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हो। सुई अगर सुई को एक लटका दिया जाए ऐसे, तो सुई घूमकर उस डायरेक्शन में रुकती है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो। और यहाँ पर क्या है, सुई यहाँ भी रुक जाती है, यहाँ भी रुक दो, मतलब कहीं पर भी रखो, सेंटर पर सुई ऐसे रहे ऐसे रहे ऐसे रहे, सुई की जो पोजीशन आप बना देंगे उसी पोजीशन में रुकी रहेगी। सुई रोटेट होकर एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं रुकेगी, कहीं भी रुक जाती है सुई। और अगर निडिल कहीं भी रुक जाती है, इसका मतलब उस जगह पर कोई मैग्नेटिक क्या नहीं है, फील्ड नहीं है। क्योंकि सुई अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई तो उसी डायरेक्शन में रुकेगी जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और ये सुई जब सेंटर पर रखें तो कोई कहीं भी रुक जाती है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सेंटर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। किसके सेंटर पर? क्वायल की। अब भैया क्वायल में करंट भी फ्लो हो और उसके बावजूद भी कोई मैग्नेटिक क्या ना हो, फील्ड ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर क्वायल में करंट फ्लो होता है तो फिर सेंटर पर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होता है। सेंटर पर कोई ना कोई क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है अगर क्वायल में करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन ये है, इस ओर ऐसे एंटी क्लॉक, अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉक है ऐसे, तो जरा मैग्नेटिक फील्ड निकालो सेंटर पर, ये ऐसे ऐसे अगर करंट हो रहा है एंटी क्लॉक, तो करंट ऊपर जा रहा है, अंगुलियां हमारी किसकी ओर, सेंटर की ओर, ठीक है ना। ये अगर करंट ऐसे है तो ये करंट ऊपर जा रहा है और उंगली सेंटर की ओर, तो फील्ड इस तरफ होगा, फील्ड इस तरफ होगा, किसका, क्वायल का, क्वायल का फील्ड इस तरफ होगा। अब भैया बी एच अर्थ मैग्नेटिज्म पहले से इधर है और प्लस क्वायल वाला भी इधर ही हो गया, तो जो नेट करंट है, मतलब जो नेट फील्ड है, जो नेट फील्ड है वो बी नेट कभी क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। बी नेट कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि दो दो फील्ड इधर हो गए। तब जब तुम क्वायल को रखोगे, मतलब कि जब तुम यहाँ पर किसको रखोगे, चुंबकीय सुई को रखोगे, तो सुई ऐसे रुक जाएगी, सुई का नॉर्थ इस तरफ और साउथ इस तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही है ना, दोनों का सम बी एच प्लस बी क्वायल दोनों इधर ही है, तो सुई ऐसे रुकेगी, सुई कहीं भी नहीं रुकेगी, इधर भी रुक गया, इधर भी रुक गया, इधर भी ना, ऐसा इधर 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 कहीं भी तब रुकेगी जब कोई फील्ड ना हो, और यहाँ तो नेट फील्ड है, तो डेफिनेटली करंट का डायरेक्शन ये नहीं है। तो फिर अगला क्या हो सकता है, करंट का डायरेक्शन ये वाला हो सकता है, ये वाला तो नहीं है, ये वाला होने का मतलब करंट ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज करंट होने का मतलब ये करंट नीचे ऐसे जा रही है ना, तो इधर आके नीचे उतर रही है, अंगूठा नीचे दिखा रहा करंट को, उंगलियां सेंटर को है ना, तो फील्ड उस तरफ होगा, इस तरफ होगा फील्ड क्वायल का। तो इधर एक फील्ड और इधर एक फील्ड, और कह रखा है कि डिफ्लेक्शन नहीं है कोई, किसी भी डायरेक्शन में रुक जाती है सुई, मतलब कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ऐसा कब हो सकता है, फार नो एनी मैग्नेटिक फील्ड, फार नो एनी मैग्नेटिक फील्ड, इट शुड बी बी एच जो इस तरफ है वो इक्वल हो बी क्वायल के जो इस तरफ है, और जब ऐसा होगा तो नेट फील्ड कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तब तब जो निडिल है हमारी, कंपास की जो निडिल है, वो किसी भी डायरेक्शन में रुक जाएगी जब कोई फील्ड ही नहीं है। हम तो फील्ड के डायरेक्शन में रुकते हैं अपने आप से घूमने के बाद, सुई लटकाओगे तो फील्ड के डायरेक्शन में रुकेगी, किसी भी डायरेक्शन में रुकेगी, मतलब कोई फील्ड ही नहीं है। जी हाँ, तो भैया बी एच बराबर बी क्वायल, तो बी एच बराबर बी क्वायल का मतलब बताता हूँ, उसको मिटा दूँ, जगह नहीं मेरे पास। बी एच की वैल्यू आपको सवाल ने प्रोवाइड कर रखी है, अब बी क्वायल सबको पता है, तो आपसे साफ साफ पूछा हुआ है कि करंट की वैल्यू बताएं, सिंपल ही है, म्यू नॉट 10^-7 4πi अपान क्या 2r.25 मीटर, और कैपिटल n, n फेरे है ना, n बराबर कितना 50, और इसका मात्रक
न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, एक न्यूटन से न्यूटन, एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा। सब कैलकुलेशन तुम्हारे बस में है, एम्पियर इधर आ जाएगा और आई की वैल्यू लाना है, सारा कैलकुलेशन आपके बस में है। 0.24 एम्पियर, कैलकुलेशन का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ठीक है ना, 15-16 में करा चुका हूँ। कह रखा है कि हाइड्रोजन एटम का कोई इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना, हाइड्रोजन एटम का कोई इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ पर, और जिसका रेडियस 0.5×10⁻¹⁰ मीटर है, 0.5×10⁻¹⁰ सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, 2×10⁶ मीटर पर सेकंड के स्पीड से, स्पीड से क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। कह रखा है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो भी किस पर, सेंटर पर, एक चीज आपसे कह रखा है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है ये वैल्यू, कैसे देख लीजिए, मैं आपको निकलवा चुका हूँ, म्यू जीरो अपान क्या 4π क्यू वी बाई क्या बेटा आर स्क्वायर, यही है क्यू वी बाई आर स्क्वायर, ये हम आपको निकलवाए भी हैं और नहीं भी समझते हैं अगर आप, वैसे आई थिंक आप लोग समझेंगे, मैं कई बार इसको निकलवा चुका हूँ। चलिए आइए निकाल ही देते हैं वैल्यू रख करके, ये होता ही है 1×10⁻¹⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, क्यू चार्ज, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है सबको पता है, कूलम वेलोसिटी किस स्पीड से लगा रहा है, 2×10⁶ मीटर पर सेकंड, आर स्क्वायर रेडियस आपको दिया हुआ है 0.5×10⁻¹⁰ मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब भाई कूलाम पर सेकंड से एक एम्पियर तो कट जाएगा डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक मीटर से एक मीटर भी कट जाएगा, केवल एक मीटर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद बी इज इक्वल टू, यहाँ से कैलकुलेशन आपके बस की बात है, नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, सारा कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, न्यूटन पर एम्पियर और मीटर, ये मात्रक है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, और आंसर आएगा इसका बेटा 12.8 क्या न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यानी टेस्ला। कैलकुलेशन आपके बस की बात है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कह रखा है कि कोई हाइड्रोजन का एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 0.5 एंगस्ट्रॉम के सर्कुलर पाथ पर, इलेक्ट्रॉन है 0.5 एंगस्ट्रॉम के सर्कुलर पाथ पर, ठीक है ना, 7×10⁵⁵ साइकिल पर सेकंड की स्पीड से राउंड एंड राउंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। कह रखा है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बता दें, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, मैं जहां तक जानता हूं μ0/4π qv/r², अगर आप भी समझते हैं, आपको Q दिया नहीं है, Q तो दिया है, V नहीं दिया है, V बराबर R ओमेगा होता है इंटू आर स्क्वायर, μ0/4π Q तो Q ही है, R ओमेगा इज इक्वल टू 2πn होता है और बाई आर स्क्वायर, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख दीजिए 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, Q इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2π का मतलब चलो रखी दो 3.14, n 7×10⁵ साइकिल पर क्या सेकंड, ये दिया होना इतने चक्कर प्रति सेकंड, ये हो गया। सर इसको आप एक काम करें 22/7 रखें और अपान स्मॉल r, r की वैल्यू सबके सामने है 10 मीटर, 7 से 7 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं देख लीजिए, मैं बताता हूँ, कूलाम पर सेकंड का मतलब एम्पियर कैंसिल हो जाएगा और बस ख़त्म,
अब 10^-7 -90+5 -10 को ऊपर ले जाओगे, गुणा भाग हो जाएगा, सारा कैलकुलेशन कर लोगे, कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा 14.07 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसको आप चाहें तो टेस्ला लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रखा है। मेरा एक फिगर दिया हुआ है और उस फिगर के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ठीक है ना। और फिगर में ये है, मतलब ऐसे है, फिर घूम गए आप, फिर ऐसे है, आप समझ गए होंगे कि ये है और सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। करंट ऐसे जाएगा, घूम जाएगा करंट, फिर इधर निकल जाएगा, यही है। अब देख लीजिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना, सारी चीज़ दी हुई है। रेडियस 10 सेंटीमीटर, करंट भी 10 एम्पियर है। इसका जो रेडियस है बेटा वो 10 सेंटीमीटर, तो ये भी तो रेडियस है, कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और आपको पता ही है ये हमेशा कितना डिग्री होता है, 90। और करंट भी कितना है, 10 एम्पियर है। तो अब सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। दो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पर, एक तो इसके कारण, लूप के कारण, वो भी कहाँ की ओर, बाहर की ओर, ये लूप के कारण। तो μ0I/2R, ये लूप वाला हो गया। और प्लस एक किसके कारण, इस सीधा कंडक्टर के कारण, ये वो भी करंट इधर, वो भी बाहर की ओर। तो दोनों ऐड हो जाएगा, हो जाएगा μ0/4π/2I/ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आर है। जो कॉमन हो कॉमन कर लो, μ0/ कितना, अगर आप मेरी बात माने तो चलो μ0/2R कॉमन कर लो। यहाँ आई बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सर दो से इसको काट दो, दो ही बचेगा। तो μ0 और क्या कॉमन हो गया, ये I भी कॉमन हो गया। चलो यहाँ फिर सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, μ0I/2R। और यहाँ पर क्या बचेगा, μ0 निकाल लिया है, I निकाल लिया है, 2 निकाल लिया है, R निकाल लिया है, सिर्फ 1/2 क्या बचेगा, पाई बचेगा। तो भैया μ0 की वैल्यू होती है 1×10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। आई की वैल्यू आपको दी हुई है 10 क्या एम्पियर, और 2 आर की वैल्यू क्या दी हुई है, 10 सेंटीमीटर हो गया। अब सेंटीमीटर को चाहो तो तुम किस में बदल दो, मीटर में बदल दो। उसके बाद 1/π का मतलब 3.14। अब आपकी इच्छा है, गुणा भाग अपना करिएगा। अब हम इतना गुणा भाग कैसे करेंगे, 1 एम्पियर। कुल मिलाकर कैलकुलेशन आपके हाथ में, न्यूटन पर एम्पियर और मीटर हो जाएगा, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए 20 नंबर, एक अल्फा पार्टिकल है और कह रखा है उसका मास 6.65×10^-27 किलोग्राम। अल्फा पार्टिकल है और उसका जो मास दे रखा है 6.67×10^-27 कितना, 27 kg। और वो एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 6×10^5 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहा है, कितने से, 6.0×10^5 मीटर पर किससे, सेकंड से चल रखा है, ठीक है। कह रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो फील्ड डेंसिटी है, फ्लक्स डेंसिटी है 0.2 Wb/m², 0.2 Wb/m². मैं बता दूं इसको लिख क्या रहा है, इसको लिख रहा है फ्लक्स डेंसिटी। अब आपको बता दें फ्लक्स डेंसिटी क्या है, सारी दुनिया को पता है φB=B×A होता है। तो सर B=φA, मतलब टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इन पर यूनिट एरिया, इसीलिए कभी कभी B को फ्लक्स डेंसिटी भी कहा जाता है, ठीक है। यानी ये B ही है बेटा, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रखा है कि ये जो मैग्नेट, अब ध्यान दीजिएगा, कह रखा है कि आगे करक कितना फोर्स लगेगा इस पर और एक्सेलरेशन बता दीजिए, कितना फोर्स लगेगा और एक्सेलरेशन, इस पर फोर्स कितना लगेगा अल्फा पार्टिकल पर, एफ आन अल्फा पार्टिकल और इसका एक्सेलरेशन भी बताना है, दोनों चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। तो सिंपल बहुत है, सबको पता है एफ इज इक्वल लॉरेंज फोर्स होता है qvb sin θ। और क्वेश्चन के अनुसार चार्ज अल्फा पार्टिकल पर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज अमाउंट है वो 2e+, ठीक है ना, 2e+ मल्टी v की वैल्यू आपके सामने यही कहीं 6.0×10^5 मीटर पर सेकेंड।
और मैग्नेटिक फील्ड आपका 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब सीधा सीधा है न्यूटन पर एम्पियर मीटर और 90 डिग्री साइन 90 क्वेश्चन बोल रखा है ये बेटा। 2E का मतलब 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक है ना। और आप कैलकुलेशन ना कर पाएँ कोई बात नहीं, हम तो कर ही सकते हैं लेकिन मैं करता नहीं हूँ, टाइम वेस्ट है, कैलकुलेशन करना मेरा काम भी नहीं है, ठीक है ना। साइन 91 होता है, सबको पता है कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है, एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद क्या चीज़ है, ये मीटर से मीटर भी कैंसिल हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं सर नहीं देखेंगे, आपको मत देखो, इसकी ज़रूरत है, देखे कॉन्सेप्ट दूँगा, ये थोड़ी सा दूँ पाऊँगा, ठीक है। आइए किसी और का देख लो, बहुत लोग छपवाते हैं वीडियो, देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो 16 दूनी कितना होता है 32, 3.2, ठीक है ना। 6 दूनी कितना होता है 12, 1.2, -19 और 10⁻¹⁵ कितना 5, माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14×5=19 होता है। उसके बाद न्यूटन केवल आएगा, अब इसको कोई मल्टी करा ले 32×12, तो भैया 32 दुनाई कितना होता है 64, 32 × 1 = 32, 6 कितना होता है 38 और 2 अंक बाद 10 लगा दीजिए 3.84×10⁻¹⁴ माइनस कितना 14 न्यूटन, यही बेटा क्या हो जाएगा फोर्स हो जाएगा। अब उसके बाद नहीं आया किसी तो मैं क्या करूँ, ये तो फोर्स हो गया। अब उसके बाद सबको पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास सबको पता है तो ए निकाल लो, एम को नीचे ले आओ, एम की वैल्यू कितनी है 6.67×10⁻²⁷ किलोग्राम। अब कैलकुलेशन भी मैं करूं, इतना तो मैं गैर जिम्मेदार हूं ही नहीं कि आपकी जिम्मेदारी को हटा दूं। 12 न्यूटन पर किलोग्राम का मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की यूनिट है, ठीक है बेटे। देखें 21, कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है वो ऊपर की ओर 2×10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या कर रहा है, मोशन में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की ओर 2×10⁸ मीटर पर सेकंड की ओर, इलेक्ट्रॉन है ऊपर की ओर कितनी वेलोसिटी 2×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक। फिर कह रखा है 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर का मैग्नेटिक फील्ड जो वेस्ट की ओर है, ठीक है ना, वेस्ट की ओर, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी वैल्यू है 0.50 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये आपके सामने है वेस्ट की ओर। कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन बता दें, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स बता दीजिए और एक्सेलरेशन बता दीजिए इलेक्ट्रॉन पर, दोनों चीज़ें आपको बतानी है। मैं बहुत सिंपली आपसे चीज कह रखा हूँ, क्या फोर्स तो सबको पता है क्यू वी बी साइन, देख लीजिए एंगल 90 डिग्री, क्यू इलेक्ट्रॉन है हो जाएगा, वेलोसिटी आपके सामने है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपके सामने है, साइन 90 डिग्री देख ही पा रहे हो आप। अब इसको जिसको ना समझ में आता हो, 16 दुने कितना होता है 32 होता है और 32 पंचे कितना होता है, 32 पंचे उतना ही होता है जितना 16 धम्मा होता है, 160 होता है, तो 160 हो जाएगा। तो भैया इसको हटा दो, कोई मतलब तो है नहीं उसका वैसे भी, ठीक है ना। अब ये 1 digit 2 digit ये हो जाएगा 10⁻¹⁹ और +8 कितना हो जाएगा -11 कूलम पर सेकंड को एम्पियर बोलते हैं, सबको पता है मीटर से क्या कैंसिल हो जाएगा, मीटर कुल मिलाकर न्यूटन आएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। अब डायरेक्शन की बात कर दें सर, करंट अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली करंट कहाँ होगा, नीचे होगा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया, ये या कौन सा है, तो क्या निकालना है किस दिशा में उस पर बल लगेगा, ठीक है ना। तो जैसा सब कुछ दिख रहा है आपको, जैसा सब कुछ दिख रहा है, तो करंट नीचे की ओर ए ए ए ए ये फ्लेमिंग का ये लेफ्ट हैंड है, ये फील्ड है और करंट नीचे है, फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा। आप सब कुछ समझ पा रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो फोर्स अंदर की ओर, ठीक है ना। फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल, सॉरी राइट हैंड रूल सेकंड नंबर भी लगा सकते, फील्ड है करंट नीचे की ओर, फोर्स अंदर की ओर, किताब में आपके ऊपर लिख रहा है। आगे देखिए, सही है।
चलिए आगे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन भी बताना है। तो सबको पता है m इंटू ए 1.6 × 10⁻¹⁻ न्यूटन एक्सेलरेशन, m मास, ये सबको पता है ये इलेक्ट्रॉन का मास है। अब कोई डिवाइड ना कर पाए तो ये मेरी गलती नहीं है। 10⁻¹⁹ कितना बेटा 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, इसके सवाल बड़े सिंपल है। एक इलेक्ट्रॉन है 5.0 × 10⁻¹⁷ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, इलेक्ट्रॉन है 5.0 × 10⁻¹⁷ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, वन वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में, वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, वन वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड 30 डिग्री पर एंट्री मारता है, 30 डिग्री पर एंट्री मारता है, ठीक है। करक्का कि फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पर। अब ये भी कोई क्वेश्चन है बताने का, क्यू वी बी साइन थीटा होता है, क्यू वी, ये भी कोई क्वेश्चन है। वन वेबर पर मीटर स्क्वायर, अब वेबर कुछ नहीं होता है, वेबर फेबर क्या मात्रक लगाओ सीधे सीधे, वो चुना गया मात्रक है, जो कटे उसको उड़ाओ। कूलम पर सेकंड का मतलब एम्पियर, ठीक है ना, और साइन थीटा साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मतलब 1/2। अब जिसको ये सब ना आता हो ये 8 हो जाएगा 0.8, और 8 पंचे कितना होता है 40 के 4 आ जाएगा, 4 × 10⁻¹⁰ कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा न्यूटन। खत्म। क्या है देखिए, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, टेस्ला के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कौन, एक इलेक्ट्रॉन है वो 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इंटर मार रही है, ठीक है ना। कह रखा है कि पाथ का रेडियस, रेडियस बता दी भैया, मैं पहले भी कह चुका हूँ एम वी अपान क्यू वी, ये है रेडियस। चूँकि आपको पता है कि अगर आप फील्ड के मैग्नेटिक किसके, अगर आपकी वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, और इसका रेडियस जो होगा आपका जो मास होगा, ठीक है ना, जो वेलोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग निकलेगा एम वी अपान क्यू वी। कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास सबको पता है 31 kg, वेलोसिटी आपको सवाल में दी हुई है, चार्ज सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपके सामने है, टेस्ला का मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और ये डेफिनेटली सारे लोग जानते हैं क्या चीज कि सर यूनिट कैसे निकाला जाए, ठीक है। अब अगर थोड़ा समझते हैं तो सर ये जो सेकंड है इसका कुछ नहीं होता, आई एम्पियर बराबर क्या होता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है कर लिया जाएगा कोई बात नहीं, यही किलोग्राम है, ये मीटर पर क्या है सेकंड है, हाँ बात बन गई मेरी, पूछो कैसे बात बन गई, सर किलोग्राम मीटर पर सेकंड, एक काम करूँ क्या, इसको सेकंड स्क्वायर बनाकर इसका सेकंड से मल्टी करा दूँ, सेकंड स्क्वायर करके सेकंड से मल्टी करा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, ये पूरा न्यूटन हो जाएगा, न्यूटन न्यूटन लुलिस खत्म। और जो सेकंड ऊपर है वो सेकंड कहाँ भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, ठीक है ना। तो कूलम पर सेकंड एम्पियर होता है, और एम्पियर एम्पियर खलास, केवल बचा मीटर कहाँ जाएगा ऊपर। अब भाई मुझे से यूनिट भी सेट कराएंगे, कितनी गंदी बात है। अब देखो ऊपर 10⁻³⁻³ +7 +19 +4 ये मीटर भी ऊपर चला जाएगा। अब कोई कैलकुलेशन ना कर पाए तो भाई सवाल ही कैलकुलेशन के लिए था ये, इसमें और कोई दम तो था नहीं। 0.28 मीटर खत्म। अब देखो 20 क्या, 4 एक इलेक्ट्रॉन है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग 2 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मोशन कर रखा है, यह इलेक्ट्रॉन है
तो उसका जो वेलोसिटी है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है भैया, सवाल दे रखा है कितना, 2.2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो आई कैप लगा दो, सबको पता है एक्स वाई जेड, आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक। फिर क्या चीज़ कह रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.3 आई कैप लाइन 4 जे कैप, 0.3 आई कैप प्लस 0.4 जे कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है भैया न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब तुमको मैग्नेटिक फील्ड पूरा दिया हुआ है, टोटल आकाश में स्पेस में दिया हुआ है, कह रखा है इलेक्ट्रॉन पर क्या फोर्स लगेगा और वो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। कुल मिलाकर एफ वेक्टर, मैं आपको बता दूं ये वाला जो हिस्सा है मैग्नेटिक फील्ड का वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, लेकिन जो ये वाला हिस्सा है वो किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये वाई एक्सिस, चेक है। और जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रखा है, ये इलेक्ट्रॉन किस एक्सिस पर मूव कर रखा है भैया, इलेक्ट्रॉन भी वाई एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के नहीं, मुझसे थोड़ी गलती हो गई, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो भैया जे कैप हो जाएगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मतलब ये है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, नो डाउट। तो मैग्नेटिक फील्ड का ये वाला हिस्सा भी किसके अलॉन्ग है, वाई एक्सिस के। अगर आपको सीधे सीधे कहें तो जो बी एक्स है वो ये है 0.3 आई कैप टेस्ला, और जो बी वाई है 0.4 जे कैप टेस्ला। और आपको पता है कि भैया फोर्स तभी लग सकता है, फोर्स का फार्मूला पता है, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये फोर्स का फार्मूला। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि वी वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर के तो जो फोर्स होगा वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अगर वी बी के पैरेलल है तो। कम से कम जो बी वाई है, अब चूंकि वेलोसिटी भी वाई एक्सिस पर है तो ये वाला फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर, ये वाला फील्ड जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग वो कोई फोर्स नहीं लगाएगा, जो फोर्स लगाएगा वो कौन सा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला, तो लगाएगा कितना वही निकाल देते हैं, ठीक है। कैसे एक्स एक्सिस मतलब मैं निकाल देता हूँ फोर्स कैसे लगेगा, देख लीजिए क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, सीधा सीधा बात है, क्यू कितना है, इलेक्ट्रॉन है, अब रही बात वी की, वी आपके आँख के सामने कहाँ गया रे, वी कहाँ गया, 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और ये है जे कैप क्रॉस बी, कहाँ गया, एक्स एक्सिस वाला, यही वाला लगाएंगे, वाई एक्सिस वाले तो खत्म हो गए, एक्स वाले आई कैप टेस्ला भैया। अब सबको पता है कि 3 × 2 कितना, 6.6, और 0.6 और 1.6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 96 −19 +6 −13 कूलाम पर सेकंड एम्पियर, कूलाम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर, और एम्पियर 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 तो कुछ छूट भी तो रहा होगा, कुछ छूट भी तो, ये मैग्नेटिक फील्ड का न्यूटन पर एम्पियर मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो कूलाम भाई कूलाम पर सेकंड एम्पियर और एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो गया। अब भैया क्या बचा, ये बच गया, ये तो यूनिट आ गया, तो फोर्स में न्यूटन आ गया। अब डायरेक्शन क्या होगा भैया, ध्यान दीजिए डायरेक्शन क्या होगा, मैं बता दे रहा हूँ, पहली चीज फोर्स का क्या डायरेक्शन, यहाँ से भी निकाल सकते हैं फोर्स का डायरेक्शन, जे कैप इंटू क्या लिखा है, आई कैप, जे कैप क्रॉस आई कैप, सबको पता है जे कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप बराबर के कैप होता है, तो जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, माइनस के कैप का मतलब ये है के कैप, तो माइनस के कैप मतलब अंदर की ओर, कहाँ की ओर, अंदर की ओर फोर्स लगेगा, अंदर की ओर, ठीक है ना। यानी सीधी सीधी बात करें, सीधी सीधी बात करें, जो फोर्स लगेगा ये माइनस के कैप होगा, माइनस के कैप। अब जरा फोर्स का डायरेक्शन निकाल देते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, भैया फील्ड एक्स एक्स की दिशा में, ये हो गया करंट, अब
अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो करंट कहाँ रहेगा, नीचे। ये फील्ड भाई फील्ड है ये, और फिर ये करंट कहाँ की ओर, नीचे की ओर, तो फोर्स कहाँ की ओर। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर चल रहा है ना तो करंट नीचे की ओर, ये फील्ड है तो फोर्स बाहर क्यों लग रहा है, फोर्स कहाँ क्यों लग रहा है, बाहर क्यों लग रहा है। तो ये चूंकि माइनस के आया है, ये क्या आया है माइनस के, तो जरा सा आप सोच कर देखिए कि कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लिख रहा है दिशा यक्ष अक्ष, तो कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है। यक्ष अक्ष की दिशा में लग ही नहीं सकता है कभी फोर्स। ओके रखा है यक्ष अक्ष, गलत दे रहा है, ठीक है ना, हमने जो लिखा वो सही है। फोर्स किसकी ओर, ये आया है कितना माइनस के, जे कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप जे कैप के कैप, तो जे आई माइनस के, सही है माइनस के, मतलब कहाँ की ओर, अंदर की ओर, करेक्ट है बिल्कुल। देखिए 24 नंबर 24, क्या है 24 नंबर में, एक इलेक्ट्रॉन है वो धनात्मक वाई एक्स की दिशा में 2 × 10⁻⁶ क्या 6 मीटर पर सेकंड की चाल से मोशन में है। ये देखिए वाई एक्स के डायरेक्शन में, ये इसको जे कैप बोलते हैं, और इसकी वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर पर सेकंड है। फिर कह रखा है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 जे कैप प्लस 0.4 के कैप, ये टेस्ला है। अब आपको बता दें वी वेक्टर अगर लगा दोगे तो यहां पर जे कैप लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू, और समझ ही गए आप, फोर्स बता दीजिए इलेक्ट्रॉन पर। भैया मैं जानता हूं एफ इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर और क्रॉस क्या बी वेक्टर। और आपको एक चीज बताऊं कि सबको पता है कि अगर वी वेक्टर इस पर पैरेलल टू बी वेक्टर, वी वेक्टर इस पैरेलल टू बी वेक्टर, तो नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं लगेगा। और ये जो आपको फील्ड दिया हुआ है, ये जो जे कैप है ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, ये के कैप ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है, तो डेफिनेटली ये वाला जो है बी वाई एक्सिस 0.3 जे कैप टेस्ला, ये पैरेलल है वी वेक्टर के, तो कम से कम इनके कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो एकमात्र जो बचता है वो कौन बचता है, जो बी हमारा जेड एक्सिस पर है, तो आप यहां बी जेड लिख दीजिए, हो गया। तो क्यू वी बी, तो क्यू का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, वेलोसिटी 2 × 10⁶ मीटर पर क्या सेकंड हो गया। बी कौन वाला लेंगे, जेड एक्सिस वाला 0.4 के कैप, के कैप मत लिखो, सीधे टेस्ला लिखो। और एंगल की बात कर दीजिए तो भैया जाहिर सी बात है 90 डिग्री होगा इधर और इसके बीच, ये के कैप है ना, के कैप है यानी जेड एक्सिस, साइन 90। अब अगर तुम चाहते हो गुणा भाग करना तो 16 × 32 और 32 × 4 = 128, ये हो गया बेटा। और 10⁻⁹ कितना, −19 और +6 माइनस कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ये हो गया। आप फोर्स न्यूटन होता है कैसे, कूलाम पर सेकंड का मतलब एम्पियर, एम्पियर एम्पियर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, न्यूटन हो गया। डायरेक्शन की बात कर दें, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर तो करंट कहाँ रहेगा, नीचे। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, करंट इधर और फील्ड इस तरफ, ये हो गया। फील्ड किधर, के कैप के डायरेक्शन में, फील्ड के कैप के डायरेक्शन में, और करंट कहाँ, नीचे। तो फोर्स इस तरफ लगेगा, यानी किस एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, वो भी एक्स एक्सिस के नेगेटिव तरफ लगेगा, एक्स एक्सिस के नेगेटिव तरफ लगेगा, समझ गए इस चीज को, यानी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ, ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या, 23 नंबर देख लीजिए, क्या है 23, कह रखा है कि 6 × 10⁻⁴ टेस्ला के
6 × 10⁻²⁴ टेस्ला के, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड से कोई इलेक्ट्रॉन है, मोशन कर रहा है, गति कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड है ये, इलेक्ट्रॉन है वो मोशन कर रहा है, और दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। वी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, और अगर ऐसा है तो पाथ सर्कुलर हो जाता है, और उसका रेडियस ही बताना है तुमको। आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी, मास इलेक्ट्रॉन का सबको पता है। वी वेलोसिटी आपके आंख के सामने है, आराम से 3 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। चार्ज, ठीक है। बी मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला का मतलब होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, यहां देखो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक काम करो, इसको स्क्वायर बनाकर एक सेकेंड का मल्टी करा दो। अब ये सेकेंड भी चाहे तो नीचे आ सकता है, यहां तो यहां से हटा दो। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब न्यूटन, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, गुलाम पर सेकंड मतलब एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, ये मीटर ऊपर चला जाएगा। और वैसे भी हमको आर चाहिए, और जब आर चाहिए मीटर ऊपर चला गया, तो जब इन सबको सॉल्व कर लोगे, कैलकुलेशन तो कर हर कोई सकता है, ज़रूरी नहीं कैलकुलेशन हम ही करके दें आपको, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 0.28 मीटर, कितना आ जाएगा 0.28 मीटर, ये हो गया। चलिए 25 देखिए क्या है क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन है 0.50 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रॉन है 0.50 न्यूटन पर एम्पियर मीटर के मैग्नेटिक फील्ड में, 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक सर्किल में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक सर्किल में घूम रहा है। फिर क्या चीज कह रखा है, सर्किल का रेडियस बता दें और काइनेटिक एनर्जी बता दें। रेडियस सर्किल कह रहा है उस इलेक्ट्रॉन का जिस पाथ पर घूम रहा है उसका रेडियस, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दें। है तो बहुत सिंपल ये निकालना, अब आप किस तरीके से निकालते हो ये आप पर डिपेंड करेगा। चलिए आइए निकालते हैं बेटा। सबसे पहले तो रेडियस निकाल दें, एम वी अपान क्यू पी, मास 9.1 × 10⁻³⁴ kg, वेलोसिटी आपके सामने है 7 मीटर पर सेकंड, चार्ज इलेक्ट्रॉन का सबको पता है, मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है, ये भी सबको पता है कि अगर मैं सेकंड स्क्वायर कर दूं इसको, इसको सेकंड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस सेकंड को मैं चाहूं तो यहां से हटा करके यहां ला दूं, अब ये कूलाम पर सेकंड का एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन से ये भी कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब न्यूटन। अब कैलकुलेशन आपका सारा आपके बस में है, आप सारे कैलकुलेशन को संपादित कर सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे -3 और ये मीटर चला जाएगा ऊपर। बहुत बेहतरीन तरीके से लिखना चाहते हैं, मिलीमीटर हो जाएगा। अब रहती है काइनेटिक एनर्जी, अब मुझे जहाँ तक लगता है काइनेटिक एनर्जी निकालना के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, सर हाफ एम 9.8 × 10⁻³, ठीक है ना, आई एम सॉरी 31 kg। अब रही बात वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी आपको प्रोवाइड की गई है 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड का स्क्वायर कर देंगे। सर 3 × 3 = 9 और ये 4.5 × 9.1, अरे 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया, हाँ -31 + 14 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब जूल होता है। सर 45 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, हासिल बचा 4 पाया, और 45 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, तो 45 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो उसका मतलब कितना आ जाएगा, 9 × 8 कितना होता 72, 720 मतलब कितना हो गया, एक बार और भी 765 4 700 कितना 69 65 4 769
ये हो गया, ठीक है ना। और 10^-31 और +14 कितना हो जाएगा, 14^6 = 20, 20, 20, 10^30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 17 हो जाएगा, -17 जूल हो जाएगा। यानी ये कुल मिलाकर के आ गया आपका 7.76.91, उसको लिखा 7.69 10^-16 जूल, आना तो इतना ही चाहिए। बाकी देख रहे हैं मेरा कुछ अलग आ रहा है, उसका कुछ अलग आ रहा है, आप निकाल लीजिएगा काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेशन में अगर मल्टी होगा तो, ठीक है। चलिए सिक्स नंबर, क्या एक इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, एक्सीलरेट कर दिए हैं, ठीक है, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई, ठीक। फिर वो 0.09 वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है, ठीक है ना, और समझ गए 0.09 वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेता है। फिर क्या कह रखा है, कह रखा है कि वही परपेंडिकुलर एंट्री लेता है, मतलब वी इज परपेंडिकुलर टू बी, ये क्वेश्चन ने कहा है, मैंने तो नहीं कहा बेटा। फिर क्या चीज कह रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री लेते समय उसकी वेलोसिटी 10^8 m/s है, वेलोसिटी 10^8 m/s क्या है, सेकंड है। कह रखा है कि सर्कुलर पाथ का रेडियस बता दें, रेडियस बता दें भैया, आर बराबर सबको पता है, मतलब इन सब क्वेश्चन को पढ़ करके मेरा खून खौलता है, लेकिन चलिए क्या कर सकते हैं, लगाना ही पड़ेगा, एक ही क्वेश्चन हुआ बार बार, वेलोसिटी चार्ज बी वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, कितनी बार दिखा चुके मैंने, सेट करके दिखा दिया बहुत बार यूनिट्स, अब आप चाहिएगा तो सेट कर लीजिएगा। इसका जो रेडियस आएगा बेटा 0.625 10^-2 m, या इसी को इतने को लिख सकते हो सेंटीमीटर, गुणा भाग कर लेना, यूनिट भी सेट कर लेना, बहुत बार दिखा चुके हैं। 27 नंबर क्या है, 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का, अब देखिए काइनेटिक एनर्जी दी है 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, करेक्ट। कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको 1 mT के फील्ड में सर्कुलर पाथ पर घुमाना है, 1 mT, कह रखा है कि सबसे पहले तो वेलोसिटी बता दीजिए, फिर क्या चीज कह रखा है, रेडियस बता दीजिए, फिर दे रखा है भैया कि मास जो है वो 9.1 × 10^-31 kg है, तो बहुत ही कैसे हम बताते हैं, के बराबर होता है क्यू इंटू वी, और मुझे इससे भी फर्क नहीं पड़ता, के बराबर होता है 1/2 mv², ये फार्मूला है। अब भैया 2k/m बराबर वी स्क्वायर होता है, और यहाँ से v इज इक्वल टू √2k/m, के 6.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सबसे बड़ी चीज, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 × 10^-19, क्या बेटा कूलाम, और वोल्ट बच रहा है, तो वोल्ट का मतलब क्या होता है भैया, जाहिर सी बात है वोल्ट का मतलब जूल पर कूलाम, कूलाम कूलाम कैंसिल हो गया। अब उसके बाद बचा क्या चीज अभी, एम, एम का मतलब क्या दिया हुआ है, 9.1 × 10^-31 kg। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन आप कुछ भी करें मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैलकुलेशन आप करिएगा, मैं कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा, गुणा भाग अपना यूनिट में सेट कर दूंगा। ये देखिए अंडर रूट, जूल का मतलब होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और नीचे एक किलोग्राम है, कैंसिल हो जाएगा, अब ये अंडर रूट से आ जाएगा मीटर पर क्या सेकंड, कैलकुलेशन हो गया। अब रेडियस जो है वो होता है mv/qb, अब तो सब सामने है, मास आपको पता है, वेलोसिटी मैंने ला दी है, चार्ज सबको पता है इलेक्ट्रॉन का, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है टेस्ला, टेस्ला का मतलब सबको पता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, अब सबको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, सेकंड स्क्वायर करके एक सेकंड से और मल्टी करो, और ये सेकंड आप नीचे ला सकते हो, यहाँ
यहाँ से हटा करके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन से कैंसिल, कूलाम पर सेकंड एम्पियर से कैंसिल, मीटर ऊपर चला जाएगा। और जब मीटर ऊपर लिख चले जाओगे, रेडियस कैलकुलेशन आप कर लेना, गुणा भाग वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। 8.53 10 टू द पावर माइनस 3 आएगा, कुल मिलाकर के इसको 8.53 इसको ले सकते हैं क्या, ये मिलीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर 8.53 ठीक है। नंबर क्या है 28, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन है ठीक है, और वो 1 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 × 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फील्ड, सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा है ठीक है ना, कह रखा है कि सबसे पहले चाल बता दीजिए और रेडियस, सेम क्वेश्चन आर और वी सेम क्वेश्चन है, मैं पहले भी कह चुका हूँ के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पहले भी कह चुका हूँ 2KYM इज इक्वल टू वी स्क्वायर अंडर रूट 2KYM, यूनिट पिछली बार की तरीके आप 2K की वैल्यू रख लीजिएगा, मास रख लीजिएगा, निकाल लेंगे आप मेरे हिसाब से निकाल लेंगे, इसकी आंसर आएगा कितना बेटा, कह रखा है कि 1.88 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, निकाल लेंगे आप पहले, बिल्कुल निकाल लेंगे आप। फिर ये हो गया, रेडियस पूछ रखा है एम वी अपान क्यू बी, सेम क्वेश्चन है ये, सेम मास आपको पता है और सारी बात इलेक्ट्रॉन के लिए है, आपको सब कुछ कर लेना है हो जाएगा, मास पता है, वेलोसिटी आपको दी हुई है, वेलोसिटी आप यहाँ से निकालोगे उसको रख दोगे, क्यू इलेक्ट्रॉन का क्यू कितना होता है, 1 ही होता है, बी मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, चाहे आप इसको रख दीजिएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, रख लेंगे खटाक से आंसर आ जाएगा, ये हो गया। अब एक चीज़ और पूछ रखा है, क्या सर, सर टाइम पीरियड बता दीजिए, तो टाइम पीरियड का तो हमने आपको सीधे फार्मूला दिया है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम पीरियड 2πm अपान क्यू बी, क्यू आपको पता है, बी आपको पता है, कहिए तो हम रख देते हैं, चलिए हम रख देते हैं टाइम पीरियड के लिए, सर 2π का मतलब 3.14 मास चार्ज मैग्नेटिक फील्ड सर रख दिया मैंने, कुछ बचा ही नहीं ठीक है ना, अब आपको टाइम पीरियड निकालना है भाई, एक काम अगर आप थोड़ा सा मेरा साथ देते हैं, वैसे देते नहीं हैं आप कभी, लेकिन चलो क्यू और बी थोड़ा सा देखें आप, अगर इसको सेकंड से क्या कर दें, सेकंड से इसको डिवाइड कर दिया, अब कूलाम पर क्या लिख दिया, सेकंड लग दिया, अब अगर मैंने इसको कूलाम पर सेकंड लिखा है तो सर एक काम आप भी कर सकते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ कि भैया कुछ ना करो तुम, नहीं दांव पड़ जाएगा उल्टा, लेकिन अब किए तो दिए ही हो, एक और गुणा कर दो, कर दिया या नीचे एक गुणा सेकंड से, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, कैलकुलेशन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कैलकुलेशन आप करिएगा, मैं यूनिट सेट कर दे रहा हूँ, ये कूलाम पर सेकंड एम्पियर, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना, अब ऊपर बच रहा है किलोग्राम, नीचे न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया मल्टी, मल्टी मल्टी क्या बच रहा है, ये बच रहा है और ये एक सेकंड भी बच रहा है नीचे, तो भैया किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, और ये एक नीचे, ये न्यूटन के नीचे एक मीटर भी बच रहा था, बच रहा था ना मीटर, बच रहा था वो मीटर, इस मीटर से कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला सेकंड है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, काम खत्म हो गया, टी की वैल्यू आप कैलकुलेशन करके निकालोगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, कह रखा कोई इलेक्ट्रॉन है, सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन पर ही है भैया, इलेक्ट्रॉन है 10⁻²⁰ वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड, तो 10⁻²⁰ वेबर पर मीटर स्क्वायर का मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर, 10⁷ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, 10⁷ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से सर्कुलर पाथ पर मूव कर रखा है ठीक है ना, फिर क्या चीज कह रखा है कि जिसका रेडियस 0.56 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ठीक है ना, कह रखा है कि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m की वैल्यू बता दें, सबको पता है ये बात कि R इज इक्वल टू होता है एम वी अपान क्यू बी, मास वेलोसिटी, क्यू का मतलब E,
बी है, ई को ऊपर ले जाओ, एम को नीचे ले आओ, वी अपान आर नीचे आ जाएगा बी आर। अब आंसर रखते हो निकालने के लिए, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, बी आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर, आर रेडियस आपके सामने है, कहां गया रेडियस, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद बचता है ई बाई एम। अब देख लीजिए अच्छे से, जान जाइए कि 10 टू दी पावर, अब देखिए ये बचा 1 अपान 0.56, 7 टू 9 टू 11 मीटर पर क्या बचा हुआ है, सेकंड, न्यूटन पर एम्पियर, एम्पियर का मतलब कूलाम, आई बराबर कूलाम पर सेकंड, मल्टी कुछ और बचा, कुछ नहीं बचा है। अब यहाँ देखो छोटी सी चीज़ है सर, देखें ये सेकंड, ये सेकंड कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, अपान क्या कूलाम, मैंने मात्रक तो सटीक करना है केवल, बाकी तो मैंने कर ही दिया है, 1.785 ये लगभग लगभग आएगा 1.785 सही है, 10 टू द पावर 11। अब ये देखो मीटर पर क्या बचा हुआ है, सेकंड बचा हुआ है, अपान न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम को मैं अमूमन लिख क्या सकता हूँ, चाहूँ तो न्यूटन पर कूलाम को लिख सकता हूँ, वोल्ट पर क्या मीटर लिख सकता है, न्यूटन पर कूलाम को E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू इज इक्वल टू वी बाई डी, वोल्ट पर मीटर इंटू सेकंड में चाहेगा। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि कैसे निकालूँ इसको, कैसे निकाला जाए, ये वोल्ट पर मीटर को कैसे सॉल्व किया जाए, वोल्ट पर मीटर का मतलब न्यूटन पर कूलाम आ रहा था, ठीक है कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, वोल्ट पर मीटर को आप एक काम करो यही रहने दो, वोल्ट पर मीटर को ये रहने दो, क्या रहने दो, न्यूटन पर कूलाम ही रहने दो, न्यूटन पर कूलाम ही रहने दो। फिर क्या करते हैं, मीटर अपान न्यूटन पर कूलाम, ये सेकंड नीचे आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यूनिट केवल सेट कर रहा हूँ बाकी कुछ नहीं। देखो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थोड़ा ध्यान देना, मीटर पर क्या सेकंड स्क्वायर, ऐसे रहने दो, और नीचे न्यूटन, न्यूटन का मतलब किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन का मतलब, वो अपान क्या बचा हुआ कूलाम बचा हुआ, हाई हाई कट जाएगा, ठीक है ना, आ गया कूलाम ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या बचेगा किलोग्राम, यही वैल्यू है ई बाई किसकी, एम की है। हुआ 30 नंबर है, क्या है, कोई ऐसे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कह रखा कि एक पॉइंट ए है, ये एक इलेक्ट्रॉन है वो 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी है उसकी, एक इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है 10 टू द पावर 7 मीटर पर सेकंड, जो डायरेक्शन दिख रहा है वही डायरेक्शन है, ठीक है, कह रखा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताओ जिससे इलेक्ट्रॉन ए से बी पाथ पर जाए, यहां से यहां तक जाए, इस पाथ पर जाए, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता दो, भैया ये रेडियस है, तो मैं तो अच्छी तरीके से जानता हूं इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इधर है, मतलब करंट कहां है, नीचे है, ये करंट की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, और इस पाथ पर तभी कोई मूव करेगा जब फोर्स भी इधर ही लगे, ये सेंटर मानिए फोर्स इधर ही लगे, तो ये करंट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड बता दीजिए, तो मैं तो बहुत सस्ते तरीके से जानता हूं वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, भैया करंट नीचे और फोर्स किधर, इस तरफ, भाई सेंटर की ओर फोर्स लगेगा तभी सर्कुलर पाथ पर चलेगा, जब सेंटर की ओर फोर्स लगेगा तो अंगूठा फोर्स को दिखा रहा है, करंट को ये नीचे वाली उंगली दिखा रही है, यानी फील्ड कहाँ की ओर, अंदर की ओर, मतलब मैं डेफिनेटली क्लियर हूँ कि जो फील्ड है वो अंदर है, इस बोल्ट के परपेंडिकुलर इनवॉल्व अंदर की ओर। तो क्या चीज़ कह रखा है कि, तो सबसे पहले क्या बताना, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, तो भैया बहुत जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है, नहीं और कुछ नहीं दिया, आइए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता, मुझे पता है कि आर इज इक्वल टू, और आर भी नहीं दिया जहाँ तक,
आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब पूरा दिया हुआ 10 सेंटीमीटर पूरा, यहाँ से यहाँ तक का 10, ए भी पूरा 10 सेंटीमीटर है, तो जाहिर सी बात है कि ए सी 5 सेंटीमीटर होगा। अब निकाल दीजिए, आर इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी, और अगर ऐसा है तो मुझे बी निकालना है, एम वी अपान क्यू आर हो जाएगा। सर बी इज इक्वल टू मास, वेलोसिटी दिख रहा है तुमको, क्यू इलेक्ट्रॉन है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, बहुत सिद्ध बात है एकदम, मैग्नेटिक फील्ड किलोग्राम मीटर पर सेकंड। सर इसको सेकंड स्क्वायर करके 1 सेकंड से और मल्टी करा दीजिए, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब न्यूटन होता है, और चलिए 9.1 10 टू द पावर -31 +7 +19 +2 एंड अपॉन 1.6 इंटू 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब न्यूटन, और ये सेकंड नीचे आ सकता है, यहाँ कूलाम के नीचे आ सकता है, सेकंड यहाँ कूलाम के नीचे आ सकता है, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, मीटर ऑलरेडी मौजूद है, ये होना भी चाहिए। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेशन करने पर, ये आ जाएगा 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना बेटा 3 आ जाएगा, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर का मतलब टेस्ला, यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दिया। फिर क्या निकालना है, कह रहा है ए से बी जाने में जो टाइम लगा हुआ है, ए से बी जाने में जो क्या लगा हुआ है, टाइम लगा हुआ है, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि भैया जो टाइम की वैल्यू होती है, टाइम पूरा एक साइकिल लगाता तो 2πm अपान qb होती, अगर पूरा एक साइकिल कंप्लीट करता, लेकिन हाफ साइकिल लगा रहा है तो इसका मतलब 2πm नहीं होगा, m 2 नहीं होगा बस, बाकी सब होगा। तो सर पाई सबको पता है, मास सबको पता है, q सबको पता है, बी मैग्नेटिक फील्ड आपने निकाली लिया है, टेस्ला का मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर, कैलकुलेशन करना आपका काम है, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, मेरा काम केवल सवाल बताना है। यूनिट कहिए तो निकाल दूं, क्योंकि आप यूनिट में कांखेंगे, मुझे पता है ये किलोग्राम है, यह है किलोग्राम, और ये लिखा हुआ क्या कूलाम, ये न्यूटन, न्यूटन का मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है न्यूटन का मतलब, और एम्पियर का मतलब होता है कूलाम पर क्या सेकंड होता है, और इनटू क्या बचा हुआ है मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल, नो डाउट कैंसिल, ठीक है ना, सेकंड से एक सेकंड कैंसिल, नो डाउट कैंसिल, कूलाम से कूलाम कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, 1.57 10 टू द पावर -8 भैया अपान में भी एक सेकंड बाकी है, वही ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यूनिट मैंने सेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 31, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री करती हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम स्पीड से सेम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंट्री लेती हैं, ठीक है ना, तो दोनों सर्कुलर पाथ पर चलेंगी, डेफिनेटली दोनों किस पर चलेंगे, सर्कुलर पाथ पर चलेंगी, एक का रेडियस मान लेते हैं आर पी, और एक का रेडियस मान, मतलब इलेक्ट्रॉन का मान लेते हैं आर ई और प्रोटॉन का मान लेते हैं आर पी, कह रखा दोनों के रेडियस की जो है क्या बता दें, रेशियो बता दें, यही बताना है, तो अच्छी तरीके से सबको पता है आर इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी होता है, आर इलेक्ट्रॉन, एम इलेक्ट्रॉन, वी इलेक्ट्रॉन, क्यू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, चार्ज भी और बी तो सेम है, आर प्रोटॉन, एम प्रोटॉन, वी प्रोटॉन, ई तो सेम ही है सबके लिए, और बी सबको पता है कि आपको आर पी अपान क्या निकालना है, आर ई निकालना है, भैया कर दीजिए आर पी को आर ई डिवाइड करेंगे, जो कटे उसको काट दीजिए, जो कटे उसको काट दीजिए, बचेगा एम पी अपान एम ई। अब मास ऑफ प्रोटॉन सबको पता है कितना होता है, 1.67 10 टू द पावर 65 ही लिख लो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता जो तुम्हारी किताब में दिया है, काट देंगे जो आंसर आएगा 1813 आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रखा है कि एक प्रोटॉन है उसकी एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है ना,
एनर्जी है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, कह रखा है कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, अब ये कौन है, ये प्रोटॉन है भैया, ये प्रोटॉन है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर सबको पता है, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर तो पाथ सर्कुलर होगा। और फिर कह रखा है कि एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन ये तो प्रोटॉन है और फिर एक ड्यूट्रॉन है, और ड्यूट्रॉन की भी तुम, ये प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है, तुमको ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चाहिए, किसकी, ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, उसी पाथ पर वो भी मोशन कर रहा है, उसी पाथ पर, जिस पाथ पर ये, जो रेडियस इसका है उसी पाथ पर वो भी, ठीक है ना, प्रोटॉन भी उसी पाथ पर, उसी पाथ पर ड्यूट्रॉन भी, और मैग्नेटिक फील्ड भी दोनों के लिए सेम होगा, दोनों सेम जगह पर है। ठीक है ना, अब क्या चीज कह रखा है, उसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसी मैग्नेटिक फील्ड में कह रखा है न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। अब सबको पता भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी, कैसे पता है सर, सर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि K इज इक्वल टू होता है एम वी क्या, स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। और प्रश्न ये है सर कि वेलोसिटी जो होता है, वेलोसिटी सर वी स्क्वायर, वेलोसिटी होता है, अगर आपको एक तरीके से ध्यान से दिखाएं तो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी होता है, और अगर वेलोसिटी को थोड़ा सा और डिक्टेट करें तो हो जाएगा क्यू आर बी अपॉन एम हो जाएगा, क्यू आर बी अपॉन एम हो जाएगा। तो यहां रख दो क्यू आर बी अपान एम और स्क्वायर कर दो इसका, हाफ सर यम क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और बी स्क्वायर अपान क्या होगा एम स्क्वायर, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो हो जाएगा क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपान क्या टू यम हो जाएगा। समझ गए, और निकालना किसको है तुमको, ड्यूट्रॉन का निकालना है। तो भैया ये के फार अगर इसको क्या मान लिया जाए, ये के फार प्रोटॉन है अगर, तो भैया क्यू फार प्रोटॉन आर फार प्रोटॉन बी सबके लिए सेम है मास ऑफ प्रोटॉन, अब भैया के फार ड्यूट्रॉन, आपको बता दें ड्यूट्रॉन का भी चार्ज उतना ही होता है, ड्यूट्रॉन का, ड्यूट्रॉन का मतलब हाइड्रोजन का दूसरा वाला समस्थानिक, ठीक है ना, जिसमें एक प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन क्या है, ड्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल है जिसके अंदर नाभिक में एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, उसी का नाम ड्यूट्रॉन है, उसी का नाम ड्यूट्रॉन है। तो भैया प्रोटॉन कितना, तो एक ही प्रोटॉन, प्रोटॉन में भी और ड्यूट्रॉन में भी एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज सेम है, आर भी सेम है, मैंने नहीं कहा, सवाल ने कहा है, न्यूट्रॉन का भी वही रेडियस है जो प्रोटॉन का है, बी भी सेम है, टू तो वाई टू है, और बस मास ऑफ ड्यूट्रॉन, तो जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन है भैया, मास ऑफ ड्यूट्रॉन वो प्रोटॉन का टू टाइम्स है, किसका टू टाइम्स है, प्रोटॉन का टू टाइम्स है। अब जो कटे उसको काट दो, ठीक है, अब एम पी एम पी भी काट दो, तुमसे पूछा क्या ड्यूट्रॉन का, तुमसे क्या पूछा काइनेटिक एनर्जी पूछा, अब जहाँ जगह वहीं कर देंगे, तो यही देखो नीचे ही देखो भैया, के ड्यूट्रॉन डिवाइड कर दो के किससे, प्रोटॉन से, के ड्यूट्रॉन को के प्रोटॉन से डिवाइड कर दो, के ड्यूट्रॉन में 1/4 बचा और के प्रोटॉन में कितना बचा है 1/2 बचा है, कुल मिलाकर कितना आएगा 1/2 आएगा, थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, तो के ड्यूट्रॉन यहां से 1/2 के 1/2 के प्रोटॉन, यानी ड्यूट्रॉन की एनर्जी प्रोटॉन की आधी होगी, तो प्रोटॉन की 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तो ड्यूट्रॉन की कितनी होगी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। समझ गए आप मेरी बात को, आपकी आंख के सामने, मैंने कुछ खास अपनी तरफ से नहीं किया, फार्मूला लगाया है आ तो गया। ठीक है, कह रखा है कि कोई प्रोटॉन है और वो पृथ्वी की विषुवत रेखा पर इक्वेटर पर चल रहा है गोल गोल ऐसे 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 ये ऐसे से चल रहा है, कह रखा है कि ये चल सके ऐसे ऐसे, इसके लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए,
तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर्कुलर पाथ पर कोई चले तो उसके लिए अभिकेंद्र बल चाहिए, अभिकेंद्र बल चाहिए, और वो अभिकेंद्र बल सेंटर की ओर लगा है, अर्थ के सेंटर की ओर। रेडियस आपको दे रखा है, तो पूछ रखा है वो मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू कितना हो, डायरेक्शन क्या हो, तो वैल्यू तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा, आर इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू वी, वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है, चार्ज तुमको पता है प्रोटॉन का, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मास तुमको पता ही है प्रोटॉन का, पूरी दुनिया को मास पता है किसका, प्रोटॉन का, कितना होता है प्रोटॉन का मास, सब कोई जानता है मास ऑफ प्रोटॉन 1.6510^-27 किलोग्राम। तो आर इज इक्वल टू एम वी अपान क्यू बी, बी चाहिए, बी को इधर ले आओ, एम वी अपान क्यू आर हो जाएगा। तो प्रश्न है कि बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू तो निकल जाएगी इस फार्मूले से, डायरेक्शन कैसे निकले भैया, फोर्स हर हाल में अगर क्षैतिज वृत्त है तो फोर्स सेंटर की ओर लगना चाहिए, वो भी क्षैतिज दिशा में, सेंटर की ओर, वो भी किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में, बिल्कुल। तो सर और करंट आप देख लीजिए, ये करंट जिधर प्रोटॉन चला, जिधर प्रोटॉन चला, ये एक सर्किल बना दीजिए, एक सर्किल बना दीजिए ऐसे, तो प्रोटॉन अंदर की ओर जा रहा है तो करंट भी किसकी ओर, अंदर की ओर, ठीक है ना, करंट भी किसकी ओर, अंदर की ओर, फोर्स इस तरफ लगना चाहिए सेंटर की ओर, देख लीजिए करंट जिधर वी, जिधर वी उधर ही आई, करंट जिधर प्रोटॉन जिधर चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो अगर ऐसे जा रहा है तो प्रोटॉन अंदर जा रहा है तो करंट भी अंदर जा रहा है, फोर्स इधर लगना चाहिए सेंटर की ओर, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर हो। अब आइए दिखाते हैं भैया, क्या समझ में आया सर, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल लगाया जाए, फोर्स कहाँ की ओर, ए ए ए ए अंदर की ओर, अंदर की ओर, ये सेंटर की ओर, ये फोर्स हो गया, हथवा यही है टूट तार ने कही है, तो फोर्सवा फोर्सवा ये है, और करंटवा तो भैया कहाँ की ओर है, अंदर की ओर है, तो गड़बड़ हो गया, ये देखिए ये फोर्स, ये करंट, ये फोर्स है सेंटर की ओर, करंट अंदर की ओर, फील्ड कहाँ की ओर देख पा रहे हैं, नीचे की ओर, नीचे की ओर, फील्ड कहाँ की ओर, नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर तल में कहाँ की ओर, नीचे की ओर, ये हो फील्ड, ए ये बी वेक्टर, नीचे की ओर, अब बिल्कुल सही है ये, इसको किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये जैसे आप देख पाइए सर, ये वेलोसिटी है, यही करंट है असल में, यही करंट है असल में, ठीक है ना, ये क्या है, फोर्स है सेंटर की ओर, फील्ड कहाँ की ओर हो, नीचे की ओर। अब आप फ्लेमिंग के को, अब आप कोई भी रूल निकाल लीजिए, कोई भी रूल लगा लीजिए, फोर्स इधर है, इधर है, ठीक है ना, फोर्स किस तरफ है, ये करंट अंदर, फोर्स इस तरफ, फील्ड कहाँ की ओर, नीचे की ओर, अब आपने कहा लगा दीजिए मास 7 किलोग्राम, वेलोसिटी 10^7 मीटर पर सेकंड, चार्ज वही, रेडियस सबको पता है पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर होती है, यानी 6.4 × 10^6 मीटर होती है, बहुत इजीली भाई किलो सेकंड स्क्वायर कर दो, इसको सेकंड कर दो, कूलाम पर सेकंड एम्पियर होता है, कूलाम पर सेकंड क्या होता है, एम्पियर होता है, और निकालना क्या है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मैग्नेटिक क्या निकालना है, फील्ड निकालना है, एम वी आर, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब होता है न्यूटन अपान कूलाम पर सेकंड एम्पियर होता है, मीटर होता है। अब उसके बाद कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं, कैलकुलेशन करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा 1.7 × 10^-8, ये आ जाएगा 1.7 × 10^-8। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34। वैसे तो ये प्रश्न एक्चुअली इसका नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है, लेकिन अब दे रखा है तो लगाना पड़ेगा यहीं पर। कोई कैथोड रे बीम है 3 kV पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एनर्जेटिक किया गया है, एक्सेलरेट किया गया है, कैथोड किरण पुंज, कैथोड रे बीम है ये, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन्स की बनी होती है, इनको प्रोवाइड किया गया है वोल्टेज, इन्हीं को
वो भी सामान्य वोल्टेज नहीं, 3 किलो वोल्ट। बढ़िया, अच्छा खासा। अब जब ये एनर्जेटिक आई है, इनको एनर्जी प्रोवाइड किया गया है, बेटा ये एंट्री ले रही हैं एक दो प्लेट्स के बीच, और इन दो प्लेट्स की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन ने बोला, मैंने नहीं कहा, कह रखा इन प्लेट्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 0.5 सेंटीमीटर। मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ने कहा। कह रखा है कि इन प्लेट्स के पास ये एक पर्दा रखा हुआ है, फ्लोरोसेंट चादर है ये। फ्लोरोसेंट मतलब चमक उठता है जब इस पर कोई चीज पड़ती है, छिटकती है, तो प्रतिदीप्तशील इसको उर्दू में बोलते हैं, प्रतिदीप्तशील पर्दा है, जिंक सल्फाइड का बना होता है। कह रखा है कि इन प्लेट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 3 वोल्ट का है। कह रखा है कि अब जब ये कैथोड रे जिसमें एंट्री लेगी तो डेफिनेटली थोड़ा ऊपर चढ़ जाएगी, सीधे नहीं जाएगी, ठीक है ना। अगर मान लें ये प्लेट के बीच माइनस है और इन प्लेट्स के बीच प्लस है, तो डेफिनेटली एक फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर की ओर, इलेक्ट्रॉन की ओर, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर, क्योंकि ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव को रिपल करेगा, प्लस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन पुंज थोड़ा, कैथोड किरण पुंज, कैथोड रेज बीम थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। तो ये देखो कितना ऊपर उठ गया, ये मान लेते हैं वायु ऊपर उठ गया। तो मैंने एक डेरिवेशन कराया था क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आवेश का पथ, इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा हो जाता है, तो वहां मैंने एक इक्वेशन प्रूफ कराया था, कैपिटल ई इंटू ई 2mv² × x², ये। और मैंने कहा था पाथ पैराबोलिक होगा, ये पाथ पैराबोलिक है, ये वाई यही है, कितना ऊपर चला जाएगा, सीधे तो नहीं टकराएगा, ऊपर जाएगा, ये वही वाई है। एक्स ये लेंथ है, तो जहां एक्स है चाहो तो तुम एल लिख सकते हो भैया। कैपिटल ई ये क्या चीज है, मैं आपको बताऊं, ये ई असल में इनके बीच इस फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम लिख सकते हैं वी बाई डी, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस वी डैश से लिखा है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, ये 0.5 सेंटीमीटर। 2mv² एक काम करो, 2mv² को और 2 से मल्टी कराओ और अपान 2 कर दो, ये हो जाएगा 4mv² / 2, ठीक है ना, और ये एल स्क्वायर रहने दो, इसको E इंटू वी डैश बाई डी रहने दो, और 2 × 4 हो जाएगा, और 2 × 4 हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर की है काइनेटिक एनर्जी। अब आप देखिए 4mv² E इंटू वी डैश बाई डी, और मैं बताऊँ आपको ये mv² / 2, सर ये के तो ही है और मल्टी अभी दिखा था एल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो, सारी वैल्यूज पुट कर दो, यही डिस्प्लेसमेंट है, कितना पुंज ऊपर चला जाएगा, निकाल देते हैं वहाँ से ई को ई रहने दो, वी डैश 0.5, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए -2, और डी इनके बीच का डी है, पहले वी डैश रखेंगे, अभी गिराक मारूंगा, काटूंगा भी तुरंत, कांख मारोगे लप से, पहले वी डैश रखूँगा ना, तो वी डैश की वैल्यू कहाँ है, चिरकुटा हुआ 3 वोल्ट, और अब रखेंगे अपान डी, डी की वैल्यू इनके बीच 0.5 सेंटीमीटर, 10^-2 लगाएंगे, सेंटीमीटर से मीटर बदल देंगे। बहुत चिरकुट हो तुम लोग, मन कहता है गरियाने का, फिर अपान 4k, कहाँ है k, काइनेटिक एनर्जी कैथोड किरण का, तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है क्यू मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू वी वोल्टेज, इसको कितना दिया था तुम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पुंज को, 3 किलो वोल्ट दिया था, 3 किलो 10^3 और वोल्ट दिया था, हो गया इंटू एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर का मतलब क्या, टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो मीटर में अगर बदला जाए तो 10 × 10^-2 मीटर यानी 10^-1 मीटर स्क्वायर करोगे तो ये भी 10^-2 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, और स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर लगाना ही लगाना है। अब भैया बच्चा क्या चीज, जो बच्चा उसको काट दो, ई से ई कट गया, 10 हटाओ 0 बढ़ाओ 5×36 होता है, वोल्ट से वोल्ट काट दो, -2 से -2, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, ठीक है ना,
और कुल मिलाकर क्या बचेगा, चार त्याई कितना 12 बचा, तो 6 बटे 4 त्याई 12। 10^3 जब ऊपर जाएगा तो 10^-3 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मीटर बचाइए सर, ये 0.5 हो जाएगा और ये -3 10^2 से मल्टी कर दो बस, सेंटीमीटर में बदल जाएगा, यह आ जाएगा 5, ऐसे लिख दो 0.5 × 10^-1 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और सही कर दो तो जो डिस्प्लेसमेंट आया ऊपर की ओर -1 से इसको 0.05 सेंटीमीटर। 35 नंबर, कह रखा है 500 गाउस का कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कितने गाउस का, 500 गाउस का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना, और उसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड बना लो, ये 500 गाउस, चाहे यहाँ ना लिखो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो यहाँ लिख लो 500 गाउस। अब आपको बता दूं कि गाउस को लिख सकते हो -4 टेस्ला। ओके बिल्कुल ठीक है सर। उसके बाद कह रखा है इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसको जो है कैसे क्रिएट किए हैं, उसको क्रिएट किए हैं बेटा किससे, प्लेट्स लगा करके। तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये प्लेट्स हैं, अगर प्लस कर दें माइनस कर दें चाहे तुम्हारी जैसी इच्छा भाई, मेरे मुझको कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप चाहें, इसको प्लस कर दें इसको माइनस कर दें, अब एक फील्ड क्रिएट हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जाहिर सी बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे हो ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, हाँ प्लेट से क्रिएट करते हैं। कह रखा है 600 वोल्ट का वोल्टेज है और 2 सेंटीमीटर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 600 वोल्ट है। कह रखा है कि एक अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करें, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करें, किसकी, अल्फा पार्टिकल की, कोई अल्फा पार्टिकल पड़ गया इनके बीच में, इसकी वेलोसिटी बताओ, ठीक है ना। और कह रखा है कि लेकिन अल्फा पार्टिकल में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, कोई विक्षेप ना हो, वो चल रहा हो अल्फा पार्टिकल लेकिन उसमें कोई क्या ना हो, विक्षेप ना हो, ठीक है ना। और अल्फा पार्टिकल दोनों के परपेंडिकुलर चल रहा है, दोनों के परपेंडिकुलर चल रहा है, कौन, अल्फा पार्टिकल। अब पहले ऐसा क्या किया जाए कि अल्फा पार्टिकल, पहली बात तो दोनों के परपेंडिकुलर चल रहा है, तो दोनों के परपेंडिकुलर चलने का मतलब मैं जरा सा दिमाग लगाता हूं एक तरीके से, भैया मान लीजिए अल्फा पार्टिकल बाहर की ओर निकल रहा है, किसकी ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है, कौन, अल्फा पार्टिकल। एक एक करके देखता हूं, अगर अल्फा पार्टिकल बाहर की ओर निकले, बाहर, इफ अल्फा पार्टिकल्स मूव आउटवर्ड टू बोट प्लेन, अल्फा पार्टिकल इस बोट प्लेन के बाहर आए, तो भैया देखो जरा उस पर फोर्स निकालो, उस पर लॉरेंज फोर्स। तो देखिए फील्ड इस तरफ है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकालूंगा, फील्ड इस तरफ है और अल्फा पार्टिकल किधर है, फील्ड इधर, अल्फा पार्टिकल बाहर, तो करंट का डायरेक्शन हो गया ये, ठीक है ना, ए ए ये हो गया फ्लेमिंग के लेफ्ट, ये फील्ड है, ये फील्ड है भैया ये, और अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा है तो उधर ही करंट होगा, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल है तो करंट भी इधर ही, फील्ड इधर, इधर फील्ड, इधर करंट, तो फोर्स कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, लॉरेंज फोर्स ऊपर की ओर है, कौन सा फोर्स, लॉरेंज फोर्स ऊपर की ओर है, ठीक है ना, लॉरेंज फोर्स कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, FM कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, डायरेक्शन दिखा दे रहा हूँ, इसका डायरेक्शन ऊपर की ओर, इसका डायरेक्शन कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन, यानी अल्फा पार्टिकल पर बाई मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा, FP, ठीक है, समझ गए। अगर वो इधर चल रहा है, ठीक है, सामने की ओर। अब एक प्रश्न ये है
कि भैया अल्फा पार्टिकल भले सामने चले इधर, लेकिन एक दिक्कत और भी है, अल्फा पार्टिकल जब सामने निकल रहा है तो फील्ड तो है ही, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर, केवल बॉडी में थोड़ी ना है फील्डवा, फील्डवा सब जगह है, नीचे से ऊपर, जमीन से, आप मान के लिए आपके कमरे में जितनी जमीन है पूरी जमीन निचले प्लस है, और ऊपर का जो पूरा छत है आपके कमरे में सब माइनस है, तो आप समझ गए होंगे कि आपके पूरे कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे से ऊपर की ओर, और उसी में अल्फा पार्टिकल आप जहां बैठे हैं जिस ओर मुंह करके, समझ जाइए जैसे मैं ऐसे बैठा हूं, अल्फा पार्टिकल इधर आ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल पर एक और फोर्स लगेगा। अब अल्फा पार्टिकल ये है, जैसे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होता है तो ये प्लस वाले नीचे वाले ऊपर धक्का देंगे, और माइनस वाले क्या करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो अल्फा पार्टिकल पर एक और फोर्स लगेगा, कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, कौन लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ फोर्स लगा रहा था, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो जमीन में प्लस है ऊपर छत माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अल्फा पार्टिकल पर फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर। अगर ये वाला मतलब रहा तो ऊपर माइनस रहा और नीचे क्या रहा, प्लस रहा, तब भैया इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहाँ लगेगा, ऊपर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर लगेगा। अब तो बड़ी दिक्कत हो गई, मैग्नेटिक फोर्स भी ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स भी ऊपर, अब तो पक्का हर हाल में जो तुम्हारा अल्फा पार्टिकल सामने आ रहा था उसको सामने आते आते कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, ऐसे सामने आते आते ऊपर जाना पड़ेगा अब तो, क्योंकि दो दो लोग धक्का दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा करो कि वो सामने ही चलता रहे, न ऊपर जाए न नीचे जाए। एक चीज हो सकता है, अगर ऊपर वाला प्लस कर दें और नीचे वाला क्या कर दें, माइनस कर दें, बस फट से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नीचे की ओर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगा, अगर ऊपर प्लस कर दे नीचे माइनस कर दे। अब हुआ क्या, इसी अल्फा पार्टिकल को फोर्स ऊपर लग रहा था, कौन सा फोर्स, जो मैग्नेटिक फील्ड से लग रहा था, अगर ये प्लस हो गया ये माइनस हो गया तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है तो प्लस प्लस को धक्का देगा नीचे और माइनस अपनी ओर खींचेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लग रहा था तो ये ऊपर ना लग करके अब कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे। अगर अल्फा पार्टिकल बाहर आ रहा है तो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, इस कमरे में अगर जो है नीचे जमीन निगेटिव हो जाए और ऊपर छत क्या हो जाए, पॉजिटिव, छत पॉजिटिव हो जाए और जमीन क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, और अल्फा पार्टिकल में हूँ मैं भी पॉजिटिव हूँ, तो छत पॉजिटिव है मुझे धक्का देगा नीचे की ओर, जमीन निगेटिव है मुझे बुलाएगा नीचे की ओर, अब मुझ पर एक फोर्स लग रहा है नीचे की ओर, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, कौन लगा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड हम पर फोर्स लगा रहा है कहाँ की ओर, ऊपर की ओर, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अल्फा पार्टिकल सामने आ रहा है, तो दो फोर्सेस हो गए। अब इस अल्फा पार्टिकल पर अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है और अल्फा पार्टिकल सामने आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, सामने आ रहा है, सामने मतलब इस तरफ आपकी ओर आ रहा है सामने, तो इस पर एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, ये ऊपर की ओर, और इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ की ओर, नीचे की ओर, अगर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की ओर। अगर एफ बी ऊपर का और एफ ई नीचे का दोनों बराबर हो जाए, इफ एफ बी इज इक्वल टू एफ ई हो जाए और डायरेक्शन अपोजिट हो जाए एक दूसरे के, केवल मैग्नीट्यूड सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, मतलब वो सीधे सामने जा रहा था और सामने ही जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर कोई खींच रहा है उतना नीचे खींच रहा है, तो नेट फोर्स जीरो, यानी पार्टिकल सीधे सामने ही जाएगा, अब उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधा चलेगा, ना वो ऊपर भागेगा ना वो नीचे भागेगा, सीधा चलेगा, अगर ऊपर का फोर्स नीचे फोर्स के बराबर है, ठीक है ना। तो आपसे वही चीज़ पूछ रखा है, क्या चीज़ पूछ रखा है कि भैया वेलोसिटी बता दे, कितनी वेलोसिटी से बिना विचलित हुए सीधे जाएगा, तो मैं तो समझता ही हूँ, क्या समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि सर ऊपर जो फोर्स लग रहा है ऊपर, वो क्यू वी बी साइन 90 है, और जो फोर्स नीचे लग रहा है वो कौन है, वो है क्यू इंटू क्या, ई है, वो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, वी बी साइन 91 होता है कैपिटल ई, आपसे वी पूछा है वो ई बाई क्या होगा, बी होगा, और ई मैग्नेटिक फील्ड हमको दिया नहीं है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिया, बहुत चिरकुट टाइप के आदमी है, तो वी बाई डी लगा देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको दी है, कितना आसानी दिया, थप तड़दला के निकल जाएगा वेलोसिटी, भैया वी बाई डी, वी कितना है 600 वोल्ट है, और डी कितना है 2 सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड दिया तो है 500,
बोले 10^-4 टेस्ला का मतलब न्यूटन पर एम्पियर, मीटर 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 कैंसिल, उड़ गया, लक्का भक्का हो गया, ठीक है ना। और मेरा मानना ये है आपसे कि आप वोल्ट पर मीटर को चाहें तो लिख सकते हैं क्या, मेरे मानने न्यूटन पर कूलाम लिख सकते हैं, और इसको एम्पियर मीटर ही रहने दीजिए, न्यूटन न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। और बड़ा झमझम पाड़े क्वेश्चन था ये, कूलाम बराबर होता है एम्पियर इंटू क्या, सेकंड होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, कूलाम बराबर एम्पियर इंटू क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। तो एम्पियर एम्पियर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए, दो जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो तियाई छः होता है सर, जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी वो ऊपर तीन है, देखिए माइनस दो ऊपर जाएगा भैया, माइनस दो ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस दो हो जाएगा, और माइनस चार ऊपर जाएगा मतलब 3×10^ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। एकदम बढ़िया से आ गया क्वेश्चन, नीचे वह 5 बचा है, लगा दो भाई 5 बचा है तो, और क्या बचा है, और सब तो खत्म हो गया, बचा क्या है, गुलाम बराबर एम्पियर सेकंड, ये सब, ये सेकंड बचा है, मीटर ऊपर चला जाएगा, तो मीटर एकदम ऊपर जाएगा यहाँ, और सेकंड बटे में बचा हुआ है, मीटर पर सेकंड। भैया वी बराबर हमारे हिसाब से 5×36.6, यानी कुल मिलाकर 6×10^5 मीटर पर क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन झमझम पाड़े। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 36 है, क्या कह रखा है, 40 सेंटीमीटर लेंदी एक वायर है, उसमें 2.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 40 सेंटीमीटर L, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2.5 एम्पियर, और जो है इसको 8×10^-3 वेबर बन रही स्क्वायर, 8×10^-3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, क्या रखा है कि इस पर जो है फोर्स बता दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया, यही तो कह रखा है। भैया F बराबर होता है बिल करंट, मैग्नेटिक फील्ड न्यूटन पर एम्पियर मीटर, लेंथ sin 91 होता है। अब गुणा भाग कोई ना कर पावे, मतलब अत्याचार मचा के रख दिए होंगे, 25×100 = 800, −3 − 2 − कितना 5, ठीक है ना, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर एम्पियर कैंसिल, न्यूटन हो जाएगा, कुल मिला के 8×10^-3 न्यूटन, मतलब सवाल के नाम पर क्या है, अत्याचार कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 37, भैया एक लंबा तार और ऊर्ध्वाधर तार है, मतलब लंबा और ऊर्ध्वाधर तार है, 5 एम्पियर की करंट नीचे से कहाँ की ओर बह रही है, ऊपर की ओर बह रही है, 5 एम्पियर की करंट, 5 एम्पियर की करंट नीचे से ऊपर की ओर बह रही है, बहो भैया बहो। फिर क्या कह रखा है कि यह तार 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर की ओर है, क्षैतिजतः अंदर की ओर, ठीक है ना, कितना है वो 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 0.020 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। कह रखा है कि जिसकी दिशा उत्तर की ओर, उत्तर की ओर ही तो है, यही उत्तर है उत्तर की ओर, अंदर की ओर, मतलब समझ गया मेरी बात को, करेक्ट है बिल्कुल। फिर क्या कह रखा है कि क्षेत्र द्वारा तार की 0.06 मीटर लंबाई पर, क्षेत्र द्वारा तार की 0.06 मीटर लंबाई पर, ये जो वायर है इसकी लंबाई मान लो 0.06 मीटर, इतनी लेंथ पर क्या कह रखा है, कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लगेगा, कितना फोर्स और किस डायरेक्शन में लगेगा। भैया पहले तो ये बराबर IBL निकाल ही लो, साइन 90 होगा, क्यों, फील्ड अंदर की ओर तार ऊपर की ओर, फील्ड अंदर तार ऊपर एंगल 90 डिग्री, अंदर और ऊपर के बीच एंगल 90, हट, करंट कितना है 5 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड कितना है, लेंथ कितनी है 0.06 मीटर, ठीक है ना, साइन 91 होता है, सबको पता है यार, गंदी बात कर देते हो, मुझे गुस्सा आ जाती है, मतलब शायद कपूर समझ रखो, गंदी बात कर रहे हो, चिरकुट कहीं के। अब देखिए भैया 5×10 छंक कितना होता है, 60 होता है, और दशमलव 2 अंक बाद और 2×2 = 4 अंक बाद, ठीक है ना, क्या आएगा, न्यूटन आएगा, 0.006 न्यूटन आ गया, ठीक है, यही आंसर है, 0.00 कितना न्यूटन, 6 न्यूटन। अब भैया डायरेक्शन की बात कर ले रहे हैं, कर लीजिए भाई डायरेक्शन बात करिए, डायरेक्शन कहाँ की ओर है, फील्ड अंदर की ओर है, करंट ऊपर की ओर है, फील्ड अंदर करंट ऊपर फोर्स इधर, ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है, दाई तरफ, किसकी दाई, दाया का मतलब ये वेस्ट है,
भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट की ओर फोर्स लगेगा। नंबर देखें, करक्का की 2 मीटर लेंथी एक वायर है, 2 मीटर लेंथी एक वायर है, ठीक है ना, इसमें 4 एम्पेयर का करंट है। फिर क्या कह रखा है कि 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में, वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में कह रखा है मैग्नेटिक फील्ड से 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है, ठीक है। कह रखा है कितना बल लगेगा भैया, ये भी सब कोई क्वेश्चन है। आई वी एल साइन थीटा, आई कितना है 4 एम्पियर, बी कितना है 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, एल कितना है 2 मीटर, साइन कितना है 30 डिग्री, 4 × 8 × 16, ठीक है ना, यानी कुल मिला के 8 आएगा, 8 टेस्ला, कर लेना गुणा भाग, 39 नंबर क्या है, क्या कह रखा है 20 सेंटीमीटर, जितनी साइड्स है सब 20 सेंटीमीटर है, पी क्यू आर एस सब 20 सेंटीमीटर। फिर कह रखा है कि 0.10 टेस्ला का जो है मैग्नेटिक फील्ड है, एल 20 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड 0.10 टेस्ला, जो आपको साइड दिख ही रहा है बाहर की ओर। कह रखा है कि 2 एम्पियर का करंट है ये, यहाँ पर 2 एम्पियर का करंट एंट्री लेती है, 2 एम्पियर। अब आपको बता दूँ 2 एम्पियर जब आएगी तो इसमें 1 एम्पियर हो जाएगी, इसमें भी 1 एम्पियर हो जाएगी, इसमें भी 1 एम्पियर हो जाएगी, इसमें भी 1 एम्पियर हो जाएगी, यहाँ पर भी 2 एम्पियर निकलेगा। फिर देखिए क्या कह रखा है कि इनकी साइड्स पर कितना फोर्स लगेगा, इन सभी साइड्स पर फोर्स निकाल दो। मैं एक चीज जानता हूँ, फील्ड जब बाहर की ओर है, फील्ड सब जगह बाहर और साइड ये है, तो एंगल तो 90 डिग्री ही है भाई, जो साइड्स है वो बोर्ड पर है, सारी साइड्स बोर्ड पर है और फील्ड बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर निकल रहा है, तो बोर्ड और फील्ड के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो हर साइड पर जो फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90। तो आई करंट की वैल्यू है ये 1 एम्पियर, बी जो मैग्नेटिक फील्ड है 0.10 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, लेंथ जो है वो कितना है बेटा 20 × 10⁻²⁪ मीटर, और साइन 91 होता है, ठीक है। अब जो फोर्स आ जाएगा वो देख लीजिए कि माइनस ये हो जाएगा 0.2, ये 0.2 हो जाएगा न्यूटन, यानी अगर एक तरीके से देखा जाए 0.02 न्यूटन आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब डायरेक्शन की बात कर दें, आइए सर करंट इस तरफ है और फील्ड कहाँ की ओर है, ये हो गया फील्ड बाहर, करंट इस तरफ, फोर्स नीचे, यानी इस वाली साइड पर फोर्स नीचे लगेगा, इस वाली साइड पर भी फोर्स कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। अब इसमें देख लीजिए करंट कहाँ है, फील्ड इस तरफ है, आई एम सॉरी थोड़ी गलती हो गई भैया मान जाए प्लीज़ यार, फील्ड कहाँ की ओर है, ऊपर की ओर है, सही तो है, फील्ड ऊपर की ओर है और करंट इस तरफ है, तो फोर्स नीचे, सही है भैया। अब इस पर देख लीजिए फील्ड किधर है, बाहर की ओर है, ये फील्ड है और करंट नीचे है, फोर्स इस तरफ, सेम बात यहाँ पर भी, यानी पी एस और क्यू आर पर फोर्स किस तरफ, वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है ना, और पी क्यू और एस आर पर फोर्स कहाँ की ओर, नीचे की ओर है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रखा है कि एक वायर है और इसमें 10 सेंटीमीटर साइड वाला जो है ट्राइंगल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, इसमें 5 एम्पियर की करंट है, एक वायर है सीधी सी, इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं ट्राइंगल में और सारी साइड 10 सेंटीमीटर, अच्छा क्वेश्चन है ये, और सब में करंट कितना है 5 एम्पियर है करंट, सारी साइड्स में 5 एम्पियर करंट है। फिर प्रश्न में क्या कर रखा है भैया, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो 2 टेस्ला
का एक मैग्नेटिक फील्ड है, दो टेस्ला का, दो टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, ये क्वेश्चन ने कहा है। अब ये नहीं कहा क्वेश्चन ने, करका के त्रिभुज के तल के लंबवत है, तो ये प्लेन है त्रिभुज का, तो इसके लंबवत बाहर की ओर मान लेते हैं फील्ड, ऐसे नो डाउट। चलिए ये भी सही है सर। करका की इसकी साइड्स पर फोर्स बता दीजिए, साइड्स पर फोर्स, तो मैं आपको बता दूं हर साइड पर जो फोर्स होगा, एंगल तो 90 डिग्री है, ये देखो करंट इस तरफ, ये करंट है, ये फील्ड है, तो एंगल तो 90 डिग्री है सारे साइड्स पर, तो फोर्स तो पहले निकाल दो। करंट 5 एम्पियर, फील्ड कितना 2 टेस्ला, लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर, ये मीटर में कन्वर्ट करोगे साइन 91 होता है सर, खत्म हो जाएगा सब, एक आ जाएगा, 1 न्यूटन का फोर्स है। अब प्रश्न ये है सर कि नेट बल ये बहुत सिंपल सी चीज है कि भैया फील्ड बाहर की ओर है, ये है नेट बल, देखिए फील्ड बाहर की ओर है, आप ऐसे समझ लीजिए फील्ड बाहर की ओर, ये इसके परपेंडिकुलर इधर, इसके परपेंडिकुलर इधर, अगर आपको फील्ड दिखा दें तो, और इसके परपेंडिकुलर इधर, भाई लगा सकते हैं ना आप, कैसे ऐसे भी कह सकते हैं, ये फील्ड, देखिए फील्ड बाहर की ओर, करंट आप देख ही रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ये फोर्स, ये फोर्स, सब फ्लेमिंग के रूल के अनुसार। अब आपको बता दूं इन दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, एंगल कितना है, ये 120, ये भी 120, ये भी 120, तो ये 120, ये 120, तो इन दोनों का जो नेट आएगा, इन दोनों का जो कौन आएगा नेट, देखिए ये फोर्स और ये फोर्स, तो 120 का नेट, अगर ये यफ, तो इन दोनों का नेट जो आएगा वो नीचे की ओर आएगा यफ, और एक फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है यफ, तो ये यफ जो ऊपर की ओर लग रहा है ये, और इन दोनों का जो नेट है नीचे की ओर यफ, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वन नंबर क्या है क्वेश्चन, कह रखा है कि दो बिल्कुल पैरेलल पटरियां हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 2×10⁻²⁰ मीटर है, 2×10⁻²⁰ मीटर है। कह रखा है कि ये नॉर्थ से साउथ में बिछाई गई हैं, अब मैंने गलती कर दी, मैंने ऐसे बिछा दिया है, चलो फिर से बना देता हूँ फिगर, ये इनके बीच का डिस्टेंस वही है, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ में बिछाई गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रखा है कि इन पटरियों के बीच एक बैटरी ऐड कर दीजिए, ठीक है ना, इन पटरियों के बीच एक बैटरी ऐड कर दीजिए, और इसका पॉजिटिव टर्मिनल पूरब की ओर और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो, समझ गए, कह रखा है कि पटरियों के बीच एक बैटरी जुड़ी है जिसका धन टर्मिनल पूरब की ओर वाली पटरी से जुड़ी है, ठीक है ना। आइए भाई शुरू करते हैं, जो चीज कह रखा है कि बैटरी जोड़ दिया जिसका पॉजिटिव टर्मिनल पूर्व की ओर, ये पूर्व है और ये पश्चिम है पॉजिटिव टर्मिनल, तो यानी करंट इससे फ्लो होगा, ठीक है। फिर क्या चीज कह रखा है, बैटरी पेलन में 3 एम्पियर की धारा भेज रही है, बैटरी बेलन में कितने एम्पियर की धारा, 3 एम्पियर की धारा भेज रही है। हाँ, जो मैं समझ नहीं पा रहा था, इन बैटरियों के, इन पटरियों के बीच एक बेलन रखा हुआ है, ये बेलन है, अभी जो बैटरी है ये इस बेलन में जो करंट भेज रही है वो 3 एम्पियर आपकी आंख के सामने है। फिर कह रखा है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, यहां जो मैग्नेटिक क्या है फील्ड है, वो कह रखा है कि 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, वो भी कहां की ओर, ऊपर की ओर। अब मैं एक बहुत सीधी सी बात जानता हूं, यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है
वो ऊपर की ओर है, तो मैंने ये वाला माना है। ये फिर कह रखा है कि और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 1.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कह रखा है कि बेलन पर जितना फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू डायरेक्शन बता दें, फोर्स की वैल्यू और क्या बता दें, डायरेक्शन बता दें। तो पहले तो सिंपली डायरेक्शन बताते हैं, फील्ड कहाँ की ओर है, फील्ड कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। लेफ्ट हैंड के रूल से बताना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। फील्ड किसकी ओर, बाहर की ओर हो गया, फील्ड बाहर, करंट इधर, पॉजिटिव से निकलेगा करंट इस तरफ। फोर्स कहाँ की ओर, ऊपर, ऊपर का मतलब नॉर्थ की ओर। तो फोर्स का ये डायरेक्शन हो गया कम से कम। अब आप देख लीजिए, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन 90 होगा ही होगा, इधर ये है करंट इस तरह, एंगल 90। करंट कितना है, 3 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड 1.2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। लेंथ 2×10⁻²⁰ मीटर साइन 90। सर ये 12 तिहाई 36, 36 दूरी 72, 7.2 10⁻²। एम्पियर से एम्पियर, मीटर से मीटर, फोर्स न्यूटन में आ जाएगा। डायरेक्शन आप देख रहे हैं ऊपर की ओर, यानी नॉर्थ की ओर लग रहा है, ये फोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, 42। देखें 42 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रखा है, एक रेक्टेंगुलर क्वायल है, हर साइड 40 सेंटीमीटर है और 40 गॉस की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है ना। और ऐसा है ये कि सामने की जो दोनों भुजाएं हैं वो क्षेत्र के कैसे हैं, समांतर हैं, ठीक है। तो देख लीजिए भाई, बना देते हैं। और क्या, ये क्वायल है और ये वर्ग है, स्क्वायर है अगर, तो सारी साइड्स 40 सेंटीमीटर होंगी, सब सेम होगा। और जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है वो 40 गॉस है और सबको पता है ये हो जाएगा टेस्ला, 10⁻⁴ टेस्ला। कह रखा है कि करंट 1.5 एम्पियर है भैया, 1.5 एम्पियर, तो करंट सब में सेम ही होगा, सब सीरीज में है। तार क्यों बताना है, ये क्वेश्चन यहाँ का नहीं है, लेकिन चलिए, टाउ बराबर एन आई ए बी साइन थीटा। अब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बना दें, उसने कहा ये कि दो साइड्स पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों साइड मान लेते हैं पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, पी क्यू और आर एस पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो टार क्यू, अब बहुत सिंपल है, टार क्यू एक ही फेरा है, करंट की जो वैल्यू है 1. कितना एम्पियर, 5 एम्पियर। एरिया, स्क्वायर का एरिया यही होता है। मैग्नेटिक फील्ड 40×10⁻⁴ टेस्ला, टेस्ला का मतलब सबको पता है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। सर अगर समझते हैं आप, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, -4 से -4 कैंसिल हो जाएगा, और 4×16 को कितना 64, 10³, 1.5 क्या बचा है, न्यूटन, और ऊपर एक मीटर बचा है, ये टार क्यू आ जाएगा। सर ये हो जाएगा 15 और गुड़े 10⁻² न्यूटन मीटर। अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, 6.4 क्यों लिख रहे हो यार, सही तो है। और ये आ जाएगा आपका कुल मिलाकर के जो टर क्यू आएगा, कहीं मैंने कुछ फॉल्ट तो नहीं किए, मैंने थोड़ी सी फॉल्ट कर दी है क्या जी, ये जो मैंने काट दिया है, ये मैंने गलती कर दी काट करके, -4 और -4, माइनस कितना होता है 8 होता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, -4 -4 -8 होता है, तो 10⁻⁸ क्या कर दो 8, छोड़ो इतना देर परेशान होने से अच्छा है कि आप गुणा भाग कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है।
कर लीजिए भाई, 40 40 40, 4 चौक 16 चौक 64, अगले 10 घाते 3 हो गया, ये 1 पॉइंट कितना हो गया 5 हो गया, मल्टी बाकी मात्रा का सही सेट था, -4 -4 -8 हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद न्यूटन और ये मीटर, दशमलव से 10 to the power कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर 3 आया कहाँ से था, 10 to the power 3 आया कहाँ से था, 10 to the power कितना 3 3 3 3 3, अच्छा ये 1 0 2 0 3 0, ठीक है। फिर ये हो गया, फिर 10 to the power 2 से ये भी ख़त्म हो जाएगा, 10 to the power -6 बचेगा, 64 × 15 × 10 to the power- क्या बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, बचा है ना बेटा, न्यूटन मीटर। 15 चौक को 60 और 15 छक्का 90, 90 6 96, हाँ ये हो गया 10 to the power -6 न्यूटन मीटर, कुल मिलाकर 9.60 × 10 to the power -4 न्यूटन मीटर कैलकुलेशन करने पर आएगा, ठीक है ना, सही तो है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक कोई कंडक्टर है, धारावाही चालक है और करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें 8 × 10 to the power 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर लेंथ में है, 8.0 × 10 to the power 22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर किस में है, लेंथ में है, यानी सच कहें तो ये n बाई क्या है, l है, पर मीटर लेंथ में है, नंबर ऑफ क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है, यानी इसको आप n बाई l कहिए। और कह रखा कि उनका जो अनुगमन वेग है 8 × 10 to the power -5 मीटर पर सेकंड, अनुगमन वेग कितना है 8 × 10 to the power -5 मीटर पर सेकंड, ये उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक भाई। कह रखा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, वो भी परपेंडिकुलर 0.10 वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी परपेंडिकुलर टू थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है ना। फिर कह रखा है भैया कि इस पर फोर्स बता दीजिए, सॉरी कह रखा है कि इसमें करंट बता दीजिए, और एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, मतलब एक एक बात है, पहले तो कह रखा करंट बता दीजिए, तो करंट तो NeA VD होता है, पहले तो करंट NeA VD होता है, तो भैया ये जो N होता है ना, N ये कैपिटल N बाई V होता है, प्रति एकांक आयतन में पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सर वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू लेंथ होता है, एरिया जी कट जाएगा, एन बाई एल बचेगा, ई बचेगा, वी डी बचेगा। सर एन बाई एल का जो आपकी वैल्यू दी हुई है पर मीटर, करंट बता रहा हूँ, वेलोसिटी मीटर पर क्या सेकंड, और सर 8 × 28 = 64, 1.6 10 to the power 22 -19 -5 कूलाम पर सेकंड। सर अगर आप समझते हैं तो 16 × 64 हाँ होता है, 16 × 64 और 16 × 96, 96 × 6 कितना 102, गिराक मारूंगा अभी, बुद्धि से ही जाएगी, 9 × 5 = 14 -2 कूलाम पर सेकंड का मतलब होता है एम्पियर, बहुत ज़्यादा करेंगे तो 1.024 × 10 to the power -4 एम्पियर यही होगा, सही है। अरे मतलब आई और -4 नहीं दे रहा है और मेरे -4 आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे पता लग गया ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, जब दो अंक इधर लेकर आओगे तो प्लस में आएगा और ख़त्म हो जाएगा, ये हट ये नहीं रहेगा भाई, -2 आई है, यहाँ से यहाँ लेकर आओगे तो +2 आएगा, ख़त्म हो जाएगा, इतना ही आएगा, करंट आ गया। और करंट आने के बाद फिर क्या करा, करा का एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल भैया लॉरेंज बल QVB sin 90 एक इलेक्ट्रॉन हो गया, वेलोसिटी वही इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
बी मैग्नेटिक फील्ड आपको पता दे रखा है 0.10 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, कूलाम पर सेकंड, सबको पता है एम्पियर होता है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सर मल्टी करा लीजिए, 16 8 कितना होता है 144 होता है, और 0.1 भी है, मल्टी 10^-19 और -5 भी है, और न्यूटन है ही, मल्टी करा देंगे 1.44 हो जाएगा और 10^-24 न्यूटन हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला क्या है, फोर्स है, सही है, सही है। फिर कह रखा है कि इस कंडक्टर की पर मीटर लेंथ पर लगने वाला फोर्स, कंडक्टर के पर मीटर लेंथ पर लगने वाला क्या फोर्स, ठीक है वही बता देंगे, पर मीटर लेंथ पर F बराबर IBL साइन 90 होता है, तो F अपान क्या कर दें, L कर दें, अभी आ जाएगा फट से, I M करंट कितना है, यही निकाला था कभी, 1.02 एम्पियर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक क्या फील्ड 0.10 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, साइन 91 होता है, एल तो नीचे आ ही गया, मल्टी करा दोगे इसको, पॉइंट कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा, न्यूटन पर क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएगा, 0.102 न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, कोई 60 सेंटीमीटर लेंथ का और 10 ग्राम मास का, ये देख रहे हैं इसकी जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है और इसका जो मास है वो 10 ग्राम है, मास 10 ग्राम किलोग्राम हो गया, कह रखा है 0.40 वेबर पर मीटर स्क्वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर को लिख सकता हूं के मैग्नेटिक फील्ड में, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, आप देख पा रहे हैं, लटक ही रहा है, ये लचीलो स्प्रिंग से लटका हुआ, समझ ले लचीलो तारों का मतलब स्प्रिंग से लटका हुआ है, कह रखा है कि अगर आप चाहते हैं कि ये तनाव समाप्त हो जाए, ये जो तनाव है ये समाप्त हो जाए, तनाव समाप्त हो जाए मतलब क्या, सिकुड़ जाइए, ऊपर चला जाए, ऊपर जाएगा तो ये जो रॉड लटक रही है वो यहां आ जाएगा, रॉड यहां आ जाएगी, यानी रॉड की पोजीशन यहां से वहां चली जाएगी, तो ये तनाव खत्म हो जाएगा, ये जो लेंथ है ये जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। ये कब हो सकता है, ये तब हो सकता है कि जो रॉड का वेट लग रहा है नीचे, क्या एमजी नीचे की ओर, रॉड का वेट नीचे की ओर एमजी है, अगर इस एमजी के बराबर इस पर फोर्स लगे ऊपर, वो भी मैग्नेटिक फील्ड द्वारा, अगर जो फोर्स लगे मैग्नेटिक फील्ड से वो एमजी के बराबर ऊपर, एमजी तो नीचे है लेकिन इसके बराबर फोर्स ऊपर लग जाए, तो ऊपर फोर्स तब कब लगेगा, जब इसमें करंट फ्लो होगा, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, इस पर फोर्स ऊपर लगे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, देखिए फील्ड तो अंदर की ओर है, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो, मेरी इस वाली अंगुली, ये मिडिल फिंगर हाई जिसमें अंगूठिया पहनाया था, फील्ड अंदर करंट इस तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, फील्ड अंदर करंट इस तरफ, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर, यानी अगर करंट का डायरेक्शन ये हो जाए करंट का डायरेक्शन, तो इस पर फोर्स ऊपर लगेगा, यानी कि क्या कह सकते हैं, करंट हमारा किधर चले, राइट डायरेक्शन में, राइट में अगर करंट चले तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है। अब कितना करंट बहे, साइन 90 तो होगा ही, करंट इस तरफ, फील्ड अंदर की ओर, एंगल 90 और एमजी। अब आपसे आई पूछ रखा है, सर मैं जानता हूं एमजी अपान बीएल होगा, एम सबको पता है 10^-2 केजी, जी अब मैं जी की वैल्यू अभी के लिए 10 रख दे रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड सबके सामने है, एल लेंथ 60 सेंटीमीटर 0.60 मीटर होगा, करेक्ट आ गया, मीटर से क्या कैंसिल हो जाएगा, मीटर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए मैं जहां तक समझता हूं तो
ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन होता और न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। कुल मिलाकर बचा क्या, ऊपर बचा 10, ये देखिए दशमलव हटा दिए ना, बस ये भी ख़त्म हो जाएंगे। अब बचेगा क्या, ये 10 बचेगा और इस जीरो से ये भी उड़ा दीजिए, 6 बचेगा। अब नीचे क्या बचा, 0.40 हटा दो, ऊपर बचेगा 100। अब 100 ऊपर और नीचे कितना बचा, 40 × 6 एम्पियर ऊपर चला जाएगा। ये भी हटा दो, 10 बचे कितना बचा, 4×6 = 24 एम्पियर। दसमलव लगा दीजिए, 0 बढ़ा दीजिए, 24×6 = 96 पॉइंट कितना एम्पियर, 4 एम्पियर करंट इस तरफ। और फ्लेमिंग के साथ के रूल से लगाया था, लेफ्ट हैंड के रूल से, फील्ड अंदर करंट इस तरफ, फोर्स कहाँ क्यों लगे, ऊपर क्यों लगे। आ तो गया राइट साइड में। अब अगला क्वेश्चन भी है, उसको भी दिखाते हैं। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है, क्या चीज है सामने है, 10 ग्राम का कोई एक वायर PQ है, मतलब इसका मास दे रखा है 10 ग्राम, ये PQ, इसका जो मास है वो 10 ग्राम है। अब 10 ग्राम मतलब 10^-2 किलोग्राम, अरे मैंने 10^-3 से मल्टी करा दिया है। फिर कह रखा है कि ये विराम में है, पटरियों के बीच रेस्ट में है, ये रुका हुआ है। कह रखा है कि 0.80 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर है, और वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0.80 टेस्ला। टेस्ला का मतलब न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ठीक है। कह रखा है कि आपको दिख ही रहा है, रेजिस्टेंस घटाते घटाते, इस सर्किट का रेजिस्टेंस घटाते घटाते जब 20 ओम से कम होने लगता है, ये आपका रियो स्टेट है ना, आप इस रियो स्टेट के सहायता से इस सर्किट का, मतलब कम से कम ये घटाते घटाते इसका रेजिस्टेंस जब आप 20 ओम कर देते हो, 20 ओम या 20 ओम से कम करते हो, तो भैया अपने आप PQ जो है, ये PQ अपने आप खिसकने लगता है, ये मोशन में आ जाता है, कम इन मोशन। लेकिन जब ये 20 ओम से कम होता है तब कह रखा है कि इस वायर और इन पटरियों के बीच घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μs बता दीजिए। मैं आपको एक स्पष्ट बात कर देता हूं, यूं ही तो खिसकेगा नहीं, ये बिना बल के इनर्सिया खिसकने नहीं देगी, ये चलेगा तभी जब इस पर फोर्स लगे। और इस पर फोर्स लगा कैसे, एक्चुअली जो 6 वोल्ट की बैटरी है ना, इसने करंट प्रोवाइड किया, और करंट कितना प्रोवाइड किया, सर 20 ओम, VI = V/R, वी कितना है 6 वोल्ट, आर कितना है 20 ओम, 6/20 वोल्ट पर ओम मतलब एम्पियर, 0.3 एम्पियर, 0.3 एम्पियर का क्या हुआ, करंट फ्लो होने लगा इसमें, जैसे 20 ओम, मतलब समझ गए, 20 ओम हुआ तो कम से कम करंट कितना, 0.3 एम्पियर, और जैसे इसमें करंट फ्लो हुआ, ये करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव से निकल गया करंट। इस पर फोर्स किधर लगेगा, आप खुद देखिए, फील्ड अंदर की ओर, फील्ड अंदर की ओर है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से फील्ड अंदर, करंट नीचे, फोर्स इस तरफ, इस पर फोर्स लगेगा इधर, और जैसे इस पर फोर्स लगेगा डेफिनेटली क्या होने लगेगा, इसमें फोर्स लगते ही मूव करने लगेगा, इधर इधर मूव करेगा, और कम से कम इसको चलाने के लिए जो फोर्स है वो इधर, इधर क्या लग रहा है, इस पर पीछे की ओर, जब ये इधर चला तो इस पर पीछे की ओर फ्रिक्शन लगा, घर्षण बल लगा। तो तुमको कम से कम कितना बल चाहिए इसको चलाने के लिए, कम से कम कितना बल चाहिए इसको चलाने के लिए, कम से कम आपको FS के बराबर, घर्षण बल जितना पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, उसके बराबर तो चाहिए इधर चलाने के लिए। FS = μs × R, F कितना लग रहा है, IBL sin 90, भाई करंट इधर, फील्ड अंदर है, एंगल 90 है, μs, सबको पता है R = क्या होता है, mg होता है, सबको पता है, IBL sin 91 होता है। अब तुमसे प्रश्न क्या है, μs
IBL अपॉन MG, करंट 0.3 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड 0.80 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, लेंथ 4.9 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो 10^-2 मीटर हो गया अपान क्या mg, मास सबके सामने यही कह दिया था ये 10^-2 किलोग्राम, g की वैल्यू मैं तो मानता हूँ 9.8 न्यूटन पर किलोग्राम कर दीजिए, किलोग्राम किलोग्राम कैसे दसमलव हटा दो, 48 दुना कितना होता है ये होता है, इससे काट दो इसको 0.40 होता है। और सर न्यूटन अगर देखो मीटर से मीटर कट जाएगा और एम्पियर से एम्पियर कट जाएगा और न्यूटन से न्यूटन कट जाएगा, अब बचा क्या 0.3 0.4 10^-2 -2 और 10^-2 एक और है, हट जाओ भैया दोनों लोग, सब खत्म हो गया, खत्म हो चुके हैं सब, 0.12 आ जाएगा फ्रिक्शन कांस्टेंट, सिंपल है। 46 क्या कह रखा है, कोई इलेक्ट्रॉन बीम है और उसमें 5 एम्पियर की इलेक्ट्रॉन बीम है और 5 माइक्रो एम्पियर की करंट है, इलेक्ट्रॉन बीम है 5 माइक्रो एम्पियर की करंट है, 5 माइक्रो एम्पियर की करंट है, ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि पर सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं भैया, तो I इज इक्वल टू क्यू आई टी होता है, माइक्रो एम्पियर एम्पियर, अब Q इज इक्वल टू एन ई होता है एम्पियर, सर एन बाई टी निकालना है, कूलाम पर सेकंड, ई फिफ्टी अपॉन 60 माइनस 6 प्लस 19 हाँ, और 4 चौक 16 और 4 से काटोगे उसको किसको 50 को, या फिर 2 8 16 कह दो और 25 हो गया, तो 25 बटे कितना हो गया 8 हो गया, हो गया ही भाई, और मल्टी ये 19 में से 6 गया कितना बचा 13 पर सेकंड, यानी आप इसको 250/8×10^12 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कह सकते हैं। अगर आप इसको काटते हैं तो 8 * 3 = 24, 8 * 1 = 8, ठीक है, 8 * 3 = 24, 8 * 1 = 8, 8 * 2 = 16, 8 * 5 = 40, 3.125×10^11 इलेक्ट्रॉन पर क्या सेकंड। अब इसमें 13 दे रखा है पता नहीं कैसे, और वो भी 13 देने का मतलब क्या हुआ, हाँ दे रखा है 13, इधर एक अंक लेकर आओगे तो 12 की बजाय कितना होगा 13 होगा, मैं ही कभी कभी कैलकुलेशन फॉल्ट कर देता हूँ, ये 12 था बेटा, एक अंक इधर लेकर आओगे ना तो 12 × 13, ठीक। फिर कह रखा है कि भैया 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, अब आप देख लीजिए ये इलेक्ट्रॉन पुंज है तो करंट नीचे, 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, तो सिंपल सी चीज़ है IBL साइन 90 है, क्या है 90, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये तो फोर्स होता है, क्या होगा मैं बताता हूँ, म्यू जीरो अपान 4π I अपान क्या R, म्यू जीरो अपान 4π यहाँ तक 2I/R ये होता है, म्यू जीरो अपान 4π 2I/R यही है फार्मूला। अब सर I कैसे निकलेगा, दिया तो है तुमको 5 माइक्रो एम्पियर करंट, तो म्यू जीरो अपान 4π 1×10^-7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, I का 5 माइक्रो का 10^-6 एम्पियर, डिस्टेंस कितना है 50 का मतलब 50×10^-2 मीटर, ठीक है ना, एक एम्पियर से एक एम्पियर कैंसिल हो जाएगा और 5×50 माइनस एक हो जाएगा 10^-1 और माइनस एक का मतलब 7×6 = 13 - 12, ठीक है ना, और 2 बचा, ठीक, न्यूटन पर एम्पियर मीटर का मतलब टेस्ला होता है, 2×10^12 कितना -12 न्यूटन पर एम्पियर, करंट नीचे है तो आप चाहें तो फील्ड का डायरेक्शन भी दिखा सकते हैं बाहर की ओर अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है ना।
47 क्या है? एक लंबा वायर है, 20 एम्पीयर की करंट है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रॉन जो है 1×10⁶ मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। एक लंबा वायर है, 20 एम्पीयर की करंट है, कितने डिस्टेंस पर बेटा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रॉन है, वो मोशन में है, उसकी वेलोसिटी दे रखा है 1×10⁶ मीटर पर क्या सेकंड है। कह रखा है इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है, इलेक्ट्रॉन पर क्या है बेटा फोर्स पूछ रखा है पहले, तो फोर्स अगर पूछ रखा है तो मैं जानता हूँ F बराबर IBL, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है तो ये फार्मूला नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स है तो फार्मूला होगा QVB sin थीटा। तो इलेक्ट्रॉन है तो E, वेलोसिटी तो दिया हुआ है सर, B नहीं पता है, मैग्नेटिक फील्ड तो करंट कैरिंग ये कंडक्टर है, इसके कारण जो फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर से इतने डिस्टेंस पर 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर फील्ड μ0/4π2I/ क्या होगा R होगा, और साइन तो आप देख ही पा रहे हैं कि भैया साइन 90 होगा, पूछो कैसे भैया, फील्ड अंदर है इलेक्ट्रॉन ऊपर है तो साइन 90 होगा। सर वैल्यूज पुट कर दीजिए, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड का 1×10⁻¹ न्यूटन एम्पियर स्क्वायर, 2 आई की वैल्यू 2 एम्पियर, आर डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को आप लिख सकते हैं 10⁻¹ मीटर, साइन 91 होता है सर, एम्पियर से एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, गुलाम पर सेकंड से एक और एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, कुल मिलाकर न्यूटन बचता है। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए 10⁻¹⁹ +6 -7 +1, -1 से ऊपर गया +1 हो गया सर, फोर्स में केवल न्यूटन आया आंसर, 6.4×10⁻¹ क्या हो जाएगा खत्म, -19 न्यूटन। ये फोर्स की इसमें -18 दे रखा है, अब इनके -18 देने का क्या मतलब है भाई, माइनस 18 का मतलब कहीं मेरा फॉल्ट हो रहा है, E हो गया सर 6 हो गया, और ये देखिए -7 है ये, और यहाँ पर ये +6 है, -7 +6 -1, अब ये तो हो गया है 2×2 = 4, ये भी सही है 2×I, कुछ फॉल्ट तो नहीं हुआ मेरा। करंट 20 एम्पियर है, मैंने 2 एम्पियर लिया है ना, ये करंट 20 एम्पियर है बेटा, 20 एम्पियर है, वो मैंने लिखा सही था लेकिन दिख नहीं रहा, अब 20 एम्पियर एक जीरो और बढ़ गया और क्या +1, तो 6.4×10⁻¹⁸ न्यूटन। फिर सेकंड केस में कह रहा है क्वेश्चन कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो किसके डायरेक्शन में, वो तार के पैरेलल मूव कर रहा है, करंट के पैरेलल, दोनों ऊपर, तो भैया आपको पता है अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर तो करंट नीचे, इलेक्ट्रॉन के कारण करंट नीचे आ जाएगा, अब इलेक्ट्रॉन के कारण करंट नीचे तो फोर्स का डायरेक्शन निकाल लीजिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार, फील्ड अंदर की ओर, करंट नीचे की ओर, फोर्स किस ओर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, यानी फोर्स अगर आपको दिखता है तो बाहर की ओर, इधर इसी दूरी की दिशा में बाहर की ओर फोर्स, ठीक है। अब क्या चीज कह रखा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है तार की ओर गतिमान है, तार की ओर गतिमान है, तो भैया अब आप ये समझ लीजिए कि तार की ओर अगर गतिमान है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले, इस तरफ चले, इस तरफ, तो करंट इस तरफ, हाँ इधर, तो करंट इस तरफ, तो फिर भैया और फील्ड तो अंदर ही है, फील्ड तो अंदर ही है, तो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स तो यही रहेगा EVB sin थीटा, यही आएगा भाई, फर्क क्या पड़ता है, फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की बजाय इधर चल रहा है तार की ओर, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो करंट इस तरफ जा रहा है, तो फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, ये फील्ड अंदर करंट इस तरफ, चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट उसके अपोजिट, फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो फोर्स किसकी ओर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। समझ गए इस चीज को, इलेक्ट्रॉन अगर तार की ओर गतिमान है तो फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, ऊपर की ओर, आपने देख ही लिया। अब उसके बाद अगला केस क्या कह रखा है,
अगर कह दे कि इलेक्ट्रॉन जो है, अगला कुछ नहीं भी कह रहा है, उपरोक्त दोनों दिशाओं के लंबवत है, उपरोक्त दोनों दिशाओं के क्या हो जाए, लंबवत चले। उपरोक्त दोनों दिशा कौन कौन, एक बार तो इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा था, एक बार इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा था, दोनों बार चल चुका है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन इन दोनों के लंबवत, तो एक का तरीका है, या तो इलेक्ट्रॉन अंदर घुस जाए या तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। अगर इलेक्ट्रॉन अंदर घुस गया तो करंट बाहर आएगा, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के कैसे हो जाएगा, पैरेलल, चूंकि फील्ड अंदर है, इलेक्ट्रॉन भी अंदर गया तो करंट बाहर आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना, 180। और अगर फील्ड तो अंदर ही है, अगर फील्ड तो अंदर ही है, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, इन दोनों के लंबवत दो ही बात हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉन अंदर जाए तो इलेक्ट्रॉन बाहर, और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो करंट अंदर जाएगा, फील्ड अंदर ही है, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री। यानी दोनों ही कंडीशन में जो फोर्स होगा क्यू वी बी साइन चाहे 0 डिग्री और चाहे साइन 180 डिग्री, दोनों कंडीशन में फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। ठीक है, नंबर क्या है, दो सीधे तार हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 75 सेंटीमीटर है और इनमें 5 एम्पियर की करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, सेम 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन में। ठीक है ना, कह रहा है एक वायर के कारण दूसरे वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैलकुलेट करिए। एक वायर के कारण दूसरे पर मैग्नेटिक फील्ड, इनके कारण इन पर मैग्नेटिक फील्ड, इनके कारण इन पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा और इनके कारण इन पर मैग्नेटिक फील्ड, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पॉम के फर्स्ट रूल राइट हैंड, इनके कारण इन पर फोर्स बाहर की ओर होगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड में निकाल दूं 2I/R इस फार्मूले से, आराम से 2I 5 एम्पियर, डिस्टेंस 75 × 10⁻²⁪ मीटर, एक एम्पियर घट जाएगा, एक एम्पियर बचा रहेगा। और सर मैं आपको बता दूं 5 ये हो जाएगा 15, तो बचा कितना 2 है। अब आप देखो -2 ऊपर चला जाएगा 200 हो जाएगा, 200/15 हो गया और कुल मिलाकर बचा 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर मीटर का मतलब टेस्ला। सर 5 × 15 ये हो गया 40/3, ये हो गया 40/3 सही है, चाहो तो 4/3 लिख दो, -6 टेस्ला हो जाएगा, एक जीरो खत्म। फिर कह रखा है कि एक किसी भी वायर के, ये इसके चाहे ये इसके, 3 मीटर लंबाई पर फोर्स, कितने लंबाई पर 3 मीटर लगा दो करंट 5 एम्पीयर मैग्नेटिक फील्ड 4/3 × 10⁻⁶ टेस्ला का मतलब लेंथ 3 मीटर लेंथ पर साइन 91, फील्ड अंदर है करंट ऊपर है, या फिर फील्ड बाहर है करंट ऊपर, एंगल 90 होगा, 5 × 20 = 6 न्यूटन, सही सही देखा जाए 2×10⁻⁵ न्यूटन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, बीच बीच में डिस्टर्ब हो जा रहा था। 49, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है और कह रखा है कि इनके बिल्कुल बीचों बीच मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, और जब उनमें करंट आई और 2I है। और एक चीज बता दूं कि इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है, देना चाहिए था, करंट का डायरेक्शन देना चाहिए था, अब नहीं दिया है। और हम मान लेते हैं कि करंट का डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में करंट है, तो इसके कारण जो फील्ड होगा, इसके कारण वो कहां की ओर होगा, अंदर की ओर, ये पहले वाले कारण अंदर की ओर, और दूसरे वाले कारण जो करंट होगा वो कहां की ओर होगा, बाहर की ओर, और नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा B1 डिफरेंस B2। अब डेफिनेटली ये क्लियर है
भी अगर यहाँ से डिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ से भी डिस्टेंस आ रही है, चूंकि बीचों बीच है वो पॉइंट। अब एक चीज़ और देख लीजिए, वो क्या है कि भैया इन दोनों में ज़्यादा कौन होगा, तो जिसका करंट ज़्यादा उसका फील्ड भी ज़्यादा होगा, यानी बी नेट हमको बी दिया है, तो जिसका करंट ज़्यादा है दूसरे वाले में करंट ज़्यादा है, दूसरे वायर में, पहले वायर में करंट कम है तो दूसरे वायर का यानी बाहर की ओर फील्ड भी ज़्यादा है, तो आप बी टू में से घटा दो बी वन को। सवाल ने कहा है कि नेट फील्ड बीच में बी है, बी टू म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई टू अपान आर, इस करंट को आई टू कह देते हैं और इस करंट को आई वन, और माइनस बी वन म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई वन अपान आर, कॉमन क्या होगा म्यू जीरो अपान फोर पाई टू कॉमन हो जाएगा, आर कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या आई टू माइनस क्या आई वन, म्यू जीरो अपान फोर पाई टू अपान आर, सर आई टू माइनस आई वन, आई टू टू आई है और आई वन आई घटा दोगे आई आएगा। ये तो हो गया नेट मैग्नेटिक फील्ड बीचों बीच, ठीक है। अब प्रश्न ये है, थोड़ा आराम से, अब प्रश्न क्या है कि भैया अगर एक में करंट जीरो कर दें, किस में करंट जीरो कर दें, बीच वाले में, बीच वाले में सब इस वाले में करंट जीरो कर दें, सवाल ने कहा है कि I1 इज इक्वल टू जीरो, तब इसके कारण कोई फील्ड नहीं होगा, इसके कारण कोई फील्ड नहीं होगा यहाँ पर, तब केवल दूसरे वाले कारण होगा फील्ड, दूसरे वाले कारण फील्ड यानी बी टू म्यू जीरो अपान फोर पाई टू, दूसरे वाले में करंट आई टू अपान आर, आराम से भाई, आई टू मतलब टू आई अपान आर, दो को कॉमन कर लो, म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई अपान आर, और इसकी वैल्यू सवाल ने पहले ही प्रोवाइड कर रखी है बी, यानी पहले का कई गुना हो जाएगा, दो गुना हो जाएगा, क्या है करंट एक एम्पियर तीन एम्पियर, यहाँ पर एक प्रोटॉन है बीचों बीच, टोटल डिस्टेंस दो सेंटीमीटर, बीचों बीच एक प्रोटॉन है 10^6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की ओर मोशन में है, पूछ रखा प्रोटॉन पर कितना फोर्स लगेगा। मैं स्पष्ट जानता हूँ कि अगर इसकी वेलोसिटी है, ये प्रोटॉन है ठीक है ना, तो उस पर जो फोर्स लगेगा क्यू वी बी साइन थीटा, सर हमको क्यू पता है प्रोटॉन के लिए ई, वेलोसिटी पता है बी, जो नहीं पता है वो बी है, जो नहीं पता है वो थीटा है, तो थीटा पता करो और बी पता लगा लेंगे। सर देख लीजिए पहले वायर ये दूसरे वायर, पहले वायर के कारण यहाँ पर एक फील्ड होगा वो अंदर की ओर होगा, फर्स्ट वायर के कारण जो फील्ड होगा वो इंटरनल होगा, सेकंड वायर के कारण जो फील्ड होगा करंट नीचे है इस पॉइंट पर निकालना है वो भी अंदर की ओर होगा, कुल मिलाकर दोनों वायर का कारण फील्ड अंदर होगा, तो नेट फील्ड इस पॉइंट पर जो होगा वो बी वन और प्लस बी टू होगा, म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई वन अपान आर, बीचों बीच निकालना है म्यू जीरो अपान फोर पाई टू आई टू अपान अपान आर, सर दो बार निकालना है आई वन आई टू, सर दोनों को ऐड कर देना है, तो म्यू जीरो अपान फोर पाई कॉमन कर लो, टू अपान आर कॉमन कर लो, आई वन प्लस क्या हो जाएगा आई टू, सर म्यू जीरो अपान फोर पाई का टू, करंट की वैल्यू आई एम सॉरी आर, टोटल डिस्टेंस दो सेंटीमीटर बीचों बीच है तो एक सेंटीमीटर, एक का मतलब गुणे दस की घात माइनस दो मीटर हो गया, आई वन प्लस आई टू ऐड कर दो, एक एम्पियर तीन एम्पियर मिलाकर चार एम्पियर हो गया, सर एक एम्पियर से एक एम्पियर कट जाएगा तो जो बी की वैल्यू आएगी वो सीधी सीधी बात है चार दुनाई आठ ऊपर चला गया माइनस फाइव टेस्ला, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, उसका डायरेक्शन होगा वो इंटरनली होगा अंदर की ओर, क्योंकि दोनों का नेट अंदर की ओर जाएगा। अब प्रोटॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो वही होती है, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, बी आपका आ गया है, और फील्ड अंदर की ओर है और प्रोटॉन ऊपर जा रहा है, तो जिधर प्रोटॉन उधर ही करंट,
ऊपरी प्रोटॉन, ऊपरी करंट, फील्ड अंदर, एंगल 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। एम्पियर से कूलम पर सेकंड कट जाएगा, मीटर से मीटर, न्यूटन बचेगा। अब बाकी यूनिट्स की बात कर दें, हो तो गया माइनस 19 प्लस 6 माइनस 5 न्यूटन। फोर्स आपको पता लग चुका है किससे, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। फील्ड अंदर है, करंट ऊपर जा रहा है, चूंकि प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर जाएगा तो करंट भी ऊपर, फील्ड अंदर, फोर्स इस तरफ लगेगा लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, यानी पहले वायर की ओर जो लगेगा फोर्स, ठीक है ना, फोर्स लेफ्ट लगेगा टूवर्ड्स फर्स्ट वायर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अनुसार। 16 8 6 48 128 1.28 10 to the power -18 न्यूटन। आप चाहें तो 1.28 10 to the power -17 न्यूटन टूवर्ड्स द वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। 51 क्या है, करका की दो लंबे समांतर तार 3 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 2 एम्पियर 3 एम्पियर की करंट है दोनों में, ठीक है ना, और एक दूसरे के प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल, भैया दो वायर 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, 2 एम्पियर 3 एम्पियर एक दूसरे की प्रति एकांक लंबाई पर, सीधी सीधी बात है ये, बिल्कुल सिंपल फार्मूले पर सवाल है। इसकी वैल्यू 2 I1 3 2 एम्पियर, डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर का मतलब -2 मीटर, 1 एम्पियर से 1 एम्पियर कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, उसके बाद 2 3 से 3 कैंसिल, 2 10 to the power -5 न्यूटन पर क्या मीटर। कमीन ज़्यादा कहाँ, मुझसे गलती हो जाती है। ओ भाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, हट 3 2 और 1 2 तो फार्मूले में ही है ना, I1 I2 की वैल्यू रखोगे ना, समझ गए होगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 52, देख लीजिए क्या है, कह रखा है कि दो वायर्स हैं और इनमें से सबकी लंबाई 0.5 मीटर है, सबकी लंबाई, दोनों वायर्स की लंबाई 0.5 मीटर है, और एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर है, कह रखा 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। कह रखा है कि दोनों में 1 एम्पियर का करंट है, ठीक है, फिर क्या चीज कह रखा है कि उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, उनके बीच कितना क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उनके बीच कितना फोर्स लगेगा, तो निकाल देते हैं, हमको पता है F/L इज इक्वल टू μ0 अपान कितना 4π 2I1 I2 अपान क्या R, ये F/L है, अगर F निकाल दिया जाए, L को इधर भेज दिया, फार्मूला लगाओ, I1 की वैल्यू कितनी है, दोनों में 1 एम्पियर, L कितना है 0.5 मीटर, R दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, एम्पियर स्क्वायर से कट जाएगा तो 2 और 0.5 और 2 1 आएगा, 10 to the power कितना बचेगा, मतलब हद है, -7 बचेगा, न्यूटन का फोर्स लगेगा। हद है, कह रखा है कि अगर करंट की वैल्यू दोनों में 2 गुना कर दें और डिस्टेंस को हाफ कर दें तो फोर्स कितना हो जाएगा, करंट की वैल्यू में दोनों में 2 गुना, करंट की वैल्यू दोनों में 2 गुना, मतलब ये अगर करंट की वैल्यू दोनों में 2 गुना कर दें, ये तो यही रहेगा, फोर्स पूछ रहा तब, कह रखा है फोर्स तब कितना होगा अगर करंट की वैल्यू 2 गुना कर दें, 2I1 2I2, मतलब I1 की जगह 2I1, I2 की जगह 2I2, और दो तो एक तो पहले से ये फार्मूले में देख लीजिए, करंट की वैल्यू 2 गुना कर दी मैंने, I1 भी 2I1, I2 भी 2I2, ये दो तो फार्मूले में है, और डिस्टेंस कितना कह रहा है, कह रहा है डिस्टेंस को हाफ कर दो, R को R/2 कर दो, तब फोर्स पूछ रखा है, तब फोर्स मल्टी किया L, L में कोई चेंज नहीं, तब फोर्स भैया μ0/4π सर 2I1 I2 अपान R और ये इंटू L, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 4 और ये 2 ऊपर गया 8 हो गया, मल्टी 8 हो गया 8, और ये जो वैल्यू है μ0/4π 2 I1 I2 upon R यही हमारा कौन है F है हमारा, यही कौन है F, μ0/4π 2 I1 I2 upon R into L F है, यानी बल पहले का क्या गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा अगर ऐसा तुमने कर दिया तो।
नंबर, दो वायर्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.06 मीटर है, 0.06 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस है। करक्का के दोनों में करंट एक ही डायरेक्शन में है, I1 I2 सेम डायरेक्शन में करंट है। करक्का की पर मीटर लेंथ पर, इन पर जो मतलब एक दूसरे की प्रति एकांक लंबाई पर, पर यूनिट लेंथ पर जो फोर्स लग रहा है 3×10⁻³ न्यूटन का आकर्षण लग रहा है, अट्रैक्शन पर यूनिट लेंथ पर। करक्का किसी एक वायर में करंट, सेम करंट फ्लो हो रहा है, ये भी दे रखा है कि करंट भी क्या है सेम है, ठीक है ना। करक्का करंट की वैल्यू बता दीजिए, बहुत सिंपल है भैया, बहुत सिंपल है, F/L तो दे रहा है, μ0/4π की वैल्यू रख दो, II का I² इनके बीच का डिस्टेंस 0.06 मीटर, मतलब हद कर दिया है, 1 एम्पियर मतलब हद है, हो गया ना। ये न्यूटन पर मीटर है, प्रत्येकांक लंबाई पर फोर्स है यार, न्यूटन पर मीटर, एक दूसरे की प्रत्येकांक लंबाई पर है, न्यूटन पर मीटर होगा, चिरकुटाई करके रख दियो तुम लोग, कभी कभी मुझे गुस्सा आ जाती है। हाँ, 2×0 बढ़ा दो यहाँ पर, 200 हो गया, अब क्या बचा है 3, आई स्क्वायर निकालना है, ध्यान से देखो, 3×10⁻³, 6 इधर चला जाएगा, फिर 2 नीचे आ जाएगा, 10⁻⁷ भी नीचे आ जाएगा, और 2 जीरो भी यहाँ पर लगा हुआ है, 2 जीरो ये भी नीचे आ जाएगा, फिर आई स्क्वायर बताया, फिर ये एम्पियर स्क्वायर इधर चला जाएगा। कितना बढ़िया सवाल है, झमझम पाड़े, 3×9 10⁻³ + 7 - 2 हाँ एम्पियर स्क्वायर, कुल मिलाकर आई स्क्वायर बराबर 9 × सर 3×5 + 2 एम्पियर स्क्वायर, आई हटाओ यहाँ से अंडर रूट लगाओ, 3×10⁻¹ एम्पियर, 30 एम्पियर करंट है, ठीक है। अब गुणा भाग भी करना है। 54 नंबर प्रश्न क्या है, कह रखा है दो लंबे क्षैतिज तार एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में रखे गए हैं, हई ठीक है ना, दोनों तार हैं एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर पर, 2 सेंटीमीटर दूरी पर ऊर्ध्वाधर तल में रखे गए हैं ठीक है भैया। कह रखा है कि दोनों तार में एक ही दिशा में करंट है, हो गया फिर, और सेम करंट बह रहा भैया, ये भी सही है, सब तो है। नीचे के तार का द्रव्यमान 50 मिलीग्राम प्रति सेंटीमीटर है, इसका मास 50 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है, मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 50 - 3 ठीक है ना, -3 और करके इसको किलोग्राम कर सकता हूँ, ग्राम को किलोग्राम बदल दिया, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए ये हो गया, यानी सही अर्थों में क्या लिख सकता हूँ, 5×10⁻³ किलोग्राम पर मीटर, नीचे वाले। करक्का तारों में कितनी धारा है कि नीचे का तार भारहीन हो, ये भारहीन कैसे होगा, इसका वेट नीचे की ओर कितना है, mg है, ये भारहीन तब होगा जब इस पर इतने फोर्स ऊपर लगे, और फोर्स ऊपर तब लगेगा जब दोनों तारों में करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन, तो ये अगर ये ऊपर इस पर जितना अट्रैक्शन लग रहा है F, अगर वो किसके बराबर हो जाए, mg के बराबर हो जाए, ठीक है ना। तो अब आपको बता देता हूँ एक चीज, सबसे बड़ी चीज, ये m/ क्या दिया है, l दिया है, तो एक काम करो पर यूनिट लेंथ पर, और ये भी mg/ क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, सिंपल, और F/L μ0/4π, F/L अट्रैक्शन जो लगता है एक दूसरे की प्रतिकांग लंबाई पर, 2I² / r, और ये mg/L है, mg/L है, हो जाएगा बेटा, वैल्यू रखो 1×10⁻⁷ न्यूटन
पर एम्पियर स्क्वायर, टू आई स्क्वायर, सर आर इनके बीच टू सेंटीमीटर हो गया, और एम जी बाई एल, एम बरा एम 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 बाई एल तुमको पता है, पक्के पक्के पता है, 5×10⁻³ किलोग्राम पर मीटर। अब रही बात जी की, अब जी की वैल्यू सवलवा नहीं दे रहा है तो का कर दें हम, तो हम भी एक काम करेंगे 10 न्यूटन पर केजी रख देंगे, केजी केजी धड़ाम से उड़ जाएगा, मीटर मीटर धड़ाम से उड़ जाएगा, तो भैया न्यूटन से न्यूटन भी उड़ जाएगा, दुई से दुई भी उड़ जाएगा, तो बचेगा क्या, तो बचा 10⁻⁷, और ये -2 पड़ जाएगा, +2 हो जाएगा, 1/एम्पियर² हो जाएगा, और ये भी आई का स्क्वायर है, फिर 5×10⁻³, और ये +10 है तो ये -2 हो जाएगा, हाँ कुछ बचा ही नहीं अब यहाँ पर। अब देख लीजिए कुल मिलाकर जो बचा यही कर दे रहे हैं, समय समाप्त है मेरा, आई स्क्वायर बराबर सर इस -5 हो जाएगा, और -5 जाएगा इसके नीचे, -5 उसके नीचे जाएगा, और एम्पियर स्क्वायर का इधर मल्टी हो जाएगा, और इसमें 70 एम्पियर दे रहा है, मैंने कहीं कुछ फॉल्ट तो नहीं किया, सब कुछ तो बढ़िया दे रखा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो आना होगा अपना आएगा ही, जो आना होगा आएगा, हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, जाओ -3 एम्पियर स्क्वायर, सॉरी +3, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर बराबर एम्पियर स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 50×10⁻² एम्पियर स्क्वायर, ये आई स्क्वायर बराबर, तो आई बराबर 50 का 7 हो गया, 10⁻² का 10 एम्पियर, यानी लगभग 70 एम्पियर, ठीक है दोनों तारों में करेंट, अब समझ गए 70 एम्पियर भेजोगे तो इस पर इतना अट्रैक्शन लगेगा जितना इसका वेट है, 50 को 49 लिख सकते हैं, इसलिए 49 का वर्गमूल 7 है।